हेलो बच्चों आइए आप लोग अपना एक क्वेश्चन फिजिक्स में बिल्कुल बेटा जो वेव से एक क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स है उसको आप अपना नंबर बिल्कुल ही फिक्स कर लीजिए वन क्वेश्चन बिल्कुल ही कहाँ से तो ये इसको देख करके समझ गए होंगे कि यह कौन सा चैप्टर शुरू होने जा रहा है तो कैसे है आप लोग बेटा फर्स्ट क्लास प्राइज लेकर चल रही है जम करके चलो बेटा आजा देखो तो यहाँ पर हो क्या रहा है बड़ा रंगीन फिगर बेटा यहाँ पर हो क्या रहा है एक वेव यह है बेटा देखो एक वेब यहां पर देखो बेटा कि एक वेब तो यह है आपकी बेटा एक वेब आपकी यहां पर है और दूसरी वेब यहां पर है यस तो तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसे पहले वाला लेक्चर आपका जस्ट पूरा हो गया होगा बेटा और वहां पर स्टेशनरी वेब हम लोग रहे थे और अब अब जो वेब में बचा हुआ पोर्शन है हम लोग उसको फिनिश करने जा रहे हैं और पोर्शन है बीट यहां से बेटा आपका एक नंबर बिल्कुल एक क्वेश्चन आप, आपका बिल्कुल ही फिक्स है आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स है और यह इसलिए भी फिक्स है बेटा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स इसलिए भी आते हैं क्योंकि थोड़ा चैप्टर इन कंपेरिजन टू अदर चैप्टर दिस इज द इजी चैप्टर तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स कर लिए थोड़ा सा समझना बेटा थोड़ी थ्यूरी समझ लेना थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना है और एक क्वेश्चन अपना बिल्कुल ही पक्का कर देना है चलो देखो क्या है बेटा यहाँ पे <coughs> चैप्टर का नाम है आपका बीट बीट होता ही क्या है बेटा अब यहां पे देख रहे हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत दो डायग्राम बने हुए हैं बेटा यहां पर कि वेव है पहली वेव है हमारी वाई वन इक्वल टू सो मच टू का फर्स्ट वेव मूविंग सेकंडल टू टू का फ्रिक्वेंसी हियर इज बेटा हियर इज एन वन एंड फ्रीक्वेंसी हियर इज एन टू ओके बोथ वेव इन द बोथ इन द सेम मीडियम मीन्स कि क्या हुआ कि दो वेव यदि कहीं पर भी हो बेटा और यदि वह एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही हो या उनका ट्रेवलिंग दो बेटा एक ही मीडिया में ट्रेवल कर रही है दो वेव और दोनों वेव कैसी हो येस देर बी सम्लाइटी देर आर फ्रीक्वेंसी बी सम स्लाइटली डिफरेंट दिस हैज फ्रीक्वेंसी एन वन दिस फ्रीक्वेंसी हैज एन टू बोथ आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन देन वट विल हैपन देर विल बी सुपर पोजिशन ऑफ दिसपर पोजिशन अध्यारोपण क्या बेटा अप अच्छी तरह से जानते हो ओके और अध्यारोपण के कितने रिजल्ट होते बेटा तो ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि अध्यारोपण के कितने रिजल्ट होते बेटा मीस सुपर पोजिशन के कितने रिजल्ट होते हैं तो दे आर थ्री रिजल्ट ऑफ द सुपर पोजिशन नंबर वन इज द फॉर्मेशन ऑफ दन इज द इंटरफेयरेंस एंड सेकंड इज द सुपर पोजिशन यस yes, बेटा रिजल्ट ऑफ द सुपरपोजिशन इज द फार्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव एंड नंबर थर्ड इज द बीट फार्मेशन ऑफ द बीट्स तो बीट्स होता क्या है तो पहले आज, आज साथ देखा जाए कि यह डायग्राम में हो क्या रहा है एक वेव चल रही है बेटा ट्रेवल कर रही है मीडियम में यह दूसरी वेव है ट्रेवल कर रही है मीडियम में दोनों की दिशाएं एक है ना बेटा दोनों की दिशाएं एक है और इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा डिफरेंट है ये इसकी है फ्रीक्वेंसी एन वन और इसकी है फ्रीक्वेंसी बेटा एन टू डू टू द सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स व्हाट इज हैपनिंग येस yes, देखो बेटा वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू यू नो दट दिस इ प्रिंसिपल ऑफ द सुपर पोजिशन बेटा हम दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन तो दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों का डिसप्लेसमेंट बेटा क्या हो रहा है वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू मीन्स दिस इज द वैक्टर एडिशन वाई वन प्लस वाई टू देखो बेटा अब इन दोनों का रिजल्ट जो आ रहा है बेटा माइंड हेयर इन दोनों का रिजल्ट आ रहा है बेटा इन दोनों का जोड़ेंगे तो रिजल्ट आया है कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी हम लोग इसको जोड़ करके दिखाएंगे पूरा मैथमेटिकली प्रूव करूंगा अभी बेटा तो इनको जोड़ने पर रिजल्ट आया है वाई इक्वल टू ए बी कॉस टू बाई एन वन प्लस एन टू इन टू टी आया बेटा देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप एन वन प्लस एन टू अपान टू इसका मतलब क्या हुआ बेटा इसका मतलब ये हुआ कि एक वेव हमारी थी किसने की एन वन फ्रीक्वेंसी की दूसरी वेव हमारी कितनी है बेटा एन टू फ्रीक्वेंसी की तो देख रहे हैं हम यह है कि दोनों का एवरेज वेवलेंथ हो गया एवरेज फ्रीक्वेंसी हो गई ना एन वन प्लस एन टू अपान टू यानी कि फ्रीक्वेंसी बिकम्स एवरेज फ्रीक्वेंसी बिकम्स एवरेज माइंड हेयर ओके बेटा और जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया यानी क्या है दो वेव एक दिशा में चल रही हैं एक दिशा में चल रही है दोनों वेव दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट बेटा देख रहे हैं तो तो इन दोनों का जब ये दोनों मिल रही है ना बेटा देखिए ये दोनों जब मिल रही हैं तो मिल करके इन दोनों का रिजल्ट ई आया देख रहे हैं बेटा तो ऐसे सिचुएशन हो रहा है ये बना रही है अब इसमें क्या हो रहा है बेटा इसमें ये हुआ कि इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड बेटा इसका एम्पलीट्यूड, दोनों के एम्पलीट्यूड देखो बेटा कहीं पर दोनों प्लस हो जा रहे हैं और कहीं पर दोनों माइनस हो जा रहे हैं यानी कि इसका जो बेटा इसका जो एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड इसका कितना हो रहा है बेटा टू ए हो गया

और यह खुद ही एक वेव बन गई बन गई ना देखो बेटा यह खुद ही एक साइन कर बेटा जैसे स्टेशनरी वेव बनती थी ठीक वैसे ही एक एक खुद वेव बन गई तो जो यह वेव बनी ये कैसी वेव दिख रही है इसका मतलब ये है बेटा कि जो यहाँ एम्प्लीट्यूड था और जो यहाँ फ्रीक्वेंसी थी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटा देखो इस वेव की फ्रीक्वेंसी इस वेव की फ्रीक्वेंसी थी एनवन इस वेब की फ्रीक्वेंसी थी एन टू तो अब इनकी एवरेज फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई एन वन प्लस एन टू अपन टू एवरेज फ्रीक्वेंसी अभी इनकी हो गई इसकी और एम्पलीट्यूड में क्या हुआ एम्पलीट्यूड देखो बेटा मैक्सिमा मिनिमा यानी कि मैक्सिमा हो रहा है फिर मिनिमम हो गया फिर मैक्सिमम हो रहा है फिर मिनिमम हो गया फिर मैक्सिमम हो रहा है बेटा फिर मिनिमम यानी क्रम कंटिन्यू चलता रहेगा और रिजल्टेंट वेव अब जो आई हो कितनी आ गई तो y इक्वल टू अब जो रिजल्टेंट वेव आई टू कॉस टू पाई एन वन प्लस एन टू बाई टू टी बाहर कर सकते हो बेटा यहाँ पर कास फिर यहाँ पर देखो एन वन ना बेटा एन वन माइनस एन टू अपन टू इन तो दिस इज द रिजल्ट कैसे आएगा मैं अभी आगे प्रूफ करूंगा बेटा तो दिस इज द रिजल्ट इस रिजल्ट को आप नोट कर लीजिए तो अब जो यह बन रहा है ये जो बन रहा है बेटा यह जो बन रहा है, है यानी कि एम्पलीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है कैसे वेरी कर रहा है ना यह जो बन रहा है इसी को बीट कहते हैं दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बीट यह है उसका डायग्राम की बीट होता क्या है आप जाए देखो बेटा यह जो इन्वेलप है यानी कि जो जो यह रेड कलर की वेव हमारी नई बनी हुई है तो इसको कहते हैं इन्वेलप तो इन्वेलप बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर बेटा फॉर्म ए न्यू टाइप ऑफ द वे विच इक्वेशन इज सो मच बेटा यानी कि किसका है देखो देखो यह 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 जो यह देखे, यह जो देखे, यह जो देखिए बेटा रेड कलर की वेव बनी हुई है इसी का यह इक्वेशन है यानी कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस वेव नई वेव आपको दो वेव मिल करके नई वेव बना रही है जो नई वेव बनी वो इस टाइप की है ऐसा क्यों हुआ अभी हम लोग बाई मैथमेटिक्स इसको प्रूफ करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ बीटू टू कॉस टू पाई एन वन प्लस एन टू टू इन बेटा इक्वेशन ऑफ बीट हो गया बेटा चलिए अब ये फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है यानी कि अच्छा अब देखो बेटा क्या हो रहा है जो फ्रीक्वेंसी अब यहां पर हम कह सकते हैं कि यह जो वेव हो क्या हो रही है बेटा इसका एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है ना देख रहे हो ना तो हम यह कह सकते हैं बेटा कि फ्रीक्वेंसी तो फिक्स हो गई फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट तो है लेकिन एम्पलीट्यूड में वेरिएशन देख रहे हैं एम्पलीट्यूड का मॉडिफिकेशन हो रहा है यानी कि मॉडुलेशन हो रहा है दे बेटा तो फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन एवरेज फ्रीक्वेंसी है तो एवरेज फ्रीक्वेंसी हो गई बेटा और यहाँ पर ये सब कहते हैं देखिए अब यह एनवन प्लस एंट्रोबाइटी को कहते हैं बेटा एवरेज 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 फ्रीक्वेंसी अब हो गई एन वन माइनस एन टू बेटा यहाँ पे यह हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट कहाँ से आई कैसे आई क्या है इसका मतलब मैं आगे अभी डिटेल बताऊंगा बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनवल्प वनली बाय बाई ह्यूमन बींग ऑडिबल फ्रीक्वेंसी अब ध्यान देना बेटा कि यह जो फ्रीक्वेंसी है जो बीट की फ्रीक्वेंसी देखो बेटा कितनी है बीट की फ्रीक्वेंसी बीट की फ्रीक्वेंसी है एनवन माइनस एन टू अपॉन टू ना बेटा कहते हैं बीट की फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट ये नोट करो बेटा माइनसू टू को कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट बोलते हैं और यह क्या है यह है एवरेज फ्रीक्वेंसी ओके अब देख रहे बेटा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है जो व्यक्ति सुनता है वो क्या होती है तो वह उसको कहते हैं बेटा टू इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ द बीट यानी कि जो हम लोग सुनते हैं बेटा वह टू इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ बीट को हम लोग सुनते हैं यानी कि मीन की फ्रीक्वेंसी ऑडिबल ऑडिबल फ्रिक्वेंसी कितना बेटा ऑडिबल फ्रिक्वेंसी टू इन टू एन वन माइनस एन टू अपॉइन टू यानी कि एन टू हम लोग सुनते हैं बेटा है ना इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसी को कहते हैं बीट क्या है बेटा तो अब क्वेश्चन ये हुआ ना बेटा इसी को कहते हैं हम लोग बीट पर सेकेंड ना बेटा इसी को कहते हैं बीट पर सेकेंड तो अब क्वेश्चन ये हुआ बेटा कि यहां पर जो भी कुछ बना हुआ है डायग्राम में बेटा यहाँ पर जो भी कुछ बना हुआ है बेटा तो ये इसका इक्वेशन है ये क्या बना रहा है तो देख रहे हैं लोग कि दो वेव है बेटा देखिए ये दो वेव है नंबर वन नंबर टू तो अब सीधे शब्दों में कहा जाए कि बीट क्या होता है तो कैसे डिफाइन करेंगे क्या कहेंगे कहेंगे कि कंटिन्यूस राइजिंग एंड फॉलिंग यानी देखो बेटा यहाँ पे कंटिन्यूस राइजिंग एंड फॉलिंग यानी कि ऊपर यानी कि एम्पलीट्यूड का बढ़ना और कम होना एम्पलीटूड सीधे किससे रिलेटेड होता है इंटेंसिटी से यानी कि लाउडनेस से तो आवाज़ का बढ़ना और आवाज़ का कम होना यानी कि कहीं पर भी कोई भी साउंड है तो इंटेंसिटी का कंटिन्यूस बढ़ना और गिरना यानी कि घटना तो बढ़ना यानी कि मैक्सिमा होना और मैक्सिमा से फिर मिनिमा होना मैक्सिमा होना मिनिमा होना मैक्सिमा होना मिनिमा होना, होना तो एक सेकंड में कितनी बार मैक्सिमा हुआ यानी यह कितनी बार मैक्सिमा हुआ एक सेकंड में और कितनी बार मिनिमा हुआ एक सेकंड में तो जितने एक सेकंड में जितनी बार ये मैक्सिमा हुआ होगा बेटा या जितनी बार मैक्सिमा हुआ होगा उतनी बार मिनिमा हुआ होगा तो एक सेकंड में जितनी बार मैक्सिमा हुआ या एक सेकंड में जितनी बार ये मिनिमा हुआ उसी को कहते हैं बीट दैट इज़ नो नाइज बीट और अब यदि दो वेव हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी एन वन और एन टू है तो जो उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है दैट विल बी श्योरली दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द बीट द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ द्रिक्वेंसी इज एन वन माइनस एन टू विल बी नोन एज द नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड एंड द एवरेज ऑफ दिस यानी कि एन वन प्लस एन टू अपॉन टू विल बी एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द फाइनल वेव ओके बेटा तो ये है आपका बीट तो कहीं पर भी अब आपको लिखना बेटा क्या है अब आइए जैसा एक लाइन यहां पर ले दीजिए कि एक्चुअली या बीट तो डायग्राम बना चुके होंगे बेटा चलो बेटा अब यहां पे देखेगा कि एक्चुअली बीट होता ही क्या है तो आप एक सेकेंड लिखे कि, आ, एक लाइन लिखो बेटा क्या कि कॉन्टिन्यूस ना कॉन्टिन्यूअस राइजिंग एंड फॉलिंग बेटा राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंडा ऑफ साउंड फॉर्मेशन ऑफ बीट बेटा तो उसी को कहते हैं क्या फॉर्मेशन ऑफ बीट्स इसी को बेटा बीट्स चाहते हैं यानी कि यह या इसी को कहते हैं जो प्रोसेस ना इसको कहते हैं बीट का बनना और नंबर ऑफ बीट कितना हुआ तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ बीट्स बराबर कितना होगा बेटा तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर ऑफ बीट्स हो है जो पहली फ्रीक्वेंसी है वेव की ज्यादा वाली उसमें से दूसरी फ्रीक्वेंसी कम वाली इन दोनों को बेटा एनुअमल माइन सेंटू कर देंगे तो क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ बीट्स तो यह चैप्टर बीट एक क्वेश्चन यहां से आता है बेटा बिल्कुल फिक्स है और क्वेश्चन चूंकि यह चैप्टर आसान है इन कंपेरिजन टू द अदर चैप्टर यह आसान है तो यह और छोटा चैप्टर है तो मैं अभी तुरंत इसकी थ्योरी फिनिश कर रहा हूँ थ्योरी फिनिश करने के बाद बहुत ही मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन कराऊंगा शुरू के जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही आसान होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं नीट के लिए और आई एडवांस भी मैं इसी में डाल दिया हूँ बेटा तो आई और नीट के लिए शुरुआती क्वेश्चन है आई मेन और नीट के लिए शुरुआत में क्वेश्चन बेटा और लास्ट के दो चार क्वेश्चन जो होंगे वो आई एडवांस के लिए हैं लेकिन आप लोगों को सभी बेटा जो मेंस वाले होंगे जो नीट वाले होंगे तो सभी को वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट देखेगा अच्छी तरह से देखेगा या लेक्चर फिनिश करते करते आपका एक क्वेश्चन करेक्ट मैं बसूडेंट कोई डाउट ही नहीं हो बेटा एक क्वेश्चन बिल्कुल ही पक्का आपका रखा हुआ है पी हंड्रेड फिजिक्स मेरा सर क्या देख रहे हैं आप लोग बीट्स ओके कमाल चलो तो नंबर ऑफ द बीट इक्वल टू एन माइनस कहा फ्रीक्वेंसी बीट की क्या होती है तो कहेंगे कि two two होती है उसकी तो यह हो गया बेटा अब चलो देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं तो अभी देखा जाएगा आगे फिनिकल पहले थ्यूरी फिनिश कर दो थोड़ा सा बहुत छोटा सा थ्योरी है इसकी चलिए तो अब यहाँ पर तो मैं कहूँ आपसे कि दो कहीं पर भी बीट का बनने के लिए बीट के फॉर्मेशन के बेटा क्या कंडीशन है क्योंकि तो लोग जानते हैं कि सुपर पोजिशन सुपर पोजिशन के ही तीनों रिजल्ट होते हैं इंटरफेरेंस भी होता है तो सुपर पोजिशन के ही कारण होता है स्टेशनरी वेव यानी कि नॉन प्रोग्रेसिव वेब बनती है तो भी सुपर पोजिशन के ही कारण बनती है और बीट भी बनता है तो भी सुपर पोजिशन के ही कारण बनता है तो कभी कभी कहते हैं कि इंटरफेरेंस इज द काज ऑफ द बीट्स तो कहते हैं हा बेटा यानी कि इंटरफेरेंस भी कर सकते हैं इसको यानी कि इंटरफेरेंस आप कर सकते हैं कि ने डू टू इंटरफेरेंस बीट्स फार्म यानी कि भाई दो इंटर दो वेव जो है वो इंटरफियर कर रही हैं यानी कि सुपरपोज हो रही हैं तो उन्हीं का परिणाम क्या हो रहा है उन्हीं का परिणाम बीट का बनना हो रहा है तो अब आइए चलिए हम लोग देखते हैं बेटा कि बीट में कंडीशन वाला क्या है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले ले लेते बेटा कि कंडीशन क्या है तो कंडीशन में ना देखो बेटा ये नंबर वन कह दिया जाए कि एम्प्लीट्यूड ऑफ द वेव क्या होना चाहिए तो नंबर वन पे लिख दो बेटा कि एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए या एम्पलीट्यूड बेटा ये बिल्कुल एक्जैक्टली सेव होना चाहिए नंबर दो पर लिख दो बेटा कि क्या होना चाहिए डायरेक्शन होना चाहिए क्या तो डायरेक्शन में क्या होना चाहिए बेटा तो डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए बेटा ओके okay? अब नंबर तीन रही बात है बेटा कि ये जो है ये क्या होना चाहिए फ्रीक्वेंसी की कैसी हाल होनी चाहिए बेटा तो फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट बेटा फ्रीक्वेंसी शुड बी स्लाइटली डिफरेंट और जो फ्रिक्वेंसी स्लॉटी डिफरेंट होना चाहिए अब बात रही है कि बेटा कि मान लो कि एक एन वन है और दूसरी एन टू है तो एन वन माइनस एन टू ना बेटा देखो एन वन माइनस एन टू देर शुड बी स्लाइटली देयर शुड बी स्लाइटली डिफरेंस यानी कि एन वन माइनस एन टू की वैल्यू हर हाल में ना बेटा हर हाल में या टेन से कम होना चाहिए ना बेटा या टेन से कम ही होना चाहिए टेन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना? तो कहीं कहीं ट्वेल्व लिखा गया है लेकिन ट्वेल्व नहीं मानते हैं टेन नहीं मानते बेटा तो यह टेन होना चाहिए टेन से कम ही होना चाहिए सवाल ऐसा ऐसा क्यों होना चाहिए ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप जानते बेटा कि लिमिट, ना? तो जानते बेटा कि परसिस्टेंस लिमिटर इक्वल टू टेन सेकेंड होता है बेटा वन ऑफॉन टेन सेकेंड होता है तो परसिस्टेंस लिमिट ऑफ द ईयर यानी कि बेटा कान की जो परसिस्टेंस लिमिट होती है ना वह होती है कितनी वन अपॉन टेन सेकेंड होती है और जबकि परसिस्टेंस लिमिट बेटा आई की कितनी होती है वन अपॉन ट्वेंटी सेकेंड होती है तो परसिस्टेंस लिमिट बता दो बेटा कि होता क्या है एक्चुअली जैसे मान लीजिए कि दो साउंड यदि हमारी हम हमारे ईयर ड्रम पर एक बटा दस सेकेंड के अंदर गिरते हैं तो हम दोनों आवाज अलग अलग नहीं सुन सकते या हैं। यानी यू कहो बेटा कि आई को बेटा ईयर को ईयर को दो आवाज को अलग अलग करने के लिए बीच में टाइम इंटरवल जरूरी है और वो जो टाइम इंटरवल है बेटा वह वन बाई टेन सेकेंड है मीन्स द टाइम मीन्स द देयर शुड बी टाइम डिफरेंस देयर शुड ए इंटरवल बिटवीन द टू टू साउंड ओके टू डिस्टिंग्विश बीच टू सेपरेटली यानी अलग अलग उनको महसूस करने के लिए अलग अलग पहचानने के लिए दोनों साउंड बेटा उनके बीच का जो इंटरवल है वह कम से कम एक बेटा दस सेकेंड मिनिमम है ना बेटा इससे ज़्यादा ही होना चाहिए इससे कम नहीं होना चाहिए यदि इससे कम है तो दोनों साउंड अलग अलग पहचानना मुश्किल है ठीक वैसे ही जैसे आई की परसिस्टेंस लिमिट होती है वन बाई ट्वेंटी सेकेंड तो अब आई की पर में बाए वन बाई ट्वेंटी सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि यदि आई के सामने हमारी आंखों के सामने यदि दो इमेज तीन इमेज पचास इमेज हजार इमेज वन अपान ट्वेंटी सेकेंड के अंदर ला दिए जाएं वन बाई वन बाई वन बाई वन बाई वन तो हम लोग सब एक समझेंगे कि एक ही में हो रहा है सब कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे मान लो कि अभी कहीं पर शूटिंग करना है ना कहीं पर शूटिंग करना है किसी को जहाँ पर मारते हुए दिखाना है तो मान लो कि आज है हाथ उठाया गया है दो महीना बाद जो बेटा उस पर एक गाल पैसे हाथ अलग करके फ़ोटो खींच लिया है और मान लो कि उसे और भी एक्शन उक्शन देना है तो उसी में क्या किया है कि जैसे मान लो कि वो उसने एंग्री मूड बना लिया एक वो फ़ोटो ले लिया गया डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटोग्राफ हैं उनको ले लिया गया और उनको प्रोजेक्टर के उसकी सहायता से आपकी आँखों के सामने एक बटा चालीस सेकेंड और इस समय वीडियोग्राफी जो होती है बेटा उस जो टाइम इंटरवल होता है वन बाई थर्टी एट सेकेंड होता है एक अपान वन अपान थर्टी एट ना बेटा एक बेटा एक, एक आ, क्या बोल देंगे अड़तीस ना वन बाई थर्टी एट सेकेंड टाइम इंटरवल होता है वन अपान बेटा वन अपान ना थर्टी एट सेकेंड होता है वीडियो जो वीडियो कैमरा होता है बेटा वह जब फोटो क्लिक करता है या फोटो हम लोग के सामने जब दिखाता है तो वह इस इंटरवल पर दिखाता है और आई की पास स्ट्रेडमिट है वन अपॉइंट ट्वेंटी सेकेंड और ये वन अपॉइंट थर्टी सेकेंड उसका टाइम इंटरवल है बेटा तो एक बटा अड़तीस सेकेंड के अंदर वो हमको हमारे आंखों के सामने दूसरा फोटो भेज देता है इससे भी कम समय के अंदर बेटा फिर और तीसरा भेज देता है चौथा भेज देता है तो हम लोग को दिखता क्या है हम लोग को दिखता कि बस कंटिन्यू वो चीज़ हो रही है क्यों क्योंकि आई का परसिस्टेंस लिमिट है बेटा वन अपॉइंट ट्वेंटी सेकेंड तो एक बेटा बीस सेकेंड से कम समय में यदि दो फोटो मेरी आंखों के सामने लाया जाए तो हम उनमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे तो ठीक वैसे ही आई आई ईयर के लिए कितना है वन अपॉइंट टेन सेकेंड तो, तो फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना है बेटा टेन सेकेंड क्योंकि यह टाइम इंटरवल है ना तो वन अपॉइंट टेन है तो फ्रीक्वेंसी टेन हो गई ऐसी तो गैप हर हाल में कितना होना चाहिए टेन सेकंड मैक्सिमम गैप टेन सेकेंड है बेटा और हर हाल में इससे कम होना चाहिए तभी हम तभी हम बीट को ऑब्जर्व कर पाएंगे बीट को हम सुन पाएंगे यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा का अंतर समझ पाएंगे ओके तो मैक्सिमा और मिनिमा के अंतर को समझने के लिए यह संख्या है क्या मानी कि जो डेल्टा एन बेटा है तो डेल्टा एन का मान हर हाल में कितना होना चाहिए टेन से लेस होना चाहिए ओके बेटा तो यह है कंडीशन अब आ जाइए अब चलते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन कि यह आता कहां से है होता क्या बेटा तो यह बात तो क्लियर हो गई आपकी बीट क्या होता है बेटा तो नंबर ऑफ मैक्सिमा पर सेकेंड तो आप कह सकते बेटा कि नंबर एक लाइन लीजिए नंबर ऑफ मैक्सिमा ना मैक्सिमा आर मिनिमा पर सेकेंड ना बेटा तो नंबर ऑफ मैक्सिमा आर मिनिमा पर सेकेंड इज कॉल्ड इसी को क्या कहते हैं बेटा इसी को कहते है? हैं कॉल्ड बीट्स बेटा अच्छा फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोलोगे तो कहोगे बेटा कि नंबर ऑफ बीट्स बराबर क्या होगा बेटा तो बराबर हुआ क्या एन वन माइनस एन टू अब कहा जाए बेटा कि दो मैक्सिमा के बीच का टाइम इंटरवल क्या होगा तो कहेंगे आप कि टाइम इंटरवल बेटा टाइम इंटरवल बिटवीन बिटवीन टू मैक्सिमा बराबर क्या होगा बेटा जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा यानी कि डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा वन अपान एन वन माइनस एन टू हो जाएगा बेटा अब यही किसके बीच का रहेगा यही टाइम इंटरवल रहेगा डेल्टा टी किसके बीच टू मिनिमा के बीच ना यही टाइम इंटरवल होगा बेटा टू मिनिमा के बीच भी रहेगा यही दो जो दो मैक्सिमा के बीच होगा वही टाइम इंटरवल दो मिनिमा के बीच होगा क्लियर तो डेल्टा टी इक्वल टू वन अपान एन वन माइनस एन टू किसके बीच बिटवीन बिटवीन टू मिनिमा ओके बेटा तो याद हो गया बेटा तो अब आ जाओ अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल डिराइव कर दें मैथमेटिक दो बेटा तो अब दो देख लिया आपने कंडीशन क्या होना चाहिए चलिए अब मान लीजिए सपोज करिए कि आपके सामने दो वेव है वाई वन इक्वल टू बेटा ए साइन ओमेगा वन टी एक वेव है और दूसरी वेव है वाई टू इक्वल टू ए साइन ओमेगा टू टी ए दूसरी वेव है अब आप कहेंगे कि सर ये तो एस एस एम का इक्वेशन है दिस इज नॉट वेव ना बेटा तो यह वेव नहीं है ये तो पक्का बात है बिल्कुल सही बेटा नहीं है वेव तो ए साइन टू पाई एन वन टी ले सकते हो इसको और इसको ले सकते हो बेटा ए साइन टू पाई एन टू टी अब सवाल यह कि क्या यह वेव का इक्वेशन है नहीं है पक्का नहीं है तो इसको लिया क्यों गया है ओके बेटा आ जा देखो जानते हो कि जब वेव जैसे वेव तो ये होती है न तो जब वेव मीडियम में ट्रेवल करती है बेटा साउंड की बात हो रही है साउंड वेव की तो यह है साउंड वेव बेटा यह है साउंड वेव सपोज करो कि इसकी फ्रीक्वेंसी है एन तो जब यह वेव मीडियम में चलती है तो आप पीछे थ्योरी यदि पी हंड्रेड फिजिक्स पर शुरू से सभी लेक्चर आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं बेटा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको हंड्रेड परसेंट मार्क फिजिक्स में न दे, दे। ना बेटा हंड्रेड परसेंट मार्क आना गारंटी है और हमारे सभी स्टूडेंट बेटा हमेशा फिजिक्स में हंड्रेड परसेंट नंबर लाते हैं हमेशा हंड्रेड परसेंट कई हज़ार डॉक्टर्स तो यह बात तो अच्छी तरह से आप समझ लो बेटा अच्छी तरह से आप सोच लीजिए अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि तो हर लेक्चर अच्छी तरह से आप अपने आप से पूछे प्रोजेक्ट टाइम यदि आज ये वीडियो आप देख रहे हैं तो क्या हर लेक्चर को आपने शुरू से लेकर आज तक मतलब सभी लेक्चर बेटा कंप्लीटली एकदम कंटिन्यूस देख रहे हो और ये देख रहे हो तो बेटा दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपका एक परसेंट भी नंबर कम कर सके फिजिक्स में बेटा हंड्रेड परसेंट नंबर आपका चाहे आई आई के बेटा चाहे नीट के हो हंड्रेड परसेंट नंबर बेटा आई मेंस में और नीट में आना फिक्स है ओके बेटा हाँ अच्छी तरह से चलिए केवल यहाँ पर हम जम के पढ़ाई करते हैं बेटा जम कर केवल पढ़ाई हम लोगों के पास होती है यहाँ पर पी हंड्रेड फिजिक्स पर जीरो से स्टार्ट करता है बेटा एकदम से जीरो से स्टार्ट हो जाता हुआ पहुँचाता हूँ उस लेवल के जहाँ पर आगे जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल ओके का बात तो बेटा तो सपोज़ करिए कि यह एक कोई साउंड वेव है बेटा ठीक है बेटा यह एक साउंड वेव है जो मीडियम में ट्रोवेट करे तो आप जानते हैं बेटा कि जो साउंड वेव होती है वह लॉन्ग्यूजनल वेव होती है तो बेटा ये है लॉन्ग्यूजनल वेव बेटा ये मान लीजिए सपोज करिए कि यह मीडियम के पार्टिकल्स के बेटा ना ये के पार्टिकल्स हैं। तो जानते बेटा बेटा? बेटा? कि कि जब साउंड वेव 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 वेव। है, है मैं कौन सी क्यों कहा हूं ये बात है क्योंकि आप अच्छी तरह से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं पीछे पूरा लेक्चर पढ़ लोगे बेटा तो ये कुछ भी हमको दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी है तो साउंड वेव बेटा तो जब लागू वेव मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है तो जानते बेटा कि जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के चलने की दिशा के पैरेलल क्या करते हैं ऑसिलेशन तो वह पैरेलल ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं बेटा तो देखो ये ऑसिलेट करते हैं बात समझ आए ना बेटा ये पैरेलल ऑसिलेट कर रहे हैं ठीक बेटा ये पैरेलल सभी जो पार्टिकल्स होंगे ये सब पैरल ऑसिलेट करते हैं यानी कि पैरेलल टू द पैरेलल टू द मोशन ऑफ द वेव ठीक अब जो देख बेटा तो जब ये पैरल टू तो द मोशन ऑफ वेव यानी बेटा ये ऑसिलेट कर रहे होते हैं ठीक बेटा पक्का बेटा क्लियर आजा देखना बेटा तो y1 वन ये वाई टू यह अब कहोगे बेटा कि तो यहाँ पर यहाँ पर यह सशन का मोशन लेकर के क्यों सॉल्व किया जा रहा है नो प्रॉब्लम बेटा यदि हम वेव के इक्वेशन को लेकर के भी करेंगे बेटा तब भी वही बात होगी कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना लेकिन करते हैं हम इसलिए है बेटा क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि इसका इसकी देखो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वेव की एन तो जो पार्टिकल है ना बेटा यह पार्टिकल इसी एन फ्रीक्वेंसी से सभी ऑसिलेट कर रहे हैं ठीक है और यहां पर आपको केवल हमको जरूरत है किसकी बेटा देखो ये सभी की फ्रीक्वेंसी यन ही होगी सबके आइसोलेशन की फ्रीक्वेंसी यन होगी और इसे एक क्या है और बेटा और इनकी बिलासिटी अलग अलग होती है तो वेव की बिलासिटी जानते बेटा कि वी बराबर क्या होती है एनलेमडा और पार्टिकल की बिलासिटी क्या होती तो वी है बेटा तो बी पी टू होती है डी वाई अपन डी टी और या पीछे प्रूफ किए होंगे तो पढ़े होंगे बेटा कि डी पी बराबर होता है वो मेगा अंडर रूट क्या ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसे कहते हैं पार्टिकल बिलासटी इसे कहते हैं वेव बिलासिटी बेटा तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बहुत जब जबरदस्त पीछे करवाया सब बेटा पहले जो, जो लेक्चर्स हैं तो यह रीज़न है कि क्यों यहाँ पर सेचम लिया जा रहा है क्यों क्योंकि केवल क्यों फ्रीक्वेंसी की जरूरत है और पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी जो ये सचम कर, कर रहा है पार्टिकल बेटा ये सचम कर रहा है और अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी तो ही होगी जितनी वेव की है इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी लिया बेटा इसके मोशन को लिया गया यानी कि पार्टिकल को लिया गया फ्रीक्वेंसी ओके बेटा लेकिन फ्रीक्वेंसी उतनी ही है जितनी वेव की है इसीलिए दोनों इक्वेशन को लिया जा रहा है बेटा प्रूफ करने के लिए दो इक्वेशन ले रहे हैं जबकि स्टेशनरी वेब में हम लोग क्या लिए थे? वेव लिएशन लिएपर पोजिशन, पो, पोजिशन हुआ दोनों वेव का क्या मिला वाई बराबर वाई वन प्लस वाई, 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 वाई टू मिला बेटा बेटा वाई इक्वल टू वाई वन प्लस देख रहे बेटा तो जब दोनों ही क्वेश्चन लेंगे तो वाई बराबर कितना हो गया पहले वाले को ले लीजिए ए साइन टू पाई एन वन टी प्लस ए साइन बेटा टू पाई एन टू टी अब, अब चाहे कास्ट ले लिया जाए बेटा चाहे साइन लिया दोनों में बात बराबर होगी तो अब देख रहे बेटा तो वाई बराबर अब एक हमारे बाहर कर दो बेटा कर दिया अब अंदर जो है लेकिन टू साइन टू पाई एन वन टी प्लस और क्या बेटा साइन टू पाई एन टू टी ले सकते हैं अच्छा अब sin सी प्लस साइन डी का फार्मूला बेटा दोगे ये भी sin सी साइन डी sin सी प्लस एन डी का फार्मूला लगा दोगे तो क्या पाओगे बेटा क्या पाओगे टू टू आता है ना तो टू हम पहले बाहर कर दे रहे हैं टू साइन साइन सी प्लस डी तो सी प्लस डी बेटा ये है सी और ये इतना है डी तो सी प्लस डी मीन्स कि टू पाई हम बाहर निकाल दें एन वन प्लस एन टू अपान टू इन टी बेटा और फिर क्या होता है टू साइंस सी प्लस डी इन का सी माइनस तो बेटा अभी आ गया क्या काश टू पाई एन वन माइनस एन टू अपन टू इन टू टी ओके बेटा तो दी तरह यह बेटा साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा दिया अब दो बेटा अब क्या हुआ टू ए अब यहाँ पे देख रहे एन वन प्लस एन टू यानी अभी जो हम लोग देखे हैं पीछे तो एन वन प्लस बेटा यह एवरेज फ्रिक्वेंसी हो गई तो लिख सकते बेटा कि साइन टू पाई एन पे बार लगा दिया जाए एवरेज टी हो गया बेटा Into, अभी हाँ पे देखना बेटा बेटा देखिए पाई हुआ बेटा बेटा देख बटा, अच्छा अब हम चूंकि हमारा जो रिजल्टेंट है रिजल्टेंट दो दो रिजल्ट हम लोग लिए हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा अभी एस एच एम ही होगा तो हमको इस इक्वेशन को एस एच एम के फार्म में ही दिखाना होगा तो चलो बेटा अब वाई बराबर टू ए यहाँ पर है ना पहले एम्पलीट्यूड के स्थान पे इसके साथ अब ये इतना एक्स्ट्रा रहा है क्यों क्योंकि SSCM तो खाली यही इतना है ना तो ये इतना एक्स्ट्रा रहा है अब इसको इसके साथ कर देते हैं तो टू ए वन माइनस एन टू अपान टू इन टू टी कर दिया बेटा इधर कर लिया अब जो बचा हुआ किनारे कर देते हैं इसको शाएन, ना साइन न साइन टू पाई टू पाई एन एवरेज टी हो गया बेटा अब जो देखिए अब आपके सामने मिल गया फर्स्ट क्लास का सब बेटा जो हम लोग वहां पर लिखा हुआ था बेटा जो बना हुआ था ठीक वही लाइन आ गई देखिए वाई बराबर क्या आ गया टू ए का बेटा टू ए क्या काश टू पाई बेटा यह एन वन माइनस एन टू अपन टू टी हो गया बेटा अब देखिए अब ये जो लाइन है बेटा यही दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेव बेटा यही इक्वेशन है यही इक्वेशन है किसका इक्वेशन ऑफ द बीट अब इसको कहता हूं बेटा आप कह सकते हैं अब इसी को क्या कि इक्वेशन ऑफ बीट्स दिस इज इक्वेशन ऑफ बीट्स नोट करो बेटा मेरे साथ लिखते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए बस मैं प्रूफ कर रहा हूँ बेटा इसलिए कि जब कोई भी इक्वेशन कोई भी इक्वेशन आता है जो इक्वेशन वगैरह है तो कैसे समझोगे इस बात को ना बेटा देखो अब यहाँ पर ये हो गया ओके अब देखो अब ये किसके स्थान पर आ रहा है अब ये पूरी आ रहा है एम्पलीट्यूट के स्थान पर जानते हो अब क्या बन गया ये अभी बन गया वाई इक्वल टू ए बी ए बी क्यों बीट का एम्प्लीट्यूट अब ये पूरा हम ए बी के बराबर मान लिए इसको तो बना क्या बचा क्या अब इधर बचा साइन टू पाई एन बार टी एस दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द बीट बेटा देखो अब ये जो इतना है यही हो गया हमारा क्या दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द बीट तो लिख दो बेटा ये फाइनल फाइनल इक्वेशन ऑफ बीट तो दिस फाइनल इक्वेशन ऑफ लिखो बेटा जल्दी लिखिए लाइन को y गल टू ए बी साइन टू पाई एन बार टी दो बेटा अब यानी कि जो पूरा रेड वाला जो हम लोग का इन्वॉल्व आया था बेटा मेन वेव आई थी उसकी यही फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है ये तो एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड कास्ट का फंक्शन है बेटा देखिएगा ध्यान देना अब ये जो एम्पलीट्यूड है बेटा ये कास्ट का फंक्शन है देखेगा ना बेटा तो कास्ट कास्ट फंक्शन बेटा कास्ट फंक्शन और जो ये ये वाली जो वैल्यू आई बेटा ये तो कॉन्स्टेंट है ना कांस्टेंट है और कितना है एन वन प्लस एन टू अपॉन टू तो यानी तो जो बीट की फ्रीक्वेंसी होती है बेटा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है तो देख बेटा कांस्टेंट होती है तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ओके बेटा तो दिस इज द एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द फाइनल इक्वेशन तो यह कॉन्स्टेंट होती है ओके और देख बेटा और जो जो एम्पलीट्यूड होता है बीट का वह किसका फंक्शन बेटा कास का यानी कि इसमें कास है कास्ट कास का मान कास जानते बेटा का कास्ट का मान कांस्टेंट होता नहीं फिक्स होता नहीं है कास्ट का मान कहाँ से कहाँ था जीरो से मैक्सिमा और मैक्सिमा से जीरो फिर दूसरे दिशा में माइनस वन पहले दिशा में माइनस वन दूसरे दिशा में माइनस वन यानी कि कास्ट का मान प्लस वन से लेकर माइनस वन के बीच वैरि करता है तो यही कारण था बेटा ना कि जो एम्पलीट्यूड आया ए बी और टू ए काश कितना बेटा एन वन माइनस एन टू अपन टू इन टू टी आया बेटा ये एम्पलीट्यूड है ना ए बी है बेटा ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से एम्पलीट्यूड बेटा तो ये है एम्पलीट्यूड किसका एम्पलीट्यूड ऑफ बीट एम्पलीट्यूड ऑफ बीट ए है एम्पलीट्यूड बीट ये है हो गया तो यह है एम्पलीट्यूड ऑफ बीट आप देख रहे हैं या देखिए नीचे देखा जाए एम्पलीट्यूड ऑफ बीट बेटा तो जानते हो कि कभी भी काश का जो मैक्सिमम मान होता है वो कितना होता है बेटा प्लस वन और मिनिमम मान कितना होता है जीरो यानी कि मैं कहूँ कि जो एम्पलीट्यूड होता है बीट का उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है तो कहेंगे सर प्लस माइनस टू ए होता है होता है ना देखिए प्लस माइनस टू ए क्यों मैक्सिमा के लिए बेटा मैक्सिमा के लिए काश वन भी मैक्सिमा है काश माइनस वन भी मैक्सिमा है काश वन प्लस दूसरे दिशा डाइम डाइस में अपवर और काश माइनस वन दूसरे दिशा में है एक सौ अस्सी डिग्री पर तो देवा टू ए देख रहे हो तो यही मैक्सिमम यानी कि जो बीट है बीट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस टू ए और माइनस टू ए हो सकता है मीन्स ये है जीरो तो देखो तो बेटा ये जीरो एक्स एक्सिस तो मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा ओके मैक्सिमा देख बेटा मैक्सिमा और मिनिमा अब फिर जितना फ्रीक्वेंसी होगी बेटा उतनी पर जाकर के फिर मिनिमा हो जाएगा मिनिमा कितना हो जाएगा जीरो ये इतना प्लस ए इतना माइनस ए दोनों के बीच का गैप कितना हुआ बेटा दोनों के बीच का गैप हुआ टू ए वा न तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया टू ए और मिनिमा कितना हुआ जीरो अब मिनिमा दो बेटा ए बी एम्पलीट्यूड कितना मिनिमा कितना हो जाएगा जीरो तो मैक्सिमम जो बीट बनता है बेटा बीट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिम कितना मैक्सिम प्लस प्लस होता है मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होता मैक्सिमम होता है कितना मैक्सिमम बेटा प्लस टू ए प्लस माइनस टू ए और मिनिमम कितना होता है बेटा जीरो यानी कि जब नाइन्टी हो जाएगा तो जीरो बन जाएगा ठीक अब चलो बेटा अब यहाँ पे आ जाए अब हम लोग को देखना बेटा कि अगला पॉइंट देखना कि बीट का बेटा बीट का जो नंबर पर सेकेंड आया मैक्सिमम मिनिमम वो कैसे आता है थोड़ा सा ये देख लिया जाए इसको भी देखो बेटा यहाँ पर जो इक्वेशन आया हम लोग का वाई बराबर है बेटा ले लीजिए वहाँ तो थोड़ा सा एक सेकेंड है बेटा देखो यहाँ पे जो वाई हम लोग का आया हुआ है ना तो हम लोग आया हुआ हम लोग क्या पाए हैं वाई बराबर टू ए कस एन वन माइनस एन टू ना बेटा अपान टू इन टू टी पाए बेटा देखिए यहाँ पे पाई छूट गया बेटा हाँ बेटा चले तो y बराबर हम लोग क्या पाए बेटा यानी कि हम लोग बेटा ए बी बराबर क्या पाए हुए हैं ए बी यानी कि एम्पलीट्यूड बराबर क्या मिला हम लोगों को चले तो एम्पलीट्यूड बराबर ए बी बराबर क्या पाए हैं हम लोग टू ए कस टू पाई एन वन माइनस एन टू टू इन टू टी पाए यही है ना ये पाए हैं हम लोग एम्पलीट्यूड अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये कब मैक्स होगा तो ए बी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है बेटा प्लस माइनस टू है हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है ये हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस टू है अभी होगा कब अब ये देखते बेटा कि ए होगा कब ऐसा कब होगा तो जब यह इतनी वैल्यू ना प्लस वन हो जाए या माइनस वन हो जाए तब ये मिलेगा देखिए तो देखो बेटा तो ए बी विल बी मैक्स ए बी का मान मैक्स होगा ना कितना प्लस माइनस टू ए कब कब व्हेन क्या हो जाए भाई व्हेन क्या बेटा ये ले लो लाइन व्हेन कास टू पाई एन वन माइनस एन टू बाई टू इंटू टी बराबर कितना हो जाए भाई बराबर ये वन ना बेटा ये कितना हो जाए प्लस माइनस वन हो जाए बेटा तब होगा होगा ना अब जो देखना अब तब ये बराबर क्या होगा अब इसी को सॉल्व किया जाए बेटा तो अब कौन कौन से एंगल मिलेंगे प्लस वन माइनस वन इसको होने के लिए बेटा कौन कौन से मिलेंगे तो ऐसे कर दिया जाए जब बेटा टू पाई एन वन माइनस एन टू अपान टू इन टू ट्री बराबर क्या हुआ काश इनवर्स उधर से गया काश उधर गया तो क्या हो बेटा काश इनवर्स प्लस माइनस वन हो गया बेटा अब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं इतना हो बेटा चलिए अब जो देखिएगा तो अब ये इतना बेटा टू पाई एन वन माइनस एन टू अपान टू इंटू टी बराबर कितना हुआ तो यहाँ कौन कौन से एंगल आएंगे बेटा जिसके लिए प्लस वन हो और माइनस वन हो कौन कौन से एंगल होंगे प्लस वन के लिए कौन सा होगा बेटा जीरो जीरो डिग्री पर हो जाएगा प्लस वन फिर किस पर होगा और माइनस वन किस पर होगा पाई पर तो जीरो भी है पाई भी है यानी जीरो का कल एंगल टू पाई होता है और पाई के स्थान पर थ्री पाई रख दिया जाए और फिर फोर पाई फिर फाइव पाई एंड एंड सो ऑन इसका मतलब ये हुआ है बेटा कि यह क्या बन रहा है एन पाई है बना जनरल फार्मूला देखा जाए तो पी एन न रखा जाए कोई और नाम दे दिया जाए क्योंकि तो एन हम लोग लिए हुए ऑलरेडी तो बेटा यहाँ क्यों नाम दे दिए कुछ अभी पी लिख दीजिए पी पाई जहाँ पर पी बराबर क्या हो जीरो वन टू न थ्री फोर मीन्स ऑल इंटीजर्स क्या बेटा ऑल बेटा ऑल इंटीजियस सभी इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो जीरो सहित सभी इंटीजर अब जो देख रहे बेटा हाँ हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक मैक्सिमा दो मैक्सिमा के बीच का टाइम कितना होता है और फ्रिक्वेंसी अनुमान सेंट टू कहाँ से आती है हम लोग ये प्रूफ पर रहें बेटा बस दो लाइन का प्रूफ है थोड़ा देख लिया जाए देखो बेटा अब यहाँ पे तो जनरल इक्वेशन है हम लोग का पी पाई है ना बेटा और पी के स्थान पर ये सारी चीज़ें हैं चलिए अभी के लाइन यहाँ से देख लीजिए बेटा इसका मतलब तो यह हुआ कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो टू पाई एन वन माइनस एन टू अपान टू इन टी बराबर हम लोग क्या पाए बेटा पी पाई पाए यही है चलो पाई को पाई हटा दीजिए दो को दो हटा दीजिए टी बराबर क्या मिला बेटा टी बराबर मिला पी अपान एन वन माइनस एन टू मिला ना देखिए बस एक में हो गया अब देखो तो अब मैं कहूँ कि फर्स्ट फर्स्ट मैक्सिमा कब मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा ये टाइम बता रहा है कि कब का मैक्सिमा मिलेगा तो फर्स्ट मैक्सिमा किस टाइम पर मिलेगा तो यानी कि t1 बराबर कितना बेटा? p का मान जीरो था पहले तो जीरो अपॉन एन वन माइनस एन टू यानी कि जीरो यानी कि पहले ही शुरुआत में ही देखिए शुरू में ही क्या मिला मैक्सिमा अब जब देखे बेटा सेकेंड मैक्सिमा कब मिलेगा ना तो बेटा टी टू बराबर पी का मान कौन कौन है बेटा जीरो वन है ना तो अब सिकंड के लिए कितना रखेंगे वन वन अपॉन एन वन माइनस एन टू हो गया बेटा फिर ऐसे ही कुछ और लिख लिख लि दिया जाए थर्ड मैक्स में मिलेगा बेटा थर्ड मैक्स तो टी थ्री इक्वल टू टू क्या एन वन माइनस एन टू ओके तो देख रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग जीरो वन टू तीस बार तो हम सीधे वैसे ही लिख सकते हैं हम लोग ना बिना देखें क्या फोर्थ मैक्सिमा का मिला बेटा तो इसे टी फोर जो नंबर उसमें से एक कम आ रहा है ना बेटा तो थ्री अपॉन एन वन माइनस एन टू लिख सकते हो बेटा यानी कि कहीं पर भी कोई भी नंबर होगा नंबर में से माइनस वन कर देंगे ना बेटा यानी कहा जाए कि एंथ मैक्सिमा कब मिलेगा बेटा तो टाइम बताना हो तो एनथ का तो क्या करो बेटा एन माइनस वन अपॉन क्या एन वन माइनस एन टू दैट वीज सोम सेकेंड किसी का भी बताना हो ओके चलो बेटा अब किसी भी दो मैक्सिमा के बीच देखो बेटा किसी भी दो मैक्सिमा के बीच का डेल्टा टी हमको बता करना है ना टाइम इंटरवल किसी दो मैक्सिमा के बीच का टाइम इंटरवल कितना होता है देखो बेटा यह है टू दूसरा मैक्सिमा है और ये पहला मैक्सिमा है दूसरे मैक्सिमा में से पहले मैक्सिमा को माइनस करिए कितना रहा है बेटा तो देख रहे हैं कि टू अपान एन वन माइनस एन टू माइनस वन अपान एन वन माइनस एन टू तो डेल्टा टी बराबर कितना बेटा वन अपान एन वन माइनस एन टू ओके तो किसी भी कहीं पर किसी भी आर्डर के मैक्सिमा में से निकालेंगे बेटा किसी भी दो के बीच देखे थ्री है टू है अगला फोर है ना तो किसी का भी निकालेंगे बेटा किसी का भी निकालेंगे तो यही आंसर आएगा तो चूंकि यह टाइम इंटरवल है बेटा दो दो बेटा, मैक्सिमा के बीच का इंटरवल तो इसी के लिए इसे बोलते हैं टाइम पीरियड तो दिस इज ना बेटा तो क्या हो गया ये टाइम ना बेटा टाइम पीरियड ऑफ ना टाइम पीरियड ऑफ मैक्सिमा यानी दो मैक्सिमा के बीच लगा हुआ समय मीन्स टाइम टेकन बिटवीन ना टू मैक्सिमा टू मैक्सिमा बेटा तो कितना है डेल्टा टी इक्वल टू वन अपॉन एन वन माइनस एन टू बेटा ठीक और यही क्या होगा बेटा यही इक्वल टू ना बेटा यह, यही इक्वल टू होगा किसके टू मिनिमा के भी होगा बेटा क्लियर ना बेटा तो टाइम टाइम बिटवीन टू मिनिमा भी कितना होगा डेल्टा टी इक्वल टू वन अपॉन एन वन माइनस एन टू होगा बेटा तो जब हम लोग ये श्योर होगा बेटा कि Uh, जो टाइम पीरियड है वो इतना है तो जानते हो कहीं पर भी कि जो फ्रीक्वेंसी होती, हो, होती, तो होती है वो क्या होती है बेटा तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वन अपान टाइम पीरियड होती है ना वन अपान टाइम पीरियड होती है हो गया बेटा तो अब एक बेटा तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स ना कितनी हो गई बेटा तो इसी का उल्टा यानी कि क्या एन वन माइनस एन टू हो गया ओके तो यही आपको प्रूफ करना था यही आपको प्रूफ करना था ना? हो बेटा ओके अब दो मिनिमा के बीच निकालना भी चाहिए ना बेटा तो आप देखो आपको क्या मिला है ए बी बराबर क्या मिला था बेटा ए बी बराबर आपको मिला हुआ है ए क्या N1 -N2 2 t मिला है ना? यही एम्पलीट्यूड है ना एक किस क्या क्या है बेटा एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ है बेटा अच्छा अब मैं कहूँ कि ऐसे ही प्रूफ करिए कि मिनिमा के बीच वही होगा तो बहुत आसानी से कर सकते नहीं बेटा आप कैसे करेंगे ए बी मिनिमा लिख दीजिए और कितना होगा जीरो यानी कि ये वैल्यू दो बेटा या भी यह कभी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि हम्लिट्यूड है तो इसको जीरो होना होगा हर हाल में यानी कि काश एन वन माइनस एन टू अपॉन टू इन टू टी बराबर क्या होना है बेटा जीरो होना है अब यदि मिनिमा के कंडीशन को देखना चाहें हम लोग यहाँ टू पाइव है ना होटा देखो यहाँ कॉस टू पाई बेटा टू ए कस टू पाई है बेटा ठीक है चलो तो कास्ट टू पाई बराबर ये सो इस जीरो का है बेटा ठीक अगर देखिएगा अब हम मिनिमम से प्रूव करना चाहे इसी बात को तो अब क्या हो गया बेटा अब ये तो टू ए तो जीरो हो नहीं सकता है इसको जीरो होना होगा इसका मतलब ये हुआ कि टू पाई एन वन माइनस एन टू अपन टू बराबर कितना हुआ इन टू टी बराबर कितना बेटा कास्ट इनवर्स ज़ीरो हुआ हुआ ना मिनिमा मिनिमा चेक कर करें तो अब देखो बेटा अब ये कितना हुआ एन वन माइनस एन टू टू इन टू बराबर कितना हुआ तो ये ये इधर बैठा यहाँ पे अभी इधर दिया जाए टू पाई सेवन बेटा हाँ अब यहाँ पे ये कौन कौन सा एंगल मिलेगा बेटा जीरो किसके किस लिए होगा फाइव बाई टू फिर थ्री पाई बाई टू और बोलिए फाइव पाई बाई टू एंड सेवन यही मिलेंगे मिलेगा ना अब जब देखना बेटा यानी कि जनरल लिखा जाए तो ये जनरल फार्मूला बना दिया जाए तो क्या टू पी माइनस वन पाई बाई टू बनेगा कि नहीं बनेगा बन जाएगा देखिए बेटा अब जब जहाँ पर एन बराबर जहाँ पी बराबर अब वन से शुरू होगा यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सो वन अब वन रखिए वन रखिए तो वन रखिए टू माइनस वन पाई बाई टू पहला हो गया सही दो रखिए फोर माइनस वन थ्री थ्री पाई बाई टू दूसरा बेटा सर्टिफाइज कर रहा फर्स्ट क्लास अब देखो बेटा अब देखिए क्या हुआ पर यहाँ पर अब ये हमारा क्या बेटा ये हम लोग का क्या है ये है यही है हम लोग का इम्प्लीटी वाला पोर्शन यही है बेटा अच्छा इसका मतलब ये हुआ था कि अब ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए इसी के बराबर है ना चलो अब जा देखना बेटा तो टू पाई एन वन माइनस एन टू अपन टू इन टू टी बराबर किसके होगा इसके टू पी माइनस वन पाई बाई टू हुआ बेटा अब सॉल्व कर दिए अभी इससे भी निकल जाए वही वैल्यू आएगी यहाँ पर भी देखिएगा टू पाई से आ, ए पाई से पाई कैंसिल हुआ बेटा अब यहाँ पे और क्या होगा बेटा ये दो से दो हट जाएगा हाँ हट जाएगा अभी ये दो बचा हुआ है ना तो टी बराबर कितना हुआ देखो बेटा तो टी बराबर कितना हो गया टू पी माइनस वन बेटा टू पी माइनस वन टी बराबर ये दो के साथ जाएगा नीचे तो टू एन वन माइनस एंड टू यस तो बेटा तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए यही मेन कंडीशन बेटा मिनिमा का ये मेन कंडीशन देखिए ये मिनिमा का मेन कंडीशन हो गया अब एन बराबर देखिए बेटा अब फर्स्ट मिनिमा कब मिल रहा देखिएगा फर्स्ट मिनिमा कब मिला रहा है टी वन बराबर है चलिए रखिए एन पी बराबर कितना बेटा वन टू थ्री फोर एंड सो वन पी का मा, पहला मान रखिए वन हुआ बेटा वन चलिए वन रखिए यहाँ वन रखेंगे तो टू हो जाएगा टू माइनस वन होगा तो टू माइनस वन हुआ तो कितना हो, हो गया बेटा टू माइनस वन यानी वन हो गया यानी कि मीन कितना मिला वन अपन टू एन वन माइनस एन टू हो गया बेटा देखिए पहला मिल गया हो गया चलिए अब दूसरा मिनिमा देखिए कहाँ मिल रहा है सेकेंड मिनिमा बोलिए बेटा कहाँ मिल रहा है टी टू बराबर देखिए बेटा सेकेंड मिनिमा यहाँ पर रखिए दो रखिए चार हो गया माइनस वन तीन हो गया थ्री यानी बेटा कितना पाए थ्री अपान टू एन वन माइनस एन टू बेटा टू एन वन माइनस एन टू इसका मतलब बहुत साफ है एक मिल रहा फिर तीन मिल रहा अरे मैं सीधे कह दूंगा आपसे कि थर्ड मिनिमा कहाँ मिलेगा तो जल्दी बोलिए थ्री बराबर क्या लिखो बेटा फाइव हो जाएगा फाइव अपन टू एन वन माइनस एन टू यानी कि मिनिमा कहाँ मिल रहा है तो बहुत साफ बेटा कि मिनिमा मिलने का कंडीशन ये है टी बराबर ये लाइन नोट कर लो बेटा यही मेन लाइन है मैक्सिमा के लिए देखा हुआ हम लोगों ने यहाँ मिनिमा के लिए देख लीजिए टू पी माइनस वन अपान टू एन वन माइनस एन टू पी का मान वन टू थ्री फोर फाइव जो भी नंबर हो बेटा ठीक अब देखिए बेटा किसी भी दो मिनिमा के बीच की यदि बात करें ना देखेगा किसी भी दो मिनिमा के बीच के लिए बात किया जाए कि कितना टाइम इंटरवल मैं दो मिनिमा कितने टाइम इंटरवल पे मिलते हैं देखिए टू माइनस थ्री माइनस वन डेल्टा टी निकाल दीजिए आप तो डेल्टा टी बाबा क्या बेटा टू अपान टू एन वन माइनस एन टू दो से कैंसिल हुआ बेटा डेल्टा टी बराबर क्या आया वन अपान एन वन माइनस एन टू ओके बेटा तो जो चीज़ हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया था कि दो मिनिमा के बीच का टाइम इंटरवल होता है वन अपान एन वन माइनस एन टू तो उसको हम लोगों ने यहाँ प्रूफ करके दिखाया बेटा प्रूफ करके दिखाया यहाँ पर कि ये कैसे होता है हो गया क्लियर हो बेटा तो इसका मतलब ये हुआ कि बीट्स बराबर क्या होते हैं बेटा बीट्स बराबर क्या होते हैं एन वन माइनस एन टू तो ये तो टाइम इंटरवल है यानी कि टाइम पीरियड है यह तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है मार्शियन टू तो आपने मैक्सिमा से भी प्रूफ किया और मिनिमा से भी प्रूफ किया क्या पढ़ा है हैं थ्री हंड्रेड बीट क्या होता है बेटा क्लियर तो ये जो देख रहे हैं बेटा ओके तो हम लोग कहाँ पे शुरू किए थे बेटा आइए तो ये पेज हम लोग बेटा ये अभी हम लोग का फर्स्ट पेज है ना चल बेटा तो देखिए तो जो हम लोगों ने अभी मैथमेटिकल डेरिवेशन लिया बेटा जो भी हम लोगों ने मैथमेटिकल डिराइव किया है देखिए तो शुरुआत में जो हम लोगों ने डिजाइन बनाया हुआ है पहले वाला चल रहा तो ये है हम लोगों का आइए देखें तो अभी जो हम लोगों ने मैथमेटिकल प्रूफ किया बेटा जो अभी हमने मैथमेटिकल प्रूफ किया हुआ है ये वही है बेटा देखिए अब यहाँ पर दो वेव हम लोगों की थी बेटा देखिए ये दो वेव हम लोगों की थी बेटा यहाँ पर पहली वेव वाई वन ये है दूसरी वेव है बेटा दोनों मीडियम में जा रही थी दोनों का आपस में सुपर पोजिशन हुआ यानी दोनों इंटरफियर की दोनों का सुपरपोजिशन हुआ और इनके सुपरपोजिशन से तीसरी वेव बनी अरे तीसरी वेव क्या कर रही है बेटा तो ये तीसरी वेव क्या कर करी तो इसका देख रहे हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड बेटा देखिए यहाँ एम्पलीट्यूड ए कांस्टेंट है जितना एम्पलीट्यूड इसका है उतना ही एम्प्लीट्यूड दोनों का इसका भी है ए इसका भी है तो यहाँ एम्प्लीटूड का मॉडुलेशन हो रहा है यानी कि एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है बेटा मॉडुलेशन यानी कि याद दूसरे शब्दों में कह सकते बेटा कि यहाँ पर एम्प्लीट्यूड मॉडुलेशन हो रहा है ना एम्प्लीट्यूड मॉडुलेशन हो रहा बेटा और अब ये हमको हमको जो फाइनल वेव मिली है कौन सी मिली बेटा अब हमको ये वेव मिली है रेड कलर की ये वेव मिली है बेटा ठीक बेटा ये वेव मिली है यानी कि एम्प्लीट्यूड इंटेंसिटी बढ़ रही है फिर इंटेंसिटी घट रही है फिर बढ़ रही है फिर घट रही, रही इंटेंसिटी यानी कि इंटेंसिविटा क्या हो रही है या इंटेंसिटी मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा तो एक सेकंड में कितनी बार मैक्सिमा हुआ वही बीट है या एक सेकंड में कितनी बार मिनिमा हुआ वही बीट है क्लियर बेटा ओके चलिए तो हम लोग समझते हैं बेटा कि अब अब क्लियर हो गए होंगे कि क्या हो रहा है ठीक बेटा तो क्लियर हो गए होंगे चलो बेटा आ जाओ अगले पेज पर पे चलते हैं न्यूमेरिकल भी है बस अभी तुरंत ही हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं थोड़ा सा थ्योरी हम बताना जरूरी था बेटा आ जाइए फटाफट आगे बढ़ते हैं चलो बेटा अब तो बीट क्या हुआ है ये बेटा तो अब तो क्लियर हो गया सब कुछ कि बीट क्या बेटा तो इंटरफेरेंस ऑफ द टू साउंड वेव देखो बेटा यहाँ पर इंटरफेरेंस अब भी आप यूज़ कर सकते हो बेटा ना तो देखिए तो इंटरफेरेंस ऑफ टू साउंड वेव ना बेटा अब द नियरली सेम फ्रीक्वेंसी यानी कि डेल्टा वन का मान क्यों होना चाहिए बेटा कितना होना चाहिए टेन से कम डिफरेंस रहे उनके बीच दैट इज सुपर पोजिशन ऑफ द टू साउंड वेव को क्या करते हैं बेटा बीट का फॉर्मेशन बीट करते हैं ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन ऐसा पढ़ चुके हैं आप एंड फ्रीक्वेंसीज आर स्लाइटली डिफरेंट ओके बेटा पढ़ चुके मैथमेटिकल डेरिवेशन तो अभी अभी पीछे हम लोग कर ही चुके बेटा मैथमेटिकल डेरिवेशन आ जाओ अगले पेप चलते हैं बेटा ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा आ जाइए भी यहाँ पर हाँ अब जानते हो बेटा मैं आपसे कहूँ कि यूनिफार्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं आप यूनिफार्म इलेक्ट्रिक फील्ड चलो बेटा एक सेकेंड अभी यहाँ देखा जाएगा चलिए पहले ये बताइए कि यूनिफार्म बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं आप चलिए पहला और दूसरा दूसरा बताइए कि यूनिफार्म ना मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं यूनिफार्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं आप हाँ जल्दी सोचिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बड़ा कैसे प्रोड्यूस करते हैं हो बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं बेटा हाँ जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं बेटा आप प्लेट कैपेसिटर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो पैरल प्लेट कैपेसिटर इज द स्टैंडर्ड सोर्स टू प्रोड्यूस यूनिफार्म इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट वैसे बेटा देखिए यूनिफार्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है बेटा तो सोलिनोइट ना बेटा सोलिनोइट तो सोलिनोट बेटा यूनिफार्म, यूनिफार्म ना, यूनिफार्म जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का द बेस्ट सोर्स है बेटा ओके okay? तो सोलि तो पैरलर प्लेट कैपेसिटर और सॉलिनार जो काम करते हैं सोलिनार जो काम करता है मैग्नेटिज्म में जो पैरलर प्लेट कैपेसिटर करता है इले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना यानी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने का ठीक वैसा ही काम हमारा प्रोड्यूस करता है वेव में कौन है बेटा तो इन्हीं का जैसा और एक है हमारा ट्यूनिंग फोर्क बेटा तो अब ये ट्यूनिंग फोर्क क्या काम करता है बेटा तो दस यह एक रिजोनेटर है यानी कि यह ऑसिलेट कराने वाला है किसी को यह एक रिजोनेटर है बेटा ना रिजोनेंस प्रोड्यूस कराने का यह द बेस्ट सोर्स रिजोनेंस यानी कि रिजोनेंस क्या होता है तो जब कभी कहीं पर भी किसी सिस्टम की फ्रिक्वेंसी और उसके ऊपर इम्पोज की गई फ्रिक्वेंसी दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती हैं या उनके कोई भी हारमोनिक्स आपस में मैच कर करते हैं बेटा तब उसे कहते हैं रिजोनेंस अनुनाद रिजोनेंस की अवस्था में क्या होता है तो रिजोनेंस की अवस्था में जो एम्पलीट्यूड uh, होता है वो दो गुना हो जाता है और एनर्जी चार गुना हो जाती है फोर टाइम्स एनर्जी हो जाती है यानी कि कोई भी कहीं पर भी रिजोनेंस सेटअप से हो जाए और वो पहले वाइब्रेशन न दिखाई देता हो लेकिन किसी के साथ यदि वह रिजोनेंस कर ले तो वह वा वाइब्रेशन बहुत ही ब्रॉड रूप में दिखाई पड़ने लगेगा क्यों क्योंकि अब उसकी इंटेंसिटी फोर टाइम्स हो गई है और एम्पलीट्यूड टू टाइम्स हो गया है तो ये हमारा जो ट्यूनिंग फोर्क बेटा ये वही है तो ये जो रेड कलर से बना हुआ है यू शेप का बना हुआ है बेटा यह है ट्यूनिंग फोर्क आपका यह जो पकड़ने के हाथ में होता है बेटा उसे स्टेम कहते हैं दिस इज द स्टेम बहुत ही काम की चीज़ होती है बेटा यह और अब आज आप मैकेनिज्म समझिएगा कि यह ट्यूनिंग फोर्क यानी कि सेप्टर में पूरा ट्यूनिंग फोर्क ही, ट्यूनिंग फोर्क आपको मिलेगा हार्नोमेरिकल में ठीक बेटा अब जा देखिए तो पहले समझ लीजिए कि ट्यूनिंग फोर्क के होता क्या है तो यह ट्यूनिंग फोर्क बेटा अब देखिए ये वाइब्रेट कर रहा है देख रहे बेटा यानी कि इसकी जो प्रांच है तो बेटा ये वाइब्रेट कर रहा है देख रहे हैं ना ये वाइब्रेट कर रहा है बेटा देखिए ये ऐसे लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा है और ये भी देख रहे है बेटा ये भी हमने दिखाया है आपको समझाने के लिए तो बेटा ये भी देखिए ये वाइब्रेट कर रहा है बेटा वाइब्रेशन में दोनों वाइब्रेशन में और इन इनकम्पेरिजन टू दिस ये रेस्ट में रहता है बेटा ना अब अभी आगे मैं दिखा रहा हूँ कि क्या और होता है बेटा देखेगा अब जब ये दोनों दोनों बेटा ये बना किसका होता है तो यह जनरली एलुमिनियम का हार्ड एलुमिनियम का है बना होता है बेटा यानी कि यह या यह इसकी ये इलास्टिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए इलास्टिसिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए बेटा ना माडोरा साफ इलास्टिसिटी की अधिक होनी चाहिए उस सब्सटेंस का बनाते हैं ओके okay? लेकिन लचीला भी होना चाहिए दोनों चीज़ें होनी है ना तो मतलब यह कि इलास्टिक भी होना चाहिए और लचीला भी होना चाहिए जिससे कि वह वाइब्रेट है ना मतलब फ्रिक्वेंटली वाइब्रेट करे वह वा, इस तरह से वाइब्रेट करे बेटा अब चलो बेटा देखिएगा तो ये तो समझ गए कि ये क्या होता है बेटा तो यानी कि आप कह सकते बेटा कि ट्यूनिंग फोर क्या है तो सोर्स ऑफ द स्टैंडर्ड साउंड हिंदी से ट्यूनिंग फोर, तो फोर न, न इस, की इज वर्ड तो ट्यूनिंग फोर की सोर्स ऑफ द स्टैंडर्ड साउंड साउंड न बेटा दैट इज यानी कि इसकी यानी कि क्या करता है बेटा यह या, कॉन्स्टेंट या पिच यानी कि कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी का हमको यह साउंड प्रोड्यूस कराता है जब ये दोनों प्रांज इस दो बेटा अब ये दो यह वाला जो यूग से बना हुआ है ना इन दोनों को प्रांज बोलते हैं और इसको स्टेम इस बोलते हैं बेटा जब यह वाइब्रेट करता है यानी कि वाइब्रेट वाइब्रेट कैसे करेगा हम इस टाइम को पकड़ेंगे बेटा इसको और कोई रबड़ का पैड है रबड़ के पैड पर जर्क मारेंगे इसको मारेंगे इसको इससे टकराएंगे इसको तो ये ऑसिलेट करने लगता है तो जब ये ऑसिलेट कर रहा होता है तो दोनों के ऑसिलेशन में दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं बेटा जब ये इधर जा रहा होता है तो ये इधर जा रहा होता है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होते हैं इनका ऑसिलेशन हमेशा अपोजिट होगा बात समझे बेटा इसका ऑसिलेशन हमेशा अपोजिट हो यानी कि जब ये इधर जाएगा तो अभी इधर जाएगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन यानी कि इनके ऑसिलेशन के बीच का एंगल हमेशा ही 180 डिग्री होता है और आउट ऑफ फेज में होने के कारण ये दोनों ऑसिलेशन ये दोनों क्या करते हैं दूसरे को कैंसिल कर देते हैं कैंसिल ईच अदर ना इनका ऑसलेसन जिसका ऑसोलेशन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ठीक अच्छा अब अच्छा, अच्छा, जब कैंसिल करें बेटा तो यहाँ क्या होता है जो इनकी एनर्जी होती है यह बेबेटा जो इनकी एनर्जी होती है बेटा वह इनको ट्रांसमिट होती है स्टेम को और ये जो यह स्टेम का जहाँ पर जॉइंट हो रहा बेटा ना प्रांज से जहाँ पर यह जो ये है यू सेप जहाँ ज्वाइंट होता है इस बिंदु को कहते हैं एन एन मीन्स यह नोड बनाता बेटा ये जो पॉइंट होता है यह होता है नोड बनता है उस पॉइंट पर ओके बेटा अच्छा अब बोथ प्रॉन्ज ऑलवेज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन दोनों प्रांज हमेशा हर समय दोनों प्रांज अपोजिट दिशा में मूव करते नहीं ये सौ अस्सी डिग्री पर मूव कर रहे होते बेटा ना इन अपोजिट डायरेक्शन एंड ना बेटा डैम्पिंग फ्री और बेटा यहाँ किसी भी प्रकार की कोई डैम्पिंग नहीं होती यह इसकी खासियत होती है विथ हीटिंग यानी कि यदि इसको हम हीट कर दें प्रंज को बेटा यदि ट्वेंटी को हीट कर दिया जाए तो क्या होता है तो ट्वेंटी फोर को हीट कर देने के बाद ना बेटा ये इंक्रीज टेम्परेचर यदि इंक्रीज कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है बेटा याद रहे कि टेम्परेचर बढ़ा देने से फ्रीक्वेंसी घट जाती है और वेन फाइल्ड यानी कि यदि इसको फाइलिंग का फाइलिंग का मतलब रहा है कि जैसे रेमाल कागज होता है ना रेती वगैरह होती है उसे रगड़ दिया जाए रबिंग कर दिया जाए इस पर तो बेटा तो तो ध्यान दीजिएगा कि वेन फाइल्ड ऑन द प्रांच टॉप ध्यान दीजिएगा यानी कि जब कभी भी प्रॉन्च के ऊपर हम टॉप पर फाइलिंग करते हैं बेटा जब हम टॉप पर यहाँ पर फाइलिंग करते हैं ना ऊपर तब क्या होता है बेटा तब तो देखो तो जब हम फाइलिंग करते हैं ना वेन फाइल 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 मीन्स रबिंग करना खींचना उसको करते हैं बेटा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है क्यों क्योंकि इनर्सिया डिक्रीज बेटा इनर्सिया क्योंकि इनर्सिया डिक्रीज करती है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है बेटा अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा वेन फाइल्ड ऑन द बॉटम ऑफ द स्टेम यदि स्टेम पर बॉटम स्टेम के बॉटम पर कर दिया जाए बेटा बहुत ही खासियत है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यदि यहाँ की फाइलिंग कर दिया जाए ना बेटा यहाँ फाइलिंग कर दिया जाए तो फिर उल्टा रिजल्ट आता है ना बेटा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है तो दोनों का दो दोनों बातों पर ध्यान दीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज यदि यहाँ पर कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी और यदि यहाँ पर कर दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी ठीक बेटा अच्छा अब जब देखिए दो, दो मेन बातें नोट कर लीजिएगा अब नहीं बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ़ द ट्रीनिंग फोर क्या होती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर बेटा यह एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि इट डिपेंड्स ऑन दो बातों पे जो ट्यूनिंग फोर्क होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी दो बातों पे डिपेंड करती है नंबर वन उसका आपकी मोटाई क्या है उसकी लंबाई क्या है दूसरी बेटा कि इट्स मेटेरियल किस मेटल का बना हुआ है इन दो बातों पे डिपेंड करता है यदि इसका इक्वेशन देखा जाए क्या आता है तो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर की नोट करिए बेटा फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर की होती है एन यह कॉन्स्टेंट है एन कैपिटल पटाइन बेटा कॉन्स्टेंट है यह इसकी वैल्यू होती है थ्री पॉइंट अपॉन टू पाई एल स्क्वायर दो बेटा जितना ज़्यादा लंबा ट्यूनिंग फोर्क होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी या इतना ही छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी तो मेन फैक्टर जो होता है बेटा फ्रीक्वेंसी के लिए मेन फैक्टर होता है एन परपोर्सनल टू वन अपन एल स्क्वायर यानी कि ट्यूनिंग फोर्क की लंबाई जितना ही छोटा ट्यूनिंग फोर्क हो बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी बात समझ समझिए बेटा अब अंदर देखिएगा अंदर क्या है वाई वाई मीन्स क्या बेटा ये एंग मार्डरस है और आई क्या बेटा इनर्सिया रो क्या है डेंसिटी उसकी जिस मेटल से बना हुआ है यानी इसलिए हल्का देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए रो का मान हल्का चाहिए तो इसलिए इसको स्टील या लोहे का नहीं बनाते हैं इसलिए एल्यूमिनियम का बनाते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है तो और ये ये क्या बेटा क्रॉस सेक्शन यानी कि जो प्रांच है बेटा प्रांच का हुआ क्रॉस सेक्शन है नोट करें फाइनल फार्मूला एन कॉन्स्टेंट रो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्रांच बेटा हो गया तो ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है अब दो शब्दों पे आप ध्यान देंगे हमेशा क्या दे दो बेटा दो शब्दों पे ध्यान देंगे कि जब भी कभी कहेगा कि फाइल्ड ना बेटा जब भी कभी कहेगा फाइल फाइल का मतलब कि आ, उसको घिसना और घिस करके जब घिसेंगे तो कुछ आ, कुछ आ, कुछ मास कम हो जाएगा वहाँ पर तो जब भी फाइलिंग होती बेटा या, याद रहे आपको तो जनरली प्रंज पर फाइलिंग होती है जब भी कहेगा कि फाइलिंग किया गया प्रांच या स्टेम नाम न ले तो आपको केवल ये मानना है कि प्रांच पे किया जा रहा है तो फाइल यानी किस पर क्या रहे हैं बेटा प्रॉंच पर ना बेटा फाइल ऑन द प्रांच तो फाइल जब भी की जाएगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है बेटा फ्रीक्वेंसी क्या इंक्रीजेज याद रहेगा बेटा बस इसको याद रखिएगा इस्टेम पे अलग से नहीं पूछता बेटा केवल इसी पर पूछेगा बस तो जब फाइलिंग प्रॉन्च पे की जाएगी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी फाइलिंग पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और दूसरा शब्द आता है लोडिंग तो ना जब भी कभी कहे कि लोडिंग तो लोडिंग क्या मतलब है कि वैक्स मोम मोम थोड़ा सा पेस्ट कर देते हैं ना मोम पेस्ट कर देता वैक्स पेस्टेड तो कभी भी क्या करते बेटा ना कि प्रॉन्च पर मोम पेस्ट कर देते हैं मोम का थोड़ा लेप लगा देंगे या नहीं तो कागज का टुकड़ा पतला सा ले छोटा सा चिपका देंगे उस पर पे। या पेस्टेड ना पेस्टेड ए बीट ऑफ पेपर तो पेस्टेड ए बीट ऑफ पेपर तो यदि तो इसे कहते हैं लोडिंग तो जब भी कभी लोडिंग की जाती है चाहे वो वैक्स से की जाए चाहे वो पे, आ, पेपर का कोई <coughs> टुकड़ा बेटा चिपका दिया जाए तो इन दोनों ही अवस्थाओं में इन दोनों ही केसेज में होता क्या है बेटा तो इन दोनों ही केसे में फ्रीक्वेंसी दो दोनों ही अवस्थाओं में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है ओके okay. फंटास्टिक चलो बेटा अब इतने से ही आपको देखे बीट के, के जो क्वेश्चन होंगे बेटा अब इसी से आप कर सकते हैं अपना ओके okay? देखिए क्या था ये प्रॉन्च और बेटा यहाँ पर तो यह इसका और इसी पर सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे गया हो बेटा अब चलिए देखिए अब जो बेटा होता क्या है एक्चुअली बेटा जब हम जब इसको वाइब्रेट आप कराते हैं ना तो एक्चुअली हो क्या रहा होता है देखिएगा आप थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आइए देखिए बेटा एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि जो बेटा अब ये है आपका आ, ये आपका बेटा है तो प्रांच में देख रहे हैं बेटा की इस तरह से वेव बनती है यानी कि यहाँ पर कौन सी वेव, वेव बन रही है यहाँ पर भी कौन सी वेव बना वेव बेटा ट्रांसवर्स बन रहा ओके अच्छा अब ध्यान दीजिएगा क्या बेटा कि लेट्स लेट चलिए अभी पहले यहाँ पे देखो बेटा देखो दोनों प्रांच में बेटा ट्रांसवर्स वेव बनती है और जो स्टेम है ना देखो बेटा अभी दोनों ये दूसरे के ऑसिलेशन को कैंसिल कर देते हैं समझ बेटा और यह जानते ही है नोट है अच्छा अब देखो ना बेटा इसका अश्लेषण और इसका अश्लेषण दोनों नाइन्टी डिग्री पर होते हैं अब ये कौन सा है स्टेम बेटा स्टेम देख रहे हो ओके अच्छा अब इसमें कौन सी वेब प्रोड्यूज हुई है लॉन्गल वेब प्रोड्यूज हुई है और लॉन्ग वेब कैसे चल रही होती तो ये है बेटा देखिए ना देखिये किस, किस रूप में चल रही होगी बेटा तो यह चल रही है कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन के रूप में चलती है कंप्रेशन और रेयर फैक्शन शुरू में चलती है इसीलिए बेटा यह जो स्टेम होता है ना स्टेम होता है जहाँ पर इसको खड़ा किया जाता है बेटा जहाँ पे खड़ा किया जाता है स्टेम उस पर प्रेशर इंक्रीज करता है तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करता है तो जब इसको हम सोनोमीटर में इसी यही इसी इसी, इसी प्रिंसिपल पे सोनोमीटर में ये काम करता है बेटा तो जब हम कहीं पर ना बेटा जैसे मान लीजिए कि साउंड बाग है कोई यानी कि लकड़ी का कोई बॉक्स है ना? इस आगे आगे इस या इसे बॉक्स इस अब ओके बेटा और यदि हम यहाँ पे लेट स्टेम नहीं बेटा लेट स्टेम बी हियर लाइक दिस यानी कि थोड़ा सा इंटर कर दिया जाए उसमें घुसा दिया जाए थोड़ा सा लकड़ी के बॉक्स में और अब उसको वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर को वहाँ पर रख दिया जाए तो क्या होगा जानते बेटा देखो यह प्रेशर स्टार्ट करता है इस ना तो अंदर ये पूरा का पूरा सभी के सभी जितने भी एयर मालिक्यूल्स होंगे बेटा ये सभी रिजोनेंस में आ जाएंगे धीरे धीरे सभी रिजोनेंस में आ जाएंगे ये सब के सब वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे वाइब्रेट्स कर देंगे और इसके अंदर बहुत ही कम वेव है लेकिन चूंकि प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट करती है बेटा कि यहाँ पर एक लाउड साउंड आपको सुनाई देने लगेगा लाउड साउंड आपको सुनाई देने है बेटा यानी कि ये सब रिजोनेंस में आ जाएंगे सब के सब जब इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी बेटा तो लाउड साउंड सुनाई देगा इसी को कहते हैं रिजोनेंस इसी क्यों क्या कहते हैं बेटा रिजोनेंस कहते हैं तो बेटा रिजोनेंस बॉक्स ए लाउड साउंड विल बी हियर क्लियर बेटा तो ये है फंक्शन तो इसीलिए ट्यूनिंग फोर्क को बेटा बार बार यूज किया जाता है अब कह रहा कि लेट ए सीट प्लेस्ड बिटवीन बोथ प्रॉन्ज देन इट्स ऑसिलेशन इफिशियंटली ना ऑसिलेट इफिशियंटली बेटा यदि दोनों के बीच में यदि एक कोई सीट रख दिया जाए मेटल वगैरह का पतला ना पतला कोई डाइप वगैरह रख दिया बेटा तो वह बहुत ज़्यादा तेजी से ऑसिलेट कर क्यों क्योंकि इसकी भी फ्रिक्वेंसी इसकी भी फ्रिक्वेंसी दोनों फ्रिक्वेंसी बेटा इसको मिलेंगी और ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऑसिलेट करने लगता है बेटा इसी सिद्धांत पर जो बेटा ना लाउड स्पीकर की जो स्क्रीन होती है जहाँ पर बोलते हैं ना बेटा वह इसी सिद्धांत पर काम करता है हो, हो गया बेटा माइक्रोफोन वगैरह इसी सिद्धांत पर काम करते दे बेटा ठीक तो चलो तो यह टूनिंग फोर के विषय में बेटा इन नॉलेज ना बहुत ही ज्यादा नॉलेज हो गया आ जाओ चलो चलो बेटा अब ओके अब देखो बेटा अब यहां से स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल तो चैप्टर थ्योरी बहुत ही कब था थ्यूरी में कुछ है नहीं केवल बस वही बीट क्या होती है फ्रीक्वेंसी क्या होती है कहां से आता है मिनिमा क्या होते हैं मैक्सिमा क्या होते हैं बस चलो अब जब देखना बेटा क्या कह रहा है अब क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि यहां पर बेटा क्या कह बेटा देखना है कि अब कह रहा है बेटा कि यहाँ पर आपको देवटा यहाँ पर दो वेव है देवटा तो अब कह रहा है कि आ, टू वेव्स ना देवटा टू वेव्स सिमल्टेनियसली प्रोड्यूस्ड एट ए प्लेस यानी कि दो वेव है बेटा देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्टिंग के लिए पहले आसान क्वेश्चन से पहला वाई वन वाई वन पहली देव, पहला एनिंग देव, किसी प्लेस पर दो वेव पे प्रोड्यूस होती हैं पहली वाई वन दूसरी वाई टू है वाई वन बराबर कह रहा है कि ये साइन थ्री ट्वेंटी पाई टी दूसरा क्या है ए साइन थ्री ट्वेंटी सिक्स पाई टी अब देखो बेटा कह रहा है कि व्हाट इज बीट पर सेकेंड बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बेटा ये किसकी जगह है ओमेगा की ये भी किसकी जगह बेटा ओमेगा की यानी कि ओमेगा वन बराबर कितना नहीं बेटा ओमेगा वन बराबर कितना थ्री ट्वेंटी पाई और जानते बेटा कि टू पाई एन वन बराबर कितना होता है थ्री ट्वेंटी पाई होता है ना तो एन वन बराबर कितना पाई से पाई हटा दिया बेटा एन वन बराबर कितना हो गया थ्री ट्वेंटी अपॉन टू तो मीन्स कितना जाए बेटा हो गया वन सिक्सटी हो गया अच्छा और इसमें कितना हो जाएगा बेटा इसमें ऐसे ठीक ऐसे ही ओमेगा टू बराबर कितना हो गया देखो कैसे करिएगा क्वेश्चन थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स तो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स पाई जानते बेटा कि टू पाई एन टू बराबर क्या हो गया थ्री ट्वेंटी सिक्स पाई हो गया बेटा पाई से पाई हटा दिया एन टू बराबर कितना हुआ थ्री ट्वेंटी सिक्स टू हो गया बेटा यानी कितना आएगा वन सिक्स थ्री पक्का अब एक की फ्रीक्वेंसी है यह दूसरे की है यह जानते हो बेटा पूछा है क्या बीट पूछा है ना देखो कितना आसान क्वेश्चन होते हैं देखिए तो बीट्स बराबर कितना हो गया बेटा एन वन माइनस एन टू या एन टू माइनस एन वन दोनों का जो भी ज़्यादा होगा उसमें से दूसरे को माइनस कर देंगे बेटा ठीक तो बेटा तो बीट्स क्या हो गया तो बीट्स वन सिक्सटी थ्री माइनस वन सिक्सटी इक्वल टू थ्री क्या थ्री बीट्स पर सेकेंड ओके दैट इज आंसर ओके बेटा तो कोई क्वेश्चन आप एंसर दे देंगे फटाफट देखिए बहुत ही आसान ऐसे कंपेयर कर दीजिएगा ये किसकी जगह है ओमेगा टी यहाँ रहता है ना तो टी देख बेटा ओमेगा टी ना देखिए ओमेगा टी की जगह है ना ओमेगा टी की जगह पर जो भी कुछ लिखा रहेगा आप ही लिख दीजिएगा वैसे ही थ्री ट्वेंटी पाई टी देखिए बेटा देखें बेटा ऐसे ही कर दिए ओमेगा टी की जगह पर देखो क्या लिखा है अब टी से टी तो पहले ही हटा दीजिएगा ऐसे ही अब ओमेगा बराबर क्या टू पाई एन बराबर कितना थ्री ट्वेंटी पाई अब बेटा इसका पाई से पाई अब हट जाएगा अब n बराबर कितना 320 ट्वेंटी अपॉन टू यानी कितना आ गया बेटा n इक्वल टू 160 तो कोई भी क्वेश्चन होगा सॉल्व कर लेंगे अभी इस तरह से ओके अगला क्वेश्चन चलिए क्या कि सोर्स ए प्रोड्यूसेस 5 बीट पर सेकेंड वेन अब देखिए अच्छे तरह समझिएगा चीज़ों को थोड़ा सा बेटा या तो पाँच से जोड़ना होता है या तो पाँच से घटाना होता है लेकिन कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे यही मेन होता है बेटा और जानते हो बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है लेकिन जनरली बच्चे गलत कर देते हैं क्यों उनको पता नहीं रहता है कि कब जोड़ना है कब घटाना है तो आप गलत हो नहीं पाए कोशिश करिए चलिएगा अब देखिएगा तो इसलिए मैं पहले बहुत बेटा देखिए अभी बीट में बहुत टफ भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन अभी मैं बताया ना कि वीडियो के लास्ट में भी तो एडवांस वाले क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन अभी मैं क्या ले रहा हूँ सब एकदम से आई आई में और इसमें नीट में जो आने वाले क्वेश्चन बेटा वही और बिल्कुल उसमें भी सबसे आसान क्वेश्चन से सब है यहीं से सीखेगा और अपना आ, बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग ना मतलब कि कंसेप्ट बिल, बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो चलिए ए सोर्स, सोर्स ए कह रहा बेटा कि ये सोर्स ए है ए सोर्स ए प्रोड्यूसेस फाइव बीट पर सेकेंड ना वेन साउंडेड विथ बी देखो बेटा अब यहाँ पर है मान लो ए और ये यह यहाँ पर है बी ऐसे ही आप भी बनाइएगा एग्जाम में लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको देखिएगा समझिएगा बहुत अच्छी तरह से तो कितना ये दोनों कितना देते बेटा तो ये दोनों देते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितने का बेटा फाइव का फाइव बीट देते हैं दोनों अब इसमें से देखिए कि किसी ए का पता होगा तो किसका पता बेटा विथ बी और द फ्रिक्वेंसी हंड्रेड हर्ड्स बी ऑफ द फ्रीक्वेंसी हंड्रेड बी का फ्रीक्वेंसी बेटा बी की फ्रीक्वेंसी हंड्रेड हर्ट बता रहा है ना क्वेश्चन जब पढ़ेंगे पता चल जाएगा किसका दिया हुआ है तो हंड्रेड हर्ज लेट ए फाइल अब इसकी इसके ऊपर फाइलिंग की जा रही है बेटा कह रहा है कि अब ए फाइल किया जा रहा है देन बीट इंक्रीज कह रहा कि की की है बेटा जब ए की फाइल किए हैं तो अब बीट की संख्या थोड़ी बढ़ गई है ना बीट अब कह रहा है बीट इंक्रीज कर गया तो जब इंक्रीज कर गया तो कुछ पाँच पहले ही था फाइव पहले ही था तो कुछ बढ़ा दीजिए मान लो सेवन हो गया कुछ बढ़ा के चेक कर लीजिएगा तो मान लो सेवन हो गया बेटा क्योंकि संख्या दिया नहीं है तो आपको सोच लेना है कुछ ऐसे सोच बढ़ाइएगा अभी जैसे मैं कर रहा हूँ ओके बेटा तो देन बीट ओके तो बेटा तो लेट ए फाइल देन बीट्स इंक्रीज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कह रहा कि अब ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है ओके अब आपको इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी बेटा अब समझिएगा कि मैं करने क्या जा रहा हूँ कैसे बता रहा हूँ यस yes, अच्छी तरह से बिल्कुल एकदम से हाँ दिमाग एकदम पूरा टाइट चल बेटा देखिएगा जब जब बेटा अब इसकी फ्रीक्वेंसी पता थी हंड्रेड है पक्का इसकी मालूम है ना तो जब इसकी पता है और इसके साथ यह फाइव बीट देता है और जानते बेटा कि बीट मतलब कि एन वन माइनस एन टू तो बेटा देखो तो एन वन माइनस एन टू बराबर कितना फाइव ये है ना बेटा यानी कि अब जैसे मान लो बेटा कि ये इसको मान लू मैं हंड्रेड मान लो कि ये ये हो सकता है ये हो हंड्रेड यदि यह हंड्रेड होते तो जाके प्लस हो जाना है ना वहाँ पर प्लस हो जाना है ना तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता पाँच का डिफरेंस आना चाहिए तो प्लस भी, पर भी आएगा माइनस पर भी आएगा हो गया बेटा चलो अब जा देखिएगा चलो बेटा अब जा देखो बेटा अब ये बताओ बेटा कि जब इसका है हंड्रेड बात समझे बेटा ये है हंड्रेड तो फाइव ये कितना रहे कि पाँच का डिफरेंस दे इसके साथ कितना रहे कि पाँच का डिफरेंस देगा जल्दी बोलिए जल्दी बोलो बेटा जल्दी बोलो कितना रहे कि पाँच का डिफरेंस दे देगी दे इसके साथ है पाँच का डिफरेंस सौ सौ से कितना रहे कि हंड्रेड के साथ फाइव का डिफरेंस दे अरे बहुत सीधी सी बात है या तो नाइन्टी फाइव रहे यानी कि या तो माइनस हंड्रेड हंड्रेड में से फाइव माइनस कर दो या नहीं तो प्लस ज़्यादा रहे या नहीं तो हंड्रेड प्लस फाइव यानी कि वन हंड्रेड फाइव है बेटा दोनों संभावना है ना यदि इस इसकी फ्रीक्वेंसी रहा वन हंड्रेड फाइव तब अभी यह पाँच बीट देगा फाइव बीट देगा और यदि नाइन्टी फाइव इसका है तब भी वह देगा फाइव बीट देगा बेटा तो अब ऑप्शन में आपके दोनों रहेंगे यह भी रहेगा और यह भी रहेगा यही तो फैसला करना है कि कौन सा है इन दोनों में से कौन सा है चलिए अब 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 जादू शुरू होता है बेटा यहाँ से जादू शुरू होता है अब यहाँ से मैं जादू बताने जा रहा हूँ पक्का चलिए चलिए अब आप क्या करिए कि किसी एक पर पेन रख दीजिए हाँ लिखो हमारे साथ लिखिए कॉपी में लिखे नहीं लिखे अभी ऐसे लिखिए अभी ऐसे बना लिए ना बना लिए ऐसे ना बन गया चलिए अब किसी एक पे आप पेन मार दीजिए मारिए किसी पे मार दीजिए कोई भी अभी फैसला हो जाएगा कौन सही है हाँ मान मार दीजिए चलिए किसे हमारे इसे मारे हैं चलिए है? हम भी मार दे रहे हैं उसी पर हो गया अच्छा अब किसी एक पर फैसला करना पेन मार दो बेटा फिंगर किसी है पर रख दो तो पेन किसी पर रख दीजिए रख दिया अब ये देखा जाता है कि ये सही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है और यदि कर रहा है तब तो आपका जो मारे आंसर है और अदरवाइज नहीं कर रहा है इसका मतलब कि गलत हुआ तो इसका मतलब कि दूसरा आंसर है भाई सही हो गया तो यही है और नहीं हुआ तो फिर काट दिया जब इसको तो फिर दूसरा बचाइएगा कौन है दो ही ऑप्शन है ठीक अब कहेंगे कि सर कैसे चेक करेंगे बस आप देखिएगा चेक करिएगा चेक करने के लिए आपको कोई ना कोई दूसरी लाइन अवश्य होगी क्वेश्चन में या तो फाइलिंग बोलेगा या तो लोडिंग बोलेगा यानी कि मेम वो क्या बोलते हैं मोम चिपका दिया या नहीं तो फिर बोलेगा कि कागज का टुकड़ा चिपका दिया तो लोडिंग शब्द बोलेगा या नहीं तो फाइलिंग बोलेगा कि रगड़े हैं रेती से फाइल फाइल मीन्स रेती होती है रगड़ने वाली तो रेती से या कागज़ होता है जो रगड़ने वाला साइकिल ट्यूब बनाते हैं ना ट्यूब का पंचर वचर भी बनाते हैं सब कहते हैं रगड़ने के लिए कागज रेगमाल कागज ना बेटा तो ये दोनों में से कोई न कोई एक शब्द जरूर पूछेगा आपसे आप, आप सोनोमीटर वगैरह वाले क्वेश्चन होंगे तो अभी दूसरा वो अभी और स्टैंडर्ड आएंगे बाद में लेकिन ये सबसे आसान वाले क्वेश्चन है बेटा अभी बात समझ गए अच्छा अब जिस पे किया गया होगा उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है फाइलिंग से भी चेंज होती है जानते बेटा कि और फाइलिंग से भी चेंज होती है और इससे वैक्सीनेशन से भी चेंज होती है अब देखो क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ आपने तो इनका अपना डिसाइड किया है कि हाँ हमारा यही आंसर रहेगा ठीक अब चलिए क्वेश्चन में देखिएगा आप अब कह रहा है कि क्वेश्चन में एक लाइन जरूर होगी अब कहा है फाइल किया गया एक को फाइल किया गया बेटा तो जब इसको फाइल किए हैं आप तो इसकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी जितना भी आपने मान लिया है फ्रिक्वेंसी आंसर तो फाइलिंग के बाद भी ना बेटा वह कुछ घटी होगी कि नहीं पक्का घटी होगी ना चलिए अब जैसा फाइलिंग करिए तो क्योंकि फाइलिंग पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा डिक्रीज़ करती है ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से तो चूँकि फाइलिंग पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है और आपने इसका आंसर वन हंड्रेड फाइव माना था तो कुछ डिक्रीज़ जरूर की होगी मान लिया हमने कि ये सौ बेटा वन हंड्रेड फाइव था ना इसमें से कुछ डिक्रीज करिए मान लो तीन डिक्रीज करिए बेटा यानी कि ज़्यादा इधर से इससे ज़्यादा नहीं डिक्रीज करिएगा बेटा तो मान तो लो कि तीन डिक्रीज करिए बेटा यानी तो अब एक सौ दो हो गई होगी होनी चाहिए अच्छा और कह अब देखो बेटा अब कहा अब होगा उसके साथ कुछ ना कुछ, कुछ कंडीशन बनाया होगा तो कह रहा होगा कि अब बीट वो कितना देता बेटा फाइलिंग के बाद अब फिर से बीट देखना होता है कि फिर से वो बीट इसके साथ में कितना दे रहा है तो अब चलो भाई अब जब फिर से साउंडिंग किया गया दोनों को तो 102 है 102 है बेटा और ये है हंड्रेड अब तो बीट दो आ रहा है बेटा अब तो बीट दो आ रहा है और यहां पर इंक्रीज करने को बोला है यानी कि फाइव पहले था और बोला कि इंक्रीज कर गया है ना बेटा देखेगा ना ए फाइव देन बीट इंक्रीज तो बोला बेटा पहले ही पांच था अब बोला था इंक्रीज करने को तो फा पाँच से जब फाइव से इंक्रीज करेगा तो मान ली एक इंक्रीज करता तो सिक्स होना चाहिए सेवन होना चाहिए एट होना चाहिए इनक्री फाइव से ज़्यादा कुछ होगा ना लेकिन ये तो फाइव से कम हो गया इसका मतलब कि जिसको आप लिए हुए हैं वो क्या हो गया रॉन्ग हो गया यानी सेटिस्फाई नहीं किया कंडीशन को तो आंसर क्या हो बेटा नाइन्टी फाइव नाइन्टी फाइव हो गया यानी कि दिस इज द आंसर अब जो बेटा अब ये कैसे सेटिस्फाई कर रहा है इसको भी चेक कर लीजिए अब आपका सही आंसर बेटा ये गलत हुआ तो यही आंसर है अब ये सेटिस्फाई क्या कर रहा है हाँ कर रहा है क्यों क्योंकि अब दो बेटा जब नाइन्टी फाइव हो चुका है तो दे, 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 फाइलिंग किए हो तो फाइलिंग किए तो नाइन्टी फाइव से मान लो कि बेटा दो कम हो गया मान लो या एक कम हो गया कुछ भी घटा के चेक कर लीजिए तो अब जब दो कम हुआ बेटा तो ये नाइन्टी 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 फाइव है बेटा तो नाइन्टी थ्री मान लीजिए अब हो गया होगा और अब हम फिर इसके साथ कराएंगे हंड्रेड के साथ में तो अब सेवन बीट दे दिया यानी जो माने थे हम लोग वही मिल गया यानी कि आंसर कौन है 95 फाइव तो दिस इज द प्रोसेस दिस इज द प्रोसेस दैट हाउ यू कैन गेट द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन क्या है बेटा मैजिक जादू अब क्लियर हो गए पहले क्या किया फिर से बात बता दूं चलो बेटा पहले क्या किया पहले देखो देख बेटा चलो यहाँ हटा देता हूँ पहले हटा देता हूँ फिर देखो बेटा चलो पूरा हटा दू हाँ अब फिर से सीखना देखो ये एक ट्विटी फोर ए और दूसरा बेटा बी इसकी फ्रीक्वेंसी हंड्रेड इस और ये दोनों आपस में जब एक साथ साउंडिंग कराए जाते हैं बेटा दोनों तो कितने का कितने बीट देते हैं फाइव इसका इसकी संभावना होने की क्या थी बेटा या तो वन हंड्रेड फाइव या तो नाइनटी फाइव ठीक ना भाई तभी ना इसके साथ में इसके साथ में डिफरेंस दोनों का नहीं बेटा इसके साथ डिफरेंस फाइव होना चाहिए तो जब इसके साथ डिफरेंस डिफरेंस मीन्स क्या यानी कि एन वन माइनस एन टू को बीट कहते हैं बेटा ये फाइव दिया हुआ है यानी कि दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस फाइव होना चाहिए तो एक इसमें से हंड्रेड है तो जब एक हंड्रेड है बेटा तो दूसरा क्या हो सकता है या तो या तो या ओके बेटा और हम लोग क्या माने थे बेटा हम लोग माने के पहले अब उल्ट इसको मान के दिखाते इसी को मान लेते पहले तो मान लो बेटा हम लोग माने थे इसको कि चलो अब आप करते क्या इसके बाद में कि दोनों में से किसी ये पे पेन रख दीजिए तो आप बेटा मान लो हमने इस पर पेन रख दिया हमने माना ये मेरा आंसर है कि इसकी फ्रीक्वेंसी एक सौ पाँच है वन हंड्रेड फाइव है चलिए अब बोला है क्वेश्चन में कि इसको फाइल किया गया बेटा तो जब फाइल हम इसको किया बेटा तो फ्रीक्वेंसी कुछ फाइलिंग से गिर जाएगी ना कि या मान लो बेटा कि एक ही कम हो गई हो तो अभी एक हो हो अब एक सौ चार हो गई होगी ना फ्रीक्वेंसी अब इसकी Okay हो गई होगी ना अच्छा और अब देख बेटा कह रहा है कि जब 104 सौ चार अभी सी हो गई तो फिर से दोबारा भी बीट देखना चेक करना है तो दोबारा कह रहा है कि बीट बढ़ा है लेकिन यदि हम 104 कर दें बेटा फिर यदि गिरी है कुछ कम हुई है बेटा कुछ कम हुई है तो इस वन हो गई अब वन से करेंगे तो अब चार ही आएगा लेकिन जब जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोबारा फाइलिंग के बाद बीट बढ़ा है तो बीट बढ़ा है बेटा ऐसा मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में बोल रहा है बढ़ने को और हम लोग का घट रहा है ऐसा मतलब आंसर नहीं हो सकता क्लियर बेटा ये आंसर नहीं हो सकता तो जब ये आंसर नहीं हो सकता बेटा तो किस पर मार दीजिएगा तुरंत फिर चेक नहीं करने जरूरत है जब आंसर नहीं हो तो फिर ये आंसर है ओके दैट इज द आंसर क्लियर हो गया चलिए अब आ जाइए फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चढ़ अब देखिए क्या है अब कह रहा है कि ए फोर ए आफ फ्रीक्वेंसी टू हंड्रेड बेटा कोई है। ए ट्वेंटी फोर के जिसकी फ्रिक्वेंसी टू हंड्रेड है इज साउंडेड विथ अ फोर्क बी बी के साथ साउंडिंग कर रहा है बेटा और प्रोड्यूस फाइव बीट अब ध्यान दीजिएगा बेटा कि ए ट्यूनिंग फोर का ए आफ फ्रिक्वेंसी एफ फ्रीक्वेंसी टू हंड्रेड बेटा अब यह ए है, है और यह बी है ए की फ्रीक्वेंसी टू हंड्रेड है बेटा तो बी का और ये दोनों आपस में कितना बीट दे रहे हैं फाइव बीट तो बीट की संख्या बीट की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है टू हंड्रेड फाइव नहीं तो वन नाइन्टी फाइव हो सकती है बेटा है ना या तो वह या तो वह अब आगे बोल देखिए क्या कह रहा है द नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीजेस टू एट कह रहा बेटा कि अब बीट इंक्रीज कर गया अब बीट बाद में बीट ना पहले पाँच था बेटा देखिए यहाँ पहले पहले कितना बीट है बेटा पहले फाइव बीट है पहले फाइव बीट है दोनों के बीच और अब बीट की संख्या क्या बेटा एट हो गया व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क बी फाइव बाय बाय पुटिंग सम वैक्स ऑन अब ए वाले के ऊपर थोड़ा सा क्या किया वैक्स Vax. वैक्सीनेट कर दिया इसका, वैक्सीनेट कर दिया बेटा वैक्सीनेट में थोड़ा सा मोम लगा दिया इस पर ना बेटा वैक्सीनेट कर दिया यानी कि क्या लगा दिया बेटा थोड़ा सा इसपे मोम लगा दिया तो अभी आप पढ़े होंगे बेटा या अभी आप बताए होंगे वैक्सीनेट करने से क्या था फ्रीक्वेंसी लोडिंग में फ्रीक्वेंसी घट जाती है तो फ्रीक्वेंसी अब इसकी घट गई तो बेटा अब इसकी फ्रीक्वेंसी पक्का घटी होगी घटी होगी ना तो अब ये दो सौ था तो दो सौ में से कुछ भी माइनस कर दिया मान लीजिए वन नाइन्टी एट कर दिया जाए बेटा अब इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ घटी होगी नाइन्टी एट कर दिया जाए बेटा अच्छा और इधर की क्या हालचाल है तो जब बेटा यह है इसकी फ्रीक्वेंसी टू हंड्रेड घट जाए तो इसकी क्या संभावना है टू हंड्रेड फाइव या टू हंड्रेड वन हंड्रेड की संभावना है किसी ये पर पे पेन रख दो बोलिए आप किस पर रख दो किसी पर आँख ब किस पे रख दीजिए चलो बेटा हमारे हमने इस पे पेन रख दिया बेटा किसी पे रख दीजिए अब आपको चेक करना होगा बेटा कि फाइलिंग करने के बाद रिजोनेंस कितना हो रहा है और आपने इसको आंसर माना है अपना चलेगा अब इनके बीच देखिएगा रिजोनेंस कितना हो रहा है बेटा अब ये 198 है और ये 195 है यहीं कितना बी डब दे रहे हैं तीन और बीट यहाँ कितना दे रहा है एक कितना बोला है ये तो एट बोला है बेटा यानी कि बीट यहाँ यहाँ बढ़ रहा है यानी पहले फाइव था वेट हो गया हम लोग का जो बेटा पहले फाइव था, था थ्री हो गया यानी कि जिसको हम आंसर माने बेटा दैट इज नॉट आंसर दैर फोर दिस इज आंसर मीन्स कुछ सोचना नहीं है देखिए एक लाइन में दो सौ पाँच ये आंसर मार देना बेटा अब आप देख लीजिए चेक कर लीजिए कि क्या इस पर सही बैठ रहा है आपका आइए देखिए अब बेटा ये वन नाइनटी एट हो गया ना अरे 205 सौ पाँच आंसर माने है ना बेटा तो यदि 205 सौ पाँच होता तो ये 198 हो गया यानी कि दो और पाँच देखिए बेटा सात हो गया ना सेवन हो गया ना बेटा यानी कि एट बोला ना बेटा सेवन हो गया हम लोग का सेवन यानी एट यानी क्या हुआ बढ़ रहा तो ना तो यदि देखिए बेटा जब यह वन नाइन्टी माने या वन मान लिया जाए कुछ भी मान लीजिए इसको यानी घटा होगा दो से घटा होगा तो दो से कितना घट गया बेटा मान लीजिए कि ये वन हो गया था यानी घटना जीता मर को घटा दीजिए घटेगा ही क्यों क्योंकि बेटा तो है, तो फिर कौन सी घटेगी तो माना कि वन सेवन घटी है तो यदि सेवन घटी बेटा और इसका तो है, है, इस दो सौ देख रहे तो दिस इज दईडिया आइडिया टू गेट एनी आंसर ऑफ द क्वेश्चन ओके चलो नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा ए बेटा क्या वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क ए व्हेन ब्रॉट नियर अदर वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क ऑफ द फ्रिक्वेंसी टू फिफ्टी सिक्स देन प्रोड्यूस फोर बीट पर दोनों सेकेंडा दो दो ए ट्यूनिंग फोर्क ए है और ए दूसरा बी है बेटा और, और किसके पास हम ले जा रहे हैं ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क ये अच्छी तरह पढ़िएगा ठीक ट्वेंटी फोर ए वेन ब्रॉट नियर अदर वाइब्रेटिंग ट्वेंटी फोर का फ्रीक्वेंसी भी यानी जो वाइब्रेट करा पा रहे दो सौ छप्पन इसका बेटा टू फाइव सिक्स अच्छा अब देखिए देन प्रोड्यूसेस फोर बीट दो बेटा अब दोनों आपस में कितना बीट दे रहे हैं इन दोनों के बीच की बीट की संख्या है फोर यानी कि एक बात क्लियर है इसकी दो चांसेज हैं क्या या तो टू तो सिक्सटी होगा फाइव जोड़ दो बेटा टू फिफ्टी सिक्स प्लस फोर होगा या नहीं तो 256 माइनस 4 होगा यानी ये कितना 200 क्या हो जाएगा 252 हो जाएगा बेटा और यहाँ क्या हो जाएगा 260 यानी कि या तो बेटा या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा अब एक लाइन इसको फाइनल करने के लिए एक अगली लाइन जरूर होगी आपके क्वेश्चन में ले बेटा अब क्या कहा? रहा व्हेन इट ब्रॉट नियर टू नी फोर्क ऑफ द फ्रीक्वेंसी टू 50 हर्ट्ज अच्छा देखो बेटा अब एक तीसरे के साथ लेके जाया जा रहा है इसको बेटा देखो तीसरे के साथ ना एक और भी है सी को ही है तो जब तीसरे के साथ ले जा रहा है बेटा और वो कितने का है वो टू फिफ्टी का बेटा देखो ये टू फिफ्टी का है ये तीसरा भी कोई और है तो एक इसको देखो बेटा अब इसी ए वाले को ही एक बार बी के पास ले गए तब चांस इतना मिल रहा था अब हम सी के पास ले जा रहे हैं तो बेटा तो नियर ट्यूनिंग फोर्क ऑफ द फ्रिक्वेंसी टू फिफ्टी हॉर्ट देन प्रोड्यूसेज टू बीट दो बेटा तब दो बीट दे रहा था तो जब हम इसके साथ ले गए हैं ना बेटा तब यह दो बीट दिया है तो दो बीट दिया बेटा तो यानी कि अब क्या चांस हो सकती है ना बेटा क्या चांस हो सकती है सी इसके इससे कंपेयर करें तो क्या चांस आ रही बेटा ऐसे सॉल्व करेगा आप देखिए देख रहे हैं ना बेटा कैसे मैं कर रहा हूँ तब क्या चांसेज बन, चांसे बन रही है बेटा इसके साथ में क्या चांसेज बन रही हैं तो तब इसके इसके, इसके इससे देखा जाए तो चांस बन रही है दो बीट दे रहा है ना, ना दो बीट दे रहा है इसका है टू फिफ्टी दो बीट दे रहा है इसके साथ है वाला बेटा दो बीट यानी कि क्या हो सकता है टू फिफ्टी प्लस या तो टू फिफ्टी माइनस टू हो सकता है बेटा अब देखिए देखना टू फिफ्टी प्लस टू मतलब टू फाइव टू और यहाँ क्या हो गया बेटा टू फोर्टी एट यानी सी के साथ जब हम ए को देखें तो संभावना होती है ए की कितनी या तो इतना हॉर्स और या तो इतना हर्ज ये संभावना होती है बेटा यानी कि एक फ्रीक्वेंसी होने की चार संभावना दिख रही दो इधर से दो उधर से तो दो इधर वाली कितनी है बेटा एक ये है एक ये है और इधर से कितनी संभावना बेटा एक इधर एक इधर है।, है एक ऐसा जरूर डिजिट होगा बेटा जो दोनों में कामन होगा देखेगा टू फिफ्टी टू टू सिक्सटी यहाँ टू फोर्टी टू फिफ्टी यानी कि आंसर कितना होगा बेटा जो दोनों में कॉमन है यानी कि क्या बता रहा है क्या शो कर टू फिफ्टी टू यहाँ भी टू फिफ्टी टू यहां पर भी यानी कि इसका आंसर क्या होगा बेटा तो इसका आंसर हो गया ना टू फिफ्टी टू ओके okay. चेक करिए देखिए ठीक से ठीक से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हाँ देखो बेटा ठीक से हो बेटा कैसे करेंगे क्वेश्चन देखिए देख रहे हैं जो कामन होगा वही आंसर होगा आपका ओके बेटा यहाँ पर ए ट्विनिंग फोर्क का है ए बार बी के साथ बीट देखा और एक बार सी के साथ बीट देखा सी के साथ देखा तो संभावना दोनों लिख दिया जो होने की थी बेटा देखिए 252 और 248 और बी के साथ भी देखा बेटा तो यहाँ पर भी संभावना लिख दिया आपने क्या होने की क्या या तो यह या तो यह अब दोनों संभावना में एक कॉमन डिजिट होगी जो कॉमन डिजिट होगी वही आंसर होगा आपका नेक्स्ट चले अब क्या कह रहा हैं बेटा अब कह रहा है कि ये सोर्स ऑफ द साउंड गिवस फाइव बीट पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद द अनदर सोर्स ऑफ द हंड्रेड हर्ट्स ध्यान दीजिएगा बेटा ए सोर्स ऑफ द साउंड गिवस फाइव बीट पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद एन अदर सोर्स ऑफ हंड्रेडा जैसे मान लो कि किस वन है ये, ये दो सोर्स है बेटा और यह जो दूसरा वाला जिसके साथ किया जा रहा था वो हंड्रेड हर्ज का है और यह बीट कितना मिल रहा बेटा बीट दे रहा है कितना तो बेटा यहाँ फाइव बीट दे रहा है तो ये बात बेटा तो ये बात पक्की हो गई कि इसके होने की संभावना कितनी बेटा फाइव बीट है या तो हंड्रेड प्लस फाइव गया यानी कि वन हंड्रेड फाइव होगा बेटा या नहीं तो हंड्रेड माइनस फाइव यानी कि नाइन्टी फाइव होगा अब क्या कह रहा है इसके बाद देखो बेटा सोर्स ऑफ हंड्रेड हॉर्ज द सकेंड हारमोनिक ऑफ़ द सोर्स विथ एन अदर सोर्स ऑफ द फ्रिक्वेंसी टू हंड्रेड फाइव फर्ज टू हंड्रेड फाइव फर्ज गिफ्ट द फाइव बीट्स पर सेकेंड विदाउ वाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स अच्छा फिर बेटा थोड़ा सा देखो घुमा दिया इसमें तो ये हो गया है सोर्स ऑफ द हंड्रेड अच्छा द सेकेंड हारमोनिक ऑफ द सोर्स दो बेटा इसी का सेकेंड हारमोनिक कह रहा है कह रहा कि इसी का सेकंड हार्मोनिक अच्छा तो इसका सेकंड हार्मोनिक क्या बेटा है कि सेकंड हार्मोनिक आफ द सोर्स विथ अनदर सोर्स विथ अनदर सोर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी टू हंड्रेड फाइव हर्ट्स गिव्स फाइव बीट अच्छा सेकंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स दो बेटा जो सिकेंड दे बेटा कोई दूसरा एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी है टू हंड्रेड फाइव फर्ज एक तीसरा सोर्स बेटा ना एस्तरी मान लिया जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी है टू हंड्रेड फाइव फर्ज ठीक बेटा और कह रहा है कि दो बेटा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कह रहा है कि यह यही वाला सोर्स का सिकेंड हारमोनिक इस सोर्स का सेकेंड हारमोनी का मतलब क्या हो बेटा कि यदि हम इसकी फ्रिक्वेंसी लें यदि इसको मानते हैं आंसर से, तो सेकंड सेकंड इसका हार्मोनिक क्या होगा तो इसका सेकेंड हारमोनी बेटा पीछे स पढ़ चुके हैं ना आर्गन पाइप वगैरह सब पढ़ा दिया बेटा बहुत ज़बरदस्त आर्गन पाइप स्ट्रेच स्ट्रिंग वगैरह नॉन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती हैं सब बेटा इसके जस्ट पढ़ा वाला वीडियो वही है नॉन प्रोग्रेसिव वेव और उससे पूरे नूमेरिकल्स तो हमारी समझ से बेटा आप पढ़े होंगे अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे ना पढ़े हों यदि अभी तो अच्छी तरह से पढ़ डालिए उनको बेटा तो सेकेंड हारमोनिक अभी सब हारमोनिक वगैरह सब उसी में है बेटा ना बेटा हारमोनिक इसका कितना बनेगा बन जाएगा बेटा नाइनटी फाइव इंटू टू जाएगा अठारह उन्नीस अच्छा और इसका सेकेंड हार्मोनिक कितना बने बेटा यदि यह आंसर होता है तो इसका सेकेंड हार्मोनिक देखा जाए क्या बन सकता है बेटा अच्छा अब कह रहा है कि यही इसका सेकंड हारमोनिक किसी दूसरे सोर्स के साथ में ना देता है फाइव बीट अगेन देता है यस yes, देखो बेटा फाइव बीट बोला देने को तो एक सौ नब्बे और दो सौ दस के बीच में बेटा तो कितने के हो गया बीस बीट हो गया ना तो ये तो संभव नहीं है बेटा यानी ये संभव नहीं किसके साथ हो सकता बेटा इसी के साथ हो सकता है दो सौ पाँच के साथ में यानी हो गया बेटा देखो तो फिर क्या कह रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी द सोर्स कि, कि पूछा कि इसकी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है क्या फ्रीक्वेंसी है बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो है तो ये आंसर हाँ okay. so, yes. देखो बेटा क्लियर हो ठीक से क्वेश्चन में देखो लो बेटा पहले क्या है क्वेश्चन एक सोर्स इसके साथ एक सोर्स बेटा हंड्रेड हर्ड वाले सोर्स के साथ में देता फाइव बीट इन दोनों के बीच में जो बीट की संख्या बेटा कितनी है फाइव बीट बेटा तो यानी कि पहले इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी चांसेस वन हंड्रेड फाइव या नाइन्टी फाइव अब फिर यही सोर्स इसका सेकंड हारमोनिक इसका सेकंड हारमोनिक कह रहा कि इसका सेकंड हारमोनिक किसी दूसरे तीसरे सोर्स के साथ टू हंड्रेड फाइव के साथ फिर फाइव बीट देता है तो चांसेस क्या बने बेटा इससे हो नहीं सकता ट्वेंटी बीट हो जाएगा दैट इज आंसर नेक्स्ट क्या बेटा फोर्टी वन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा कभी ट्वेंटी फोर्टी वन कर देता है कभी ट्वेंटी सिक्स कर देता है कभी वन हंड्रेड फाइव का कर देता है तो ऐसे रहेगा ना कोई भी क्वेश्चन डिजिट बदल सकती है प्रोसेस समझिएगा तो फोर्टी क्या बेटा कि फोर्टी वन टूनिंग फोर्क आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रिक्वेंसीच आर ट्यूनिंग फोर्स प्रोड्यूसर्स फाइव बीट्स विद द नेक्स्ट ना? और क्या लेट फर्स्ट एंड लास्ट आर इन ऑक्टेव देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आते हैं कुछ ऑक्टिव जब भी कभी क्या है भी कहे ये शब्द बेटा कि ऑक्टेव शब्द कहीं पर आ जाए तो समझिएगा कि एन टू अपान एन वन का मान टू है और जब कहीं कहे यूनिशन बेटा तब समझिएगा कि किन वन की वैल्यू वन है यानी बेटा यानी कि यूनिशन का मतलब क्या होता बेटा मतलब मतलब यूनिट मतलब होता है कि सेम फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी और ऑक्टिव शब्द का मतलब होता है बेटा ना ये सब म्यूजिक के वर्ड है बेटा और ऑक्टिव शब्द का मतलब होता है कि ट्वाइस फ्रीक्वेंसी एन टू अपॉन एन वन का मान टू होना चाहिए मीन्स कि ट्वाइस फ्रीक्वेंसी है ट्वाइस हो गया बेटा तो ये शब्दों पे ध्यान देंगे कि ऑक्टेव और यूनिशन क्या मतलब होता है हाँ नोट कर ले बेटा ऑक्टिव मींस होता है यान टू यानी कि ट्वाइस एक और दो का रिलेशन हो दोनों के बीच और यहां पर क्या है यूनिशन में सेम फ्रिक्वेंस यानी वन वन का रिलेशन हो होगा बेटा यानी कि वन टू का रिलेशन होगा तब क्या बोलेंगे और वन वन क्या होगा तब क्या होगा वन वन मींस यूनिशन और वन टू मींस ऑक्टिव और सिंपल सी बात है जो ज़्यादा होगा बेटा वह वह टू हो गया जो कम होगा वह वन हो गया चलो बेटा अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में तो ऐसे शब्द आएंगे बेटा ना देख बेटा तो कह रहा है कि फोर्टी वन अब देखेगा यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हैं बहुत सारे ऐसे हैं बेटा ना ऐसे हैं बहुत सारे हैं कितना कितना बेटा मान लीजिए फोर्टी वन है और ये कौन सा बेटा ये फर्स्ट है तो वन और फोर्टी वन के बीच में कितने गैप बनेंगे बेटा कितने गैप बनेंगे ये गैप ये दो के बीच की जगह जो है वो गैप तो कितने गैप्स होते हैं बेटा तो गैप्स हो गए कितना फोर्टी होंगे ना होंगे ना जितना भी ट्यूनिंग फोर्क रहेगा एक कम कर दीजिएगा उससे हमेशा बेटा तो जो गैप की संख्या होगी याद रखिएगा देखिए गैप्स बराबर कितना होगा तो नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स माइनस माइनस वन जितने ट्यूनिंग फोर होंगे उसमें से एक माइनस करेंगे तो गैप की संख्या तुरंत निकल जाएगी हो गया बेटा अब देखिएगा चूंकि दो ट्यूनिंग फोर बेटा देखिएगा दो ट्यूनिंग फोर देते हैं फाइव बीट्स फाइव बीट्स देते हैं बेटा दो ट्यूनिंग फोर कोई भी दो ट्यूनिंग फोर फाइव बीट देते हैं कुल कितने गैप हैं कुल कितने गैप है बेटा कुल कितने में है फोर्टी है ना फोर्टी गैप और दो बेटा तो अब ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे कह रहा है कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बेटा यानी कि इंक्रीजिंग पहला वाला ट्वेनिंग फोर से यह इसका मतलब कि ये इससे ज्यादा और फाइव ये होगा इससे ज्यादा ये वाला होगा फाइव इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी है मींस कि पहले की फ्रीक्वेंसी यदि एन हो ना बेटा एन हो तो दूसरे की ये कन्फर्म है कि दूसरे की एन प्लस फाइव है बेटा तीसरे की एन प्लस फाइव में फाइव फोर जुड़ जाएगा यानी कि एन प्लस टेन है फिर अगले की एन प्लस फिफ्टीन है ऐसे ऐसे कितना फोर्टी वन वाले तक देखना है ओके चलो अब जब देखिएगा पहले की फ्रीक्वेंसी माना एन है तो लास्ट की फ्रीक्वेंसी बेटा यानी कि यह एन वन मान लिया पहला वाला है एन वन माना कितना एन है तो बहुत ही साफ है बेटा कि एक गैप देता है पाँच फाइव तो फोर्टी गैप कितना देंगे तो फोर्टी गैप कितना देगा बेटा फोर्टी गैस के बराबर कितना हो गया फोर्टी इंटू फाइव यानी कितना टू हंड्रेड हर यानी कि जितना पहले का होगा तो लास्ट वाले का उस यदि पहले वाले में बेटा दो सौ जोड़ देंगे तो लास्ट वाला निकल जाएगा क्योंकि फाइव 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 बढ़ते चला गया है और कितनी बार बढ़ा है फोर्टी बार चालीस बार बढ़ा बेटा यानी कि एन टू बराबर कितना हो गया बेटा एन टू बराबर बोलिए एन प्लस टू हंड्रेड हो गया हो गया बेटा देखिए अब आगटिव में है आगटिव में जानते हैं क्या होता है एन टू अपॉन एन वन एक तो कितना एन प्लस टू हंड्रेड बेटा एन अपॉन टू हंड्रेड अपॉन एन और ये कितना बेटा ना और इसका मान कितना ये बराबर कितना दिया बेटा दो दिया ना दो होता है इसकी वैल्यू चलो बेटा इसकी वैल्यू कितना होता है बेटा टू होता है तो देखो तो ये दे बराबर कितना हो गया टू अब देख लो बेटा तो एन प्लस टू हंड्रेड अपॉन एन इक्वल टू टू हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एन प्लस टू हंड्रेड इक्वल टू टू एन बेटा तो एन बराबर कितना हो गया टू हंड्रेड ओके और एन क्या था बेटा पहले वाले का पहले वाले का ना क्या पूछा था, था क्वेश्चन में बेटा देखो बेटा क्या है कि पहले की और लास्ट की फ्रीक्वेंसी बताओ क्या हुआ तो पहले वाले की फिर आपने एन किसका माना था पहले वाले का तो पहले वाले की फिर कौन सी क्या हुई टू हंड्रेड यानी कि एन वन इक्वल टू हो गया बेटा टू हंड्रेड हो गया तो एन टू कितना यानी कि लास्ट वाला कितना हो गया टू तो हंड्रेड प्लस टू टू हंड्रेड मीन्स की फोर हंड्रेड हो गया बेटा ओके तो यानी कि आंसर किससे मारना है आंसर किससे मारना बेटा टू हंड्रेड और फोर हंड्रेड मारना बेटा दिस इज द आंसर नेक्स्ट चलो डा अब देखो क्या के ट्यूनिंग फोर का द फ्रिक्वेंसी फोर एटी हर्ड्स प्रड्यूसेस टेन बीट न एटा टेन बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद द वाइब्रेटिंग सोनोमीटर वायर व्हाट मस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ़ द सोनोमीटर इफ द इफ द स्लाइट इंक्रीज इन द टेंशन प्रोड्यूसेस लोअर बीट पर सेकेंड लेस देन द बिफोर चलो डा आज देखियो अब कैसे करेंगे क्वेश्चन ये एकदम वायस्ट है देखिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन टफ होने लगा बेटा आगे जाएंगे तो बहुत टफ मिलेगा चल बेटा देखिए अब लेकिन करना आपको सब सीखना है देखिए अब आसान वाला सीख गए अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए देखो बेटा अब कह रहा है कि ट्यूनिंग फोर का द्रिक्वेंसी फोर एट्टी गर्ड्स फोर एट्टी हर्ड ए ट्यूनिंग फोर के बेटा एक कोई ट्यूनिंग फोर है बेटा देखो एक कोई ट्यूनिंग फोर बेटा इसी फ्रीकवेंसी है फोर एट्टी गर्ड्स है बेटा ठीक जो दिया पहले लिख दीजिए फोर थर्टी एट है प्रोड्यूसे टेन बीट विथ विथ क्या बेटा क्या बीट पर सेकेंड साउंडेड विथ वाइब्रेटिंग सोनोमीटर वायर चलो बेटा मान लो कि ये सोनोमीटर वायर है ठीक है और इस साथ कितना बीट दे रहा है यह टेन बीट दे रहा है यानी कि सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी होने की चांस कितना हो गई फोर नाइन्टी या नहीं तो फिर कितना बेटा फोर सेवेंटी फोर एटीसा खुद ही है और दस बीट होना है तो या तो प्लस टेन या तो माइनस टेन प्लस टेन फोर नाइन्टी या माइनस तो टेन फोर सेवेंटी चलो और आगे व्हाट मस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर इफ द स्लाइट इंक्रीज इन द टेंशन प्रोड्यूसेस फीवर बेटा पर सेकेंड आ, पर सेकेंड लेस देन द बिफोर ओके अब बेटा वाट मस्ट बीन द फ्रीकुन्सी दोनोमीटर इफ़ द स्लाइट इंक्रीज़ इन द टेंशन ध्यान दीजिए आप स्लाइट इंक्रीज़ इन द टेंशन ना अब ऐसे कोई ना कोई एक शब्द रहेगा दूसरा आंसर फाइनल करने के लिए तो बेटा अब आप क्या करिए देखिए तो अब क्या करें तो किसी के आंसर मान लीजिए किसी पे पेन रख दीजिए चलिए बस वैसे किसी पर रख देना है तुरंत तो सोचना नहीं है कुछ पेन रख दीजिएगा रख दिया बेटा चलिए और अज अब आपने पेन रख दिया बेटा अब देखिए कुछ हो रहा होगा बेटा अब सोनोमीटर में कहा कह रहा है क्या बेटा देखिए ध्यान दीजिएगा अब सोनोमीटर में कह रहा है कि टेंशन स्लाइटली इंक्रीज़ किया टेंशन को तो टी को इंक्रीज किया बेटा और जानते हो कि सोनोमीटर पढ़ा चुका हूँ बेटा पीछे तो बेटा तो सोनोमीटर बराबर उसी फ्रिक्वेंसी क्या होती है वन अपान टू एल सोनोमीटर कह बेटा पीछे पढ़ाया हूँ जस्ट पिछले वाला वीडियो में तो एन बराबर एन बराबर वन अपान टू एल अंडर रूट टी एम ये है सोलो की फ्रीक्वेंसी यानी कि टेंशन को जब इंक्रीज करो बेटा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी ना तो आप टी को बढ़ा रहे हो तो एन बढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए ओके okay. अब ये फाइनल हो बेटा देखो अब यहाँ जब सोलो आ गया तो टेंशन की बात हो रही है और मान लो यदि ट्वेंटी फोर का ही रहता तो या तो फाइल कहता और तो उसे लोडिंग कहता जब ये रहेगा तो टेंशन में कम बेसी कहेगा लंबाई में कम बेसी कुछ कहेगा बोलेगा ओके तो क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा लेकिन कंसेप्ट वही है अब दो बेटा तो अब टेंशन को बढ़ाए तो हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी होगी पक्का बढ़ी होगी अब हमने इसको आंसर माना बेटा तो मान लो बढ़ी होगी तो हम इसको मानते हैं कि अब फोर नाइन्टी है हमारी इन सब माने हुए हैं तो अब फोर नाइन्टी ना बेटा फोर नाइन्टी हमने इसको क्या किया बेटा हमने इसको क्या किया टेंशन को बढ़ाया है तो बढ़ाया है तो मान लो कि प्लस टू बढ़ गया अब कितना हो गया हमारा वन फोटी वन फोर्टी नाइन नहीं क्या वन नाइन्टी टू हो गया बेटा 192 हो गया वन hmm? नाइन्टी हो गया ओके okay. अब जब वो ये वो, जब ये वन 492 फोर्टी फोर हंड्रेड नाइन्टी टू हो गया बेटा ओके तो अब हम फिर से देखते हैं कि बीट पर हमारे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये है हमारे बीट बेटा देखा बेटा ये बीट है तो ये फोर नाइन्टी टू है और ये कितना बेटा फोर एट्टी है नाइन्टी टू और एट्टी यानी कितने का डिफरेंस बेटा ट्वेल्व का डिफरेंस हो गया पहले बीट कितना बन रहा था पहले बीट कितना बना था बेटा पहले बीट बना था टेन अब बीट बन रहा है ट्वेल्व और ये क्या बोला है पर सेकेंड लेस देन बिफोर कह रहा है कि पहले से कम बनना चाहिए तो पहले से कम बना लेस देन बिफोर यानी थोड़ा पहले से कम बना है हम लोग का तो थोड़ा बढ़ गया तो थोड़ा बढ़ गया इस समझ बहुत साफ है कि जिसको लिए हैं बेटा वो आंसर हो ही नहीं सकता यानी कि दूसरा आंसर है पक्का दूसरा आंसर है अब देखिएगा अब दूसरे को चेक कर लीजिए कि ये ये सही बैठ रहा है कि नहीं ये सब देखिए बेटा यानी कि अब पहले तो आंसर डिसाइड हो गया बेटा कि अब आंसर आया 470 हंड्रेड चलिए अब चेक कर लीजिए ये तो यह है फोर बेटा यदि आंसर रहा होता इसका, है इसका फोर जो यदि हम इसको माने होते हैं फोर पहले तो अब कह रहा है कि टेंशन को हम बढ़ाए हैं तो टेंशन को जो बढ़ा तो बढ़ तो तो जब बढ़ा बेटा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी तो बेटा तो जब बढ़ाई होगी तो अब फोर सेवेंटी से कुछ बढ़ा दीजिए मान लीजिए बेटा हमने कह दिया फोर सेवेंटी टू कर दिए फोर सेवेंटी टू कर दिए अच्छा इसका तो फिक्स है बेटा कि इसका ट्यूनिंग फोर का फोर एट्टी है तो फोर सेवनटी टू के साथ अब देखेंगे तो अब कितना हो गया बेटा अब एट हो गया यानी कि पहले टेन था पहले टेन था और अब एट हो गया इसके अकॉर्डिंग सही है क्योंकि कहा है कि टेंशन बढ़ाया गया है तो यह क्या फ्रिक्वेंस बीट क्या है कुछ घटी है लेस देन फीवियर घटी है इसका मतलब कि दिस आंसर फोर सेवेंटी हर्ट्स ओके फैंटास्टिक स्टी चलिए बेटा हाँ एक बात देख लो ठीक से देख लो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेंशन के साथ जब वही क्वेश्चन रहेगा यानी कि अब वहाँ पर फाइलिंग और आ, पेस्टिंग नहीं है ना फाइलिंग और बेटा लोडिंग नहीं है अब सोनोमीटर के साथ में ट्यूनिंग फोर को देगा तो क्या करिएगा प्रोसेस समझ गए आओ नेक्स्ट अब कह रहा है बेटा कि टू आइडेंटिकल सोनोमीटर वायर है फ्रीक्वेंसी फाइव हंड्रेड साइकिल दो बेटा दो सोनोमीटर वायर हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी है फाइव हंड्रेड साइकिल वेन केप्ट अंडर द सेम टेंसन अच्छा अब फिर क्या कर रहा कि वेन टेंसन एंड द लेंथ ऑफ वन वायर इंक्रीज दो परसेंट यानी कि लंबाई भी बढ़ा रहा है ध्यान दीजिएगा और लंबाई भी बढ़ा रहा है बेटा और और क्या कर रहा है और लंबाई भी बढ़ा बेटा और टेंसन भी बढ़ा देखो टेंसन एंड लेंथ एक का दो परसेंट बढ़ा दिया नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस अब कितना होगा बताओ चलो ठीक है बेटा अब देखिएगा यहाँ पर दो मीटर है बेटा मालो कि एक ये है और एक दूसरा बेटा यहाँ ले लिया जाए हो बेटा ये दो, दो है दोनों की फ्रीक्वेंसी बेटा फाइव हंड्रेड से 500 है। और दोनों की बेटा फाइव नो कितना है फाइव हंड्रेड ओके बेटा बेटा फाइव हंड्रेड हर्ज दोनों के फ्रिक्वेंसी बेटा फाइव हंड्रेड हर्ज है अच्छा अब जानते हो कि सोनोमीटर बेटा अब एक इकाई समय से मान लीजिए कि हम लोग इसमें चेंजिंग करने जा रहे हैं टेंशन को कितना बढ़ा बेटा टेंशन को बढ़ा दिया है दो परसेंट ना टेंशन को बढ़ाया है और एल को भी बढ़ा दिया बेटा दो परसेंट पूछ रहा कि अब बीट कितना होगी यानी सीधे शब्दों में कहा जाए कि फ्रिक्वेंसी में चेंज कितना हो गया होगा चलिए कोई बात नहीं आओ देखो बेटा अब हाँ तो जानते बेटा कि एन बराबर क्या होता है न तो एन वन बराबर हमारा पहले क्या बेटा देख लिया जा? एन वन बराबर हम लोग का क्या है वन अपान टू एल है ना अंडर टी अपान एम बेटा ये है फार्मूला हम लोग का चलो तो अब टी टू कितना हो गया बेटा तो टी टू हमारा हुआ टी प्लस कितना दो परसेंट तो दो परसेंट बढ़ाया हो ना तो दो बटे सौ टी. टी का टी प्लस यानी पहले जितना था आई दो इतना बढ़ा हुआ बेटा इतना टी टू अब हमारा हो गया तो टी टू बराबर कितना होगा बेटा ये कितना होगा? गया होगा. हो गया फिफ्टी टी प्लस वन टी फिफ्टी वन टी अपान फिफ्टी होगा बेटा और लेंथ कितना हो गया देखो एल टू बराबर कितना बेटा L प्लस ना? ये भी बढ़ा गया है ये भी बढ़ा हुआ है ना बेटा तो L प्लस एल इंटू क्या L एल आठ दो परसेंट टू अपान हंड्रेड मीन्स की वन अपान फिफ्टी यहाँ पर भी ऐसे ही होगा बेटा तो एल टू बराबर एल प्लस एल प्लस क्या एल अपान फिफ्टी मीन्स फिफ्टी एल फिफ्टी वन एल बेटा देखिए अब नई जो टेंशन है वह ये हो गई और नया जो लेंथ बेटा वो ये हो गया हाँ एक बार चेक कर बेटा कि दोनों बढ़ाए हुए हैं ना टेंशन एंड लेंथ ऑफ द वन वायर इंक्रीज्ड बाई टू परसेंट यस दोनों बढ़े हैं बेटा देखो दोनों में बढ़ाया गया है अब एन टू हम फ्रीक्वेंसी निकालते बेटा तो वन अपान क्या टू एल टू हो गया अंडर रूट टी टू अपान एम में एम तो कॉन्स्टेंट तो है बेटा चलिए अब देख दीजिए एन टू की वैल्यू पुट कर दीजिए तो एन टू बराबर क्या हुआ वन अपान टू इन टू एल टू एल टू का मान कितना बेटा फिफ्टी वन अपान एल नहीं बेटा फिफ्टी वन एल अपान फिफ्टी और टेंशन भी ऐसे ही टी टू कितना बेटा देखो फिफ्टी वन टी फिफ्टी वन टी अपन फिफ्टी और क्या एम और ये है बेटा इसी को सॉल्व कर देना है ठीक है बेटा इसी को आपको सॉल्व करना है बेटा चलिए चलो बेटा अब है तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा काम किया जाए कि इस बेटा ऊपर हम भेज दें इसको तो एन टू बराबर कितना हो रहा है तो एन टू बराबर हो गया हम लोगों का फिफ्टी अपान फिफ्टी वन पहले तो ये हो गया ये ऊपर चला गया फिफ्टी वन और ये जैसे था वन अपान टू यल वैसे कर दें इसे सिस्टमेटिक अच्छा अब यहाँ पे देखना बेटा यहाँ पे है अंडर रूट टी अपान ये हम इसको रहने दें ऐसे और इन टू इसको अलग कर दें फिफ्टी वन अपान फिफ्टी कर दें बेटा नो प्रॉब्लम चलो बेटा अब जा देखना एन टू बराबर कितना हो गया एन टू बराबर अब ये इतना टर्म जो है ना बेटा ये ये तो एनवन है तो बेटा ये तो एनवन के मान है ना तो देखो और एक चीज़ और भी है बेटा कि ये पूरा का पूरा बेटा ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है यहाँ से ना कैंसिल हो रहा है ना देखो यहाँ पे रूट है और यहाँ पे देखो अब ये कितना यहाँ जाएगा ये रूट में आ जाएगा ना आ जाएगा बेटा ये रूट में बचेगा यहाँ पर यानी कि रूट फिफ्टी से फिफ्टी कटेगा तो रूट फिफ्टी हो जाएगा तो रूट फिफ्टी हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा बेटा ये दो बेटा ये यहाँ से कटेगा तो ये रूट फिफ्टी हो जाएगा और यहाँ से ये कटेगा बेटा तो रूट के अंदर फिफ्टी वन हो जाएगा ओके नो no प्रॉब्लम और ये कितना हो गया ये तो यन वन है ही ये तो यन वन है ही बेटा यानी कि एन टू अपन एन वन बराबर कितना है बेटा देखिएगा एन टू अपन एन वन बराबर कितना आ रहा है आ रहा है हम लोगों का फिफ्टी अपन फिफ्टी वन अंडर रूट हो गया मीन्स कि होगा क्या यदि उल्टा किया जाए इसको एन वन एन वन अपान एन टू किया जाए बेटा तो कितना बनेगा तो बनेगा फिफ्टी वन अपॉन फिफ्टी नो प्रॉब्लम ठीक बेटा चलो अब जा देखेगा पूछा कितना चेंज होगा अब इसको हम लोग कर सकते हैं बेटा अब यहाँ करने का तरीका है देखिए क्या है कि अब इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं वन प्लस वन अपॉन फिफ्टी कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे ले सकते हैं वन बाई टू कोई प्रॉब्लम बेटा फिफ्टी वन बाई फिफ्टी कैन बी रिटर्नइज वन प्लस वन अपान फिफ्टी पावर वन बाई टू रूट के बदले वन बाई टू कर दिया बेटा अब जानते हैं बेटा कि एन वन अपान एन टू बराबर कितना हुआ तो ये कितना हो जाएगा बेटा ये बराबर कितना हो जाएगा तो या बाइनोमियल थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बेटा तो वन प्लस कितना वन अपान टू इन टू फिफ्टी होगा बेटा देख रहे हो कैसे सॉल्व हो रहा है बेटा अब दोनों साइड से माइनस वन कर दिया जाए बेटा दोनों साइड से माइनस वन कर दिया जाए बेटा तो यदि एन वन अपान एन टू माइनस वन कर दिया जाए इधर से भी इधर से भी बेटा तो ये आ जाएगा कितना वन अपान हंड्रेड हो गया अब देख देखना बेटा अब एन वन माइनस एन टू अपान एन टू किया जाए बेटा तो ये आ जाएगा कितना वन अपान हंड्रेड ठीक बेटा इस मतब हुआ कि और वैसे देव यहाँ पे कितना रहा है हम लोग का वैल्यू और लो बेटा यदि हाँ हम लोग ऐसे कर देते हैं इस क्वेश्चन में द नंबर ऑफ क्या पूछा रहा है बेटा नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड बेटा अच्छा तो चूंकि दोनों चेंज हुआ ना बेटा एक सेकेंड थोड़ा दूसरे मिथर्स करें तो बड़ा लंबा हो गया और यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो वैल्यू ज़्यादा आ रही है बेटा तो इसको एक सेकेंड देखो बेटा एन बराबर यही है वन अपान टू यल अंडर टी अपन देख रहे हैं बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है सब वन अपान टू ये बेटा अच्छा और हम लोग को या तो वैल्यू किया बेटा इसमें दो पर्सेंट बढ़ाना है इसको तो दो पर्सेंट बढ़ाना बेटा इसका मतलब ये है कि ये दो और ये तो कांस्टेंट इनको हटा दिया जाए तो डेल्टा एन अपान एन बराबर हमको डेल्टा एन चाहिए ना बेटा तो डेल्टा एन अपान एन और पहले फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी पहले फ्रीक्वेंसी बेटा फाइव हंड्रेड साइकिल पर सेकेंड है इसका मतलब ओहोह इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर हाँ नहीं बेटा एक सेकेंड ये बेटा यहाँ पे ना ये तो वैल्यू पता है फाइव हंड्रेड ना बेटा तब तो हम लोग की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहीं से निकल जाएगा क्योंकि हम यहाँ नहीं क्लियर थे बेटा ये वैल्यू दी हुई है तो आप आ जाएगा आंसर बेटा एन टू की वैल्यू चाहिए थी तब तो, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा अंडर विफ्टी अपान क्या अपान फिफ्टी वन है बेटा और हो गया बेटा यहाँ से जो लास्ट आया है वहाँ सही है वो बेटा यहाँ पर आया है हम लोगों का कितना आया है ये वन प्लस है ना बेटा तो वन प्लस फिफ्टी हाँ ठीक है और इन टू टू चाहिए ना बेटा तो ये कितना हो गया डेबटा ये हंड्रेड हो गया वन हंड्रेड वन अपान फिफ्टी है बेटा ए सेकेंड तो इसको हम लिख सकते हैं कि वन प्लस डेवटा ये हंड्रेड हो गया हंड्रेड इन टू वन हंड्रेड वन हंड्रेड वन वन हंड्रेड वन अपान हंड्रेड कर सकते बेटा कर सकते हैं ना चलो देखो अब देखना बेटा हम लोगों को चाहिए तो मिला हम लोगों का क्या कि एन वन अपान एन टू इक्वल टू वन हंड्रेड वन अपान हंड्रेड मिला बेटा ठीक देखना बहुत अच्छा फर्स्ट देखो बेटा एन वन अपान एन टू इक्वल टू बेटा वन पॉइंट ज़ीरो वन मिला हमको एन टू का मान चाहिए था बेटा ठीक एन टू का मान चाहिए था ठीक है ना बेटा तो एन टू की वैल्यू चाहिए थी हम लोगों को तो एन टू बराबर कितना हो गया ये सब मतलब एन टू बराबर हुआ बेटा एन वन एन वन अपान वन पॉइंट जीरो वन ये मिलेगा कितना आएगा वैल्यू इसकी एन टू बराबर ये पाँच सौ है तो ज़्यादा यहाँ पर ये सेकंड बेटा ऊपर से कैसे कैलकुलेसन में छोटे भी हो जाए यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पे देखो ये वाला वैल्यू इसको यूज कर लिया जाए तो हाँ अभी करते रहो मेरे साथ बेटा कैलकुलेट देखो बेटा एन टू बाई एन वन इक्वल टू फिफ्टी अपन रूट फिफ्टी वन है ना यहाँ से हमको चाहिए क्या हमको रेट एन वन पता है एन टू चाहिए तो बेटा एन टू अपान एन वन इक्वल टू कितना है फिफ्टी अपान फिफ्टी अपन कितना बेटा फिफ्टी वन ठीक बेटा ये रूट में है ये यही सॉल्व करना है इसी को सॉल्व करके लाना है इन लोगों को एन टू पता करना है बेटा एन टू बराबर यहाँ से निकाल जा, दिया जाए निकल जाएगा आसानी से एन वन बराबर कितना पाँच सौ दिया बेटा इन टू अंडर रूट ना अंडर रूट फिफ्टी अपान फिफ्टी वन है बेटा तभी थोड़ा ज़्यादा ही आएगा बेटा तभी हम लोग को वैल्यू ज़्यादा आ रही है एक से कम आएगा ये और एक से कम आएगा तो अच्छा सर उठ भी है ना एक मिनट बेटा कितना आ जाएगा यार फिफ्टी अपॉन फिफ्टी वन बराबर कितना हो गया अच्छा इसका मतलब ये होगा एक मिनट बेटा पहले हम इसका स्क्वायर कर दें यदि इसका स्क्वायर कर दें ना बेटा एन टू स्क्वायर कर दूँ और यह रूट हटा दो पहले और तब फिर इसे सॉल्व कर लो तो पाँच सौ पाँच सौ और फिफ्टी हाँ अपॉन फिफ्टी तो फिफ्टी अपॉन फिफ्टी वन करो बेटा ऐसा कुछ ज़्यादा आ रहा बेटा बीट की संख्या दस से कम होनी चाहिए और हम लोग कभी भी कैसे भी करेंगे तो दस से कम नहीं आ रहा है ना दस से कम नहीं आ रहा बेटा तो कहीं और कुछ चल बेटा अभी हम इसको फिर से लेते हैं ना इसको बाद में लिया जाएगा कहीं कुछ ज़्यादा इस एक्चुअल में हम लोग का संख्या चाहिए टेन से कम चाहिए ना बीट है ना बेटा तो और आ रहा है हम लोग का बीट जो क्वेश्चन में दिया है डाटा दिया बेटा उसके हिसाब से पाँच सौ दो आ रहा है हर हाल में ज़्यादा आ रहा है टेंस ज़्यादा आ रहा है बेटा अब दो परसेंट टेंशन और लेंथ दोनों इंक्रीज़ किया बेटा तो दो परसेंट टेंशन भी इंक्रीज़ किए हो ठीक है बेटा हाँ थोड़ा सोच लिया जाए चलो दो परसेंट बेटा दो परसेंट टेंशन भी इंक्रीज़ किए हो तो फार्मूला होता नहीं। नहीं। तो है बेटा कि दो परसेंट टेंसन इंक्रीज किए हो और दो परसेंट इसको भी किए हो ठीक है तो यहाँ पे टेंशन को का इंक्रीज करते तो हो जाता वन बाई टू ना बेटा वन बाई टू हो जाता तो टेंशन इंक्रीज करते वन बाई टू और इन टू डेल्टा टी अपान आ, टी अपान टी बन जाता बेटा परसेंट में इंक्रीज है ओह हो नहीं लिया तो गया परसेंट में ही चलो बेटा आ जाओ और तो आ, डेल्टा टू हो गया बेटा और ये फिर प्लस क्या हुआ डेल्टा एल का हो गया बेटा डेल्टा एल बाई एल तो परसेंट में एक्चुअल में हम परसेंट भी निकाले रहे बेटा तो हो सकता वहां से आंसर आ जाता आ जाएगा बेटा परसेंट में किया जाएगा तो जानते हो ना ये लगभग आ जाएगा हम लोगों का परसेंट बेटा चलो यहाँ से देख लेते फिर से चेक कर लेते हैं डेल्टा टी हाफ इंटू टू परसेंट होगा बेटा और प्लस ये कितना है ये भी दो परसेंट है बेटा दो परसेंट ठीक है तो दो परसेंट अभी है चलो बेटा नहीं यहाँ से नहीं आएगा सुनो चलो बेटा अभी हम इसको बाद में देखते हैं अभी आ जाते बहुत ज़्यादा भी भिन्नू मेरिकल से अब इसका आंसर अभी हम लोग देखा जाएगा ना बेटा देखते हैं कहीं हो सकता है कि दो परसेंट बहाया गया हो किस एक दूसरा वाला एक दो परसेंट कम किया गया भी हो सकता है यदि उसी क्वेश्चन को हम फिर देख देखते हैं अभी है ना बेटा चलो तो कह रहा बेटा कि ये यहाँ पर कह रहा है कि एस आर टेन फोर का प्रोडिसटेंट बिट इन द सिक्स सेकेंड बेटा अच्छा वन साउंडेड विद द स्टेस्ट वायर ऑफ वाइब्रेटिंग अंडर द आइदर दर बेटा तो कह रहा है कि इसके साथ में भी बेटा जब इतना है तब भी और इतना है तब भी वो क्या करना दे रहा है बेटा सिक्स टेन बीट दे रहा है बेटा सिक्स सेकंड में सब बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा देखिए अभी हम पीछे वाला क्वेश्चन फिर अभी सॉल्व किया जाएगा लेकिन थोड़ा आगे जितने भी है इनको पूरा कर लिया जाए चलो बेटा तो अब देखिएगा ये सारे क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल है सब तो क्या कि सर्टेन फोर प्रोड्यूसेस ए सर्टेन फॉर प्रोड्यूसर्स टेन बीट इन सिक्स बेटा ध्यान दीजिएगा टेन, टेन बीट्स इन टेन बीट्स इन कितने देर में सिक्स सेकेंड में बेटा तो यानी ऐसे कर सकते हैं कि सिक्स सेकेंड में कितना टेन बीट्स तो वन सेकेंड में वन सेकेंड में बीट्स सिक्स सेकेंड में तो एक बीट कितने दे बेटा देगी सिक्स सेकेंड में अच्छा तो सिक्स सेकेंड में टेन बीट बेटा तो वन सेकेंड ना तो टेन बाई सिक्स ना? तो टेन बाई सिक्स मीन्स फाइव बाई थ्री बीट्स पर सेकेंड हो गया बेटा बेटा एक सेकेंड कितना हो रहा है तो फाइव बाई थ्री यानी कि फाइव बाई थ्री बीट्स पर सेकेंड मिल रहा बेटा तो बीट की संख्या यानी पहले बीट हमारा हो गया बेटा तो बीट्स बराबर हम लोग के कितने हो गए फाइव बाई थ्री ना बीट्स पर सेकेंड होगा बेटा हो गया चलो अब जा देखना अब देखो बेटा तो दो सिचुएशन में यहाँ देख रहा है टेन बीट सिक्स सेकेंड में ओके okay, बेटा चलो तो हैज साउंडेड विथ देश वायर वाइब्रेटिंग अंडर आई सो मच एंड सो मच व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स चलो बेटा देखिएगा अब ये कोई एक स्ट्रेच्ड वायर है तो जब हम लोग इस पर इस पर बेटा जब हम लगाते हैं कितना टेन पॉइंट टू के जी फोर्स लगाते हैं देखो टेन किलोग्राम टेन कितना टेन के जी या फिर टेन पॉइंट टू है बेटा देखो तो टेन पॉइंट टू किलोग्राम फोर्स लगाते हैं ठीक तब भी किसी ट्यूनिंग फोर्क के साथ बेटा देखिएगा किसी टू कोई ट्यूनिंग फोर्क है और उसके साथ वो बीट देता है कितना सिक्स यानी कि बीट उधर जो बीट देता है वो वही ले लिया जाए जब भी हम लोग निकाले हैं ना कितना बीट देता है बेटा फाइव बाई थ्री फाइव थ्री बीट्स पर सेकेंड बेटा तो ये फाइव बाई थ्री बीट्स तब भी देता है फाइव बाई थ्री बीट्स पर सेकेंड दे रहा बेटा किसी ट्यूनिंग फोर के साथ ठीक दे बेटा यानी कि यह या एक स्ट्रेस्ड वायर बेटा और यह एक कोई ट्यूनिंग फोर्क ले लिया है हम लोग यह एक स्ट्रेस्ड वायर है और ट्यूनिंग फोर्क के यहाँ ले लिया जाए यह कोई एक हमारा ट्यूनिंग फोर्क बेटा ठीक इन दोनों के बीच में जो बीट है बेटा वो है फाइव बाई थ्री बीट्स पर सेकेंड है बेटा ये है ठीक अच्छा अब क्या कह रहा है कह रहा है कि जब फोर्स हम इस पर टेन टेन पॉइंट टू के जी एफ यानी किलोग्राम फोर्स से घटा करके नाइन पॉइंट नाइन कर दे रहे हैं बेटा तो अब एक चीज़ और भी बात है बेटा मान लो बेटा कि मान लीजिए कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी एन है माले तो मान ली ट्यूनिंग फोर की फ्रीक्वेंसी है बेटा तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी होने की क्या चांस है बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी होने की है बेटा क्या यदि यह एन है तो या तो एन प्लस कितना एन प्लस फाइव बाई थ्री होगा या नहीं तो एन माइनस फाइव बाई थ्री होगा बेटा पक्का चलिए आ जा देखिएगा और अब हमने क्या किया बेटा नाइन पॉइंट नाइन किलोग्राम फोर्स लगा दिया नाइन पॉइंट नाइन किलोग्राम अब हमने फोर्स से इस पर बेटा अब यह स्ट्रेच्ड वायर पर वही स्ट्रेच्ड वायर है बेटा देखिए अब हमने फोर्स लगाया नाइन पॉइंट नाइन किलोग्राम फोर्स लगा दिया तो अब फिर उतना ही बीट दे रहा तो फिर उतना ही बीट दे रहे हैं मतलब क्या हुआ बेटा कि अब यानी फिर उतना ही बीट दे रहा है इसके साथ में ना कितना कि फाइव बाई थ्री और क्या है बेटा फाइव बाई थ्री बीट पर सेकेंड फिर उतना ही दे रहा है बेटा और चांसेस क्या बने? चांसेस फिर क्या बन रहे हैं बेटा कि वही एन प्लस फाइव बाई थ्री एक, एक या नहीं तो एन माइनस फाइव बाई थ्री तो एक बात तो पक्का बेटा यदि पहले देखो जब हम जब हम फोर्स कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी जब फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी यानी कि इसके साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जब बढ़ेगी तो ये हो सकती है अच्छा और इसके साथ क्योंकि टेंशन कम हुआ है टेंशन का तो फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए तो घटेगी तो ये हो गया हो गया बेटा अब ये बात क्लियर हो गई कि एन प्लस बेटा तो एन प्लस फाइव बाई थ्री एन प्लस फाइव बाई, बाई थ्री ओके पहले केस की फ्रीक्वेंसी है तो वन अपान टू रूट उ वन अपान एम हो गया बेटा ओके अच्छा अब दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी है एन माइनस फाइव बाई थ्री है बेटा उसी तो फ्रीक्वेंसी तब फिर कितना है वन अपान टू या अंडर रूट टी टू अपन या बेटा अब इन दोनों को सॉल्व करना बेटा तो इन दोनों को सॉल्व करना तो एन प्लस फाइव बाई थ्री अपान एन माइनस फाइव बाई थ्री इक्वल टू बेटा ये यहाँ से कैंसिल होगा ये यहाँ से कैंसिल होगा और आया अंडर रूट कितना टी वन अपान टी टू आया बेटा हो गया चलिए अब इसको और छोटा करिए बेटा अब इसको छोटा करिए और चलिए बेटा ये थ्री हो गया नहीं करता अब ये होगा थ्री एन प्लस फाइव अपान थ्री अपान क्या हुआ थ्री एन माइनस फाइव बेटा अपान थ्री हो गया इक्वल टू तो कितना होगा इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू रख दिया टी वन वाला कितना वैल्यू था बेटा टी वन था टेन पॉइंट टू शायद था तो टेन पॉइंट टेन पॉइंट टू इन जी का मान रख देंगे किलोग्राम है से किलोग्राम फोर्स है तो जी से मल्टीप्लाई करें न्यूटन बन जाएगा तो टू इंटू बेटा टेन से मल्टीप्लाई करें न्यूटन बन गया और ये था नाइन पॉइंट नाइन था एक शायद हाँ नाइन पॉइंट नाइन था बेटा तो नाइन पॉइंट नाइन में जी से मल्टीप्लाई कर देंगे आप ना तो अब ये न्यूटन ए भी बन गया और न्यूटन ए भी बन गया बेटा और इधर से भी कैंसिल हुआ आया कितना थ्री एन प्लस फाइव अपॉन थ्री एन माइनस फाइव एक पट कितना हुआ बेटा इक्व टू तो अभी सॉल्व करना है तो ए हो गया अंडर रूट वन हंड्रेड टू अपॉन नाइन्टी नाइन हो गया बेटा हो गया अब इसको सॉल्व कर दीजिए चल बेटा अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक सौ दो में नाइन्टी नाइन से डिवाइड कर दो बेटा कितना रहा एक सौ दो में नाइन्टी नाइन से डिवाइड कर दो बेटा तो नाइन्टी नाइन और यहाँ के कितना जाएगा थ्री थ्री हो गया पॉइंट लगाया बेटा जीरो बनाया डिवीजन नहीं हुआ तो जीरो बढ़ा दिया और एक जीरो लगा दिया और हो गया थ्री से मल्टीप्लाई किया बेटा इसमें तो ये हो जाएगा टू नाइन सेवन हो जाएगा बेटा वन पॉइंट जीरो थ्री है बेटा तो ये आया थ्री एन प्लस फाइव अपान थ्री एन माइनस फाइव इक्वल टू अंडर रूट वन पॉइंट जीरो थ्री आया बेटा और वन पॉइंट ज़ीरो थ्री का यदि रूट लेंगे तो कितना जाएगा वन पॉइंट जीरो टू आ जाएगा सर आना चाहिए वन पॉइंट ज़ीरो टू आ जाएगा शायद हाँ वन पॉइंट जीरो थ्री का रूट लो बेटा तो थ्री एन प्लस फाइव अपॉन थ्री एन माइनस फाइव इक्वल टू बेटा और ये आएगा लगभग वन पॉइंट ज़ीरो टू आना चाहिए बेटा वन पॉइंट ज़ीरो टू चेक कर लें क्या ज़ीरो टू पॉइंट ज़ीरो टू हाँ वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो टू लिया जाएगा तो आ जाएगा वन पॉइंट जीरो फोर वन पॉइंट जीरो तो फोर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा पॉइंट जीरो फोर हो गया बेटा वन पॉइंट ज़ीरो फोर आ जाएगा तो वन पॉइंट जीरो इससे थोड़ा सा कम रहेगा ठीक चलिए ले लेते इसी पर लगभग आ जाएगा बेटा ना वन पॉइंट जीरो टू पे सॉल्व कर देते हैं तो दे बेटा तो अपन वन कर दिया जाए तो थ्री एन प्लस फाइव दे बेटा थ्री एन प्लस फाइव इक्वल टू तो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा बेटा तो वन पॉइंट जीरो टू इंटू थ्री एन माइनस वन पॉइंट जीरो टू इंटू फाइव हो जाएगा ठीक है चलो बेटा सॉल्व कर दिया जाए तो थ्री एन प्लस फाइव इक्वल टू यहाँ से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा कितना तीन छः हो गया ठीक ऐसा दो गुड़े तीन माइनस यहाँ से कर दो बेटा फाइव पॉइंट वन ज़ीरो आ जाएगा चलो और छोटा किया जाए तो यह लेटा ये उधर जाएगा ना और ये इधर आ जाएगा तो फाइव पॉइंट वन ज़ीरो प्लस फाइव इधर जाएगा बेटा तो बन जाएगा थ्री पॉइंट ज़ीरो सिक्स एन माइनस थ्री एन बन जाएगा बेटा और ये हो जाएगा टेन पॉइंट वन ज़ीरो

फोर वन हो जाएगा बेटा यहाँ हाँ ये सिक्स वन हो जाएगा बेटा फोर्टी और नाइन नहीं हाँ सिक्स फोर फोर्टी वन हो जाएगा ना बेटा तो सिक्स कितना जाएगा सिक्स सिक्स जा जाएगा थर्टी सिक्स यानी कि बचा फाइव फिर ज़ीरो जब बन जाएगा फाइव और आठ बढ़ जाएगा हाँ एट वन सिक्स एट ठीक वन हो गया सिक्स तो फोर्टी वन हो गया बेटा फोर्टी वन और थर्टी सिक्स हो गया बेटा तो थर्टी सिक्स यानी कि फाइव बचा तो फाइव जीरो हो गया और टू हो गया बेटा टू जीरो हो गया पॉइंट थ्री ना बेटा तो आएगा वन सिक्सटी एट पॉइंट थ्री हर्ट्स के आसपास आएगा बेटा दिस द आंसर मतलब एक प्रॉक्सिस के आएगा ठीक तो ये था बेटा तो बहुत थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है सर मैं कहा था बेटा ना कि लास्ट वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं तो बेटा चलिए तो क्लियर हो गए चलो बेटा देखो क्वेश्चन क्या था आज ये देखिए एक बार फिर से देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को फिर से बारिश दर्शन करिए क्वेश्चन का क्या है कैलकुलेशन लंबा हो जा रहा है बेटा ऐसे क्वेश्चन है सर क्या पढ़ रहे हो <laughs> बीट्स देखो बेटा ए सर्टेन फॉर प्रोड्यूस टेन बीट्स इन द सिक्स सेकेंड सिक्स सेकेंड में बेटा टेन बीट प्रोड्यूस कर रहा है वैन साउंडेड विद देश वायर वाइब्रेटिंग अंडर द इधर देख बेटा इतने पर भी वह इतना ही करता है ना किलोग्राम फोर्स पर उतने पर ही उतना ही करता है इतने पर भी उतना ही करता है अब यह है क्वेश्चन तो अब आपको पहले सोचना है कि किस पर क्या कर रहा है ठीक अच्छा दो सिचुएसन दिए बेटा अब दोनों का आप इक्वेशन बनाएंगे इक्वेशन बना के दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा तो पाए तो टेन बीट सिक्स सेव में देना बेटा तो यानी कि आप बाइसेक पर उल्टा कर दीजिए इसकी सिक्स सेकंड में टेन बीट तो एक सेकंड में कितना बीट फाइव बाई थ्री बीट पर सेकंड पर क्योंकि यूनिट बीट बीट पर सेकंड है ना इसलिए ऐसा किया बेटा अब अब जो बेटा अब यहाँ हमने क्या ले लिया इसके बाद में बेटा अब हमने यहाँ पे ले लिया कि सपोज़ के बेटा कि यह एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है तो यानी कि जो जो फ्रिक्वेंसी होने की चांसेज जो क्या बन रही है एन प्लस जो बेटा जब जब बीट हमको मिल रहा है कितना बेटा जो तो जो बीट मिल रहा है बीट मिल रहा है फाइव बाई थ्री यानी कि जो इस यू इसके साथ में ट्विट फोर के साथ बेटा तो ट्वेंट फोर के साथ में जब बीट मिल रहा है कितना बेटा फाइव बाई थ्री तो इसकी चांसेस क्या बन गई इसी चांसेस क्या बने इसकी चांसेस बनी बेटा कि वन प्लस फाइव बाई थ्री या तो वन माइनस फाइव बाई थ्री जस्ट ऐसे दूसरे वाले पर भी उतना ही बीट है बेटा अब दम देख ले बेटा कि जब फ्रिक्वेंसी चूंकि टेंशन बढ़ाए हो तो टेंशन घटाए हो बेटा तो जब टेंसन घटाए तो हो तो फ्रीक्वेंसी घटी होगी तो घटे हुए टेंशन पर फ्रीक्वेंसी माइनस वाली होगी और बढ़े हुए पर फ्रीक्वेंसी बढ़ी वाली होगी ये वाली होगी हो गया अच्छा अब उसके बाद में क्या करना था बेटा अब जानते हो नहीं बेटा अब जानते हो क्या कि ये फ्रीक्वेंसी बराबर ये हो गया यानी कि बढ़ा हुआ जो बीट है बेटा और फ्रीक्वेंसी टी वन टी वन मीन्स की बढ़ा हुआ है कि वेट कितना है टेन पॉइंट दो किलोग्राम फोर्स बोल रहा है तो किलोग्राम फोर से मतलब बताइए कि टेन जी के साथ में लिया गया है जी की वैल्यू नहीं रखा गया है तो टेन पॉइंट टू इंटू टेन रख दिया बेटा तो हो जाएगा वन हंड्रेड टू हो जाएगा तो एक है एक सौ दो और दूसरा है नाइन्टी नाइन बेटा अब इनको बेटा एक सौ टेन पॉइंट टू इंटू टेन अपान सो मच so अब इसी को लेकर के सॉल्व कर लेना बेटा ठीक अब कुछ नहीं करना है इसी को ले सॉल्व कर देना है अब इसके बाद सॉल्व कर बेटा एन की वैल्यू निकाल देना है बस चलो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़े बड़े हैं बस देवटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ओपन आर्गन पाइप इज अ सडनली क्लोज देवटा कोई ओपन आर्गन पाइप है कह रहा है कि सडनली क्लोज फिच अर रिजल्ट इज अ सेकेंड ओवरटोन ध्यान दीजिएगा आप कैसे कैसे क्वेश्चन है सर फिच अर रिजल्ट इन द रिजल्ट इज अ सेकेंड ओवरटोन क्लोज पाइप इज हंड्रेड हॉर्ज हायर हंड्रेड हॉर्ज हायर हो गया बेटा दैन द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओरिजिनल ओरिजिनल क्या अर्गन पाइप व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ओपन अर्गन पाइप सोचो बेटा कैसे करोगे हाँ ट्राई टू डू बस करो शुरू करो आप लोग भी करो भाई हाँ एक क्वेश्चन करो तब तक कर लिया ट्राई टू डू करिए मस्ती करो बेटा चलो आ जाओ हम ही करें चलो देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यह कोई एक आर्गन पाइप देखना सब खतरनाक क्वेश्चन है बिल्कुल लेकिन यह है कि भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट बेटा प्रैक्टिस केवल प्रैक्टिस कह रहा है एन ओपन आर्गन पाइप इज सडनली क्लोज्ड बेटा ये कोई ओपन आर्गन पाइप था अचानक इसको बंद कर दिया बेटा इसको अचानक बंद कर दिया जब बंद किए तो तुरंत क्या बन गया क्लोज बन गया अब पहले क्या था पहले ओपन था पहले ओपन था ठीक जब ओपन था तो इसी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी थी बी अपान टू एल जब जो क्लोज किया तो कितनी बन गई बी अपान फोर एल अब देखो आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है पीछे रिजल्ट इज द सेकेंड ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप इज हंड्रेड हर्ज हायर देन द फर्स्ट ओवर टोन ऑफ द ओरिजिनल पाइप अब देखो बेटा पहले इसका फर्स्ट ओवर टोन देखो क्या है तो फर्स्ट ओवर टोन कितना होता है बेटा जानते हो कि वी बाई टू एल्व होता है फिर अगली फ्रीक्वेंसी कौन सी मिलती है? सभी हार्मोनिक मिलते हैं ना तो टू वी अपान टू एल्व मिलता है फिर क्या मिलता है थ्री वी अपान टू एल्व मिलता है बेटा तो इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं फंडामेंटल क्या बोलते हैं बेटा इसको या इसी को क्या बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक होता है ना बेटा फंडामेंटली फर्स्ट हार्मोनिक होती है तो ये क्या हो गया बेटा ये है सेकेंड हार्मोनिक तो जो सेकेंड हार्मोनिक होती है वो क्या होती है फर्स्ट ओवरटोन होती है वो सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन होती है बेटा ठीक अब यहां देखना और क्लोज अब देख रहे हैं क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है सेकेंड ओवरटोन ऑफ द क्लोज अब इसका ओवरटोन पहले पता करो कौन सा होता है इसकी फ्रिक्वेंसी बोलो कौन सी होती है वी अपान फोर फिर थ्री वी अपान फोर फिर फाइव वी अपान फोर फिर सेवन वी अपान फोर ये है ठीक बेटा ये है यह है फर्स्ट हारमोनिक फर्स्ट हारमोनिक ये कौन सी है थर्ड हारमोनी कौन से रहा हाँ देखना बेटा ये चलो ये हम लोग का कौन सा बेटा फर्स्ट हारमोनी ओके okay, कोई डाउट नहीं बेटा ये कौन सा बेटा जो संख्या होती है वही हार्मोनिक होता है याद रखना ये कौन सा बेटा थर्ड हार थर्ड हार्मोनिक ये कौन सा है फिफ्थ हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक चल बेटा अब ध्यान देना अब ओवरटोन की बात करते हैं फंडामेंटल के आगे वाली जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है वही ओवरटोन होती है फंडामेंटल फंडामेंटल को छोड़ दो अब काउंटिंग शुरू कर दो ये कौन सी हो गई इसे छोड़ो ये तो फंडामेंटल है फर्स्ट हार्मोनिक छोड़ दो अब ये कौन सा है फर्स्ट ओवर टोन एक कौन सा सेकेंड ओवर टोन ओके बेटा यानी फंडामेंटल को छोड़ करके जो एक्सेस होता है जो एक्सेस होता है वही क्या है वही क्या बेटा जो एक्सेस है वही ओवर है ओवर मीन ज्यादा ओवर टोन तो अब कह रहा है कि सेकेंड ओवर टोन बोला ना सेकेंड ओवर टोन तो ये तो फर्स्ट ओवर टोन है ना थर्ड हारमोनी फर्स्ट ओवर टोन है सेकेंड ओवरटोन ये बेटा तो अब बोला क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकंड ओवरटोन यानी कि फाइव बी अपॉन फोर एल ना बेटा दीजिए देखिए आइए क्या कह रहा है कि सेकंड ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप इज हंड्रेड हर्ज हायर देन द फर्स्ट ओवर टोन ऑफ ओरिजिनल पाइप इसका मतलब ये बेटा कि फाइव बी प्लस फोर एल वैल्यू यहां पर कौन सा सेकेंड हारमोनिक फर्स्ट ओवरटोन कौन इसका बेटा है ना फर्स्ट ओवरटोन क्या बेटा फर्स्ट ओवरटोन है तो फर्स्ट से हंड्रेड ज्यादा है यानी कि टू वी बेटा टू वी अपान कितना टू एल प्लस हंड्रेड भाई ये लाइन क्लियर हुए कह रहा है कि यह कोई और, देखो फिर से सुन लो बाहर कह रहा है कि यह कोई ओपन आग्र पाइप है इसका जब सडन एक इंड बंद कर देते हो क्लोज बना देते हो तो इसका सेकंड हार्मोनिक पहले वाले के सेकंड दो बेटा इसका सेकंड ओवर टोन सेकेंड ओवर टोन पर देखो कहाँ पर है कौन सा ये है तो कह रहा है इसका सेकंड ओवर टोन इसके सेकंड ओवर टोन का से हंड्रेड ज़्यादा है देखो यही सब तो है ना नहीं फर्स्ट ओवरटोन से ज़्यादा देखो देखना फिर से देखो तो बेटा विच रिजल्ट सेकेंड ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप इज हंड्रेड हंड्रेड हर्ज़ हायर <coughs> देन फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओरिजिनल पाइप तो बेटा फर्स्ट ओवरटोन कौन सा है ये तो फंडामेंटल है ये है फर्स्ट ओवरटोन तो टू वी प्लस टू एल में बेटा टू वी प्लस टू एल से सौ ज़्यादा है बैलेंस अब चलो आगे सॉल्व करो अब देखो बेटा फाइव वी ये अपान फोर एल माइनस टू वी अपान टू एल बराबर हंड्रेड ओके चलो आगे आ जाओ अब यहाँ पे नीचे पर मल्टीप्लाई करो फाइव वी अपान फोर एल माइनस दो से मल्टीप्लाई करो नीचे पर फोर वी अपान फोर एल इक्वल टू हंड्रेड दो प्रॉब्लम चलो बेटा <coughs> अब देखना अब देखो ये क्या हो जाएगा वी अपान फोर एन ठीक है बेटा वी अपान फोर एन इक्वल टू हंड्रेड ठीक अब पूछा क्या है आपसे व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप आ जाओ देखो बेटा देखे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पूछा है आपसे ओपन पाइप का और यहाँ पर क्या है यदि तो बेटा अब इसको ऐसे ले सकते हैं वी अपान टू इन टू टू एल अपन हंड्रेड देख रहे हैं बेटा कैसे सॉल्व आते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं अब देखो यह इतना ले लो इसको उधर भेज दो तो वी अपान टू एल इक्वल टू क्या हो गया टू हंड्रेड दैट इज द आंसर और यही जानते हैं बेटा यही फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है तो फंडामेंटल ना फ्रीक्वेंसी आफ ओपन आर्गन पाइप कितना हो गया बेटा कितना दो सौ टू हंड्रेड डेट इज द फंटास्टिक क्या फंटास्टिक एंसर हो गया बेटा तो इसका आंसर क्या है टू हंड्रेड क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से सुन लो एक हारमोन पाइप ओपन है पक्का इसको सडन एक इंड बंद कर दिए हो कर दिया एक इंड सडन बंद कर दिए इसका ओके अब क्या हुआ अब कह रहा है कि बंद करने के बाद अब क्लोज बन गया तो क्लोज का सेकेंड हार्मोनिक, आ, क्लोज का सेकेंड ओवरटोन ओपन वाला जो पहले शुरू में बंद करने के पहले ओपन था उसके फर्स्ट ओवरटोन से हंड्रेड ज्यादा है तो बताओ कि बंद करने के पहले जो ओपन था उसका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या था यस ये था क्वेश्चन बेटा आंसर टू हंड्रेड नेक्स्ट चलो बेटा सभी क्वेश्चन डेंजरस है चल फ्रीक्वेंसी आता है ओपन आर्गन पाइप इज फोर हंड्रेड हर्ट्स इट प्रोड्यूसिंग फाइव बीट पर सेकेंड विथ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग बेटा विथ स्ट्रेच स्ट्रेन फाइव ब्रीड दे रहा है अच्छा तो कह रहा कि विथ स्ट्रेच फेन आर्गन पाइप इमर्स्ड बाय हाफ लेंथ इन द वाटर देन इट प्रोड्यूस बीट विथ द सेम वायर दो बेटा यह एक ओपन आर्गन पाइप है और ये यह एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है ये इसके साथ यह फाइव ब्रीड दे रहा है ना इसके साथ फाइव बीट दे रहा है इसका मतलब ये है कि यदि इसकी फ्रीक्वेंसी एन रही बेटा तो इसकी फ्रीक्वेंसी एन प्लस फाइव होगी या तो एन माइनस फाइव होगी पक्का इसके साथ ये फाइव बीट दे रहा है बेटा है ना अच्छा अब क्या कह रहा है? कह रहा कि इसको हाफ वाटर में डुबा दिया बेटा इसको हाफ वाटर में डुबा दे बेटा हाफ पानी में डुबा दे बेटा तो जानते बेटा कि हाफ जब पानी में डुबा दोगे तो अब ये जान दो क्या हो गया पहले लंबाई जब ओपन था तो लंबाई इतनी थी ना बेटा जब ओपन था तो लंबाई इतनी थी पूरी थी लंबाई दो बेटा पूरी लंबाई थी जब ओपन था तो पूरी लंबाई थी अब डुबाने के बाद ये लंबाई आधी होगी ना हो गई अच्छा और पहले ओपन था अब एक क्लोज बन गया डुबाने से वाटर में ना अब एक क्लोज बन गया बेटा देखो एक क्लोज हो गया ना वाटर हो गया ना वहाँ पे क्लोज हो गया तो दे बेटा अब जो आफ्टर इमरजेंसी बेटा आफ्टर इमर्ज आफ्टर इमर्ज इन वाटर तो क्या बना बेटा क्या बन जाएगा बेटा जो ही इसको पानी में आपने डुबा दिया तो क्या बना तो इट बिकम्स ना नोट करो मेरे साथ में इट बिकम्स क्या क्लोज्ड इट बिकम्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कितने लेंथ का हाफ हाफ लेंथ अच्छा जब ये ओपन था तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी बेटा जब ओपन था तो फ्रीक्वेंसी थी वी अपॉन टू एल थी फ्रीक्वेंसी और अब क्या हुआ अब क्लोज हो गया तो वी अपॉइन टू इन टू एल बाई टू हो गया बेटा अब क्लोज हुआ ना तो क्लोज का फोर होता है ना बेटा बेटा अब देखो यहाँ कट करो तो कितना आ गया बेटा टू येलो ले बेटा यानी यह या ओपन आर्गन पाइप है पानी में जब आधा डुबा दोगे तो ये लंबाई आधी होगी ना तो जितना में एयर होता है खाली वही लिया जाता है जितने में एयर होता है अब तो एयर आधा में इक्वल है और आधा पानी के अंदर चला गया तो अब यह ओपन नहीं रहा अब एक क्लोज डार्गन पाइप हो गया कितने लंबाई का आधे लंबाई का हाफ लंबाई का देखो ना तो एक क्लोज हो गया तो एन सी क्लोज हो गया तो है और NC वी ए और एन सी का फार्मूला क्या बताया क्लोज आर कंपाइन का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी ए पान फोर ई एल होती है तो फोर और लंबाई हो गई ये आधा एल बाई टू दो से कट गया ये तो फिर उतना ही आया दे बेटा ये फिर उतना ही आया जितना डुबाने के पहले था उतना ही आया जितना डुबाने के पहले था इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा वाटर में डुबाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा अभी भी इसकी फ्रीक्वेंसी ए ही है तो अभी भी बीट कितना होगा फाइव ही होगा दैट इज एंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हाफ डुबा देने के बाद बीट में कोई अंतर नहीं पड़ा ना अभी भी फ्रीक्वेंसी फाइव ही है बेटा उतनी ही रहेगी ओके चलो अगला क्वेश्चन चलो बेटा देखो कह रहा है कि देर आर थ्री ट्यूनिंग फॉर ए बी सी फ्रीक्वेंसी ऑफ एज थ्री हंड्रेड फिफ्टी वेन ए एंड बी साउंडेड ना टुगेदर चलो आप लिखते चला जाए बहुत लंबा क्वेश्चन है बेटा चलो तो कह रहा कि ए और बी ए बी सी तीन है बेटा चलो तो ए बी सी तीन है बेटा कह रहा कि देर आर थ्री ट्यूनिंग फॉर ए बी सी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज थ्री फिफ्टी बेटा ए की फ्रीक्वेंसी है थ्री फिफ्टी हट है बेटा और अब क्या कह रहा है वेन ए एंड बी साउंड बेटा ए और बी साउंडेड टुगेदर देन प्रोड्यूसिंग फाइव बीट्स ए और बी फाइव देते हैं बेटा ध्यान दीजिएगा अब बी की चांसेस क्या बने बेटा या तो तीन सौ पैंतालीस ओके या नहीं तो फिर तीन सौ पचपन नो डाउट चलिए अब आगे आ जाओ ए बी फाइव बीट सेकेंड ओके अब क्या करा एंड बी एंड सी देखो बेटा बी एंड सी फोर देते हैं तो अब बी एंड सी फोर देते हैं तो अब हमको किसी को एक आंसर मानना होगा पहले किसी को किसी को ले लिया जाए मान लो बेटा हम लोग ले, ले लेते हैं इसको क्योंकि तब हम बी सी में कंपेयर कर पाएंगे तो यदि हम लोग लेते हैं इसको बेटा तो कह रहा है कि सी के साथ में फोर बीट है ना? फोर तो यानी कि सी के होने की चांसेस क्या होगी बेटा तो सी चार बिट है पैंतालीस है तो पैंतालीस से यानी कि ये कितना हो सकता बेटा या तो थ्री फोर्टी वन या नहीं तो भाई कितना थ्री फोर्टी नाइन दो चांसेज बन थ्री फोर्टी वन या थ्री फोर्टी नाइन की आ जाओ अब चलिएगा अब क्या कह रहा वेन समैक्स देव बेटा अब यहां से क्लियर करना होगा आपको वेन पोस्टेड ना पेस्टेड ऑन ए एंड अगेन साउंडेड B एंड C, then produces two बीट अच्छा A वाले पर लगा रहे हैं B के सी बी और C के साथ में बेटा फिर से चेक कर रहे हैं then it produces two बीट्स two बीट्स per second and six बीट per second. चलो बेटा अब ध्यान दीजिएगा कि अब इस पर पहली बात है बेटा कि A वाले पर क्या किया गया वैक्स Vax. वैक्सीनेट और वैक्सीनेट किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई होगी बेटा कुछ घट गई होगी यानी मान लिया कि थ्री फोर्टी एट हो गई है हट हो गई है कुछ घटा दिया थ्री फिफ्टी में से हो गई अच्छा अब क्या कह रहा है कह रहा है कि बेटा अब बी और सी के साथ फिर से अब यह क्या क्या कितना दे रहा है टू बीट और सिक्स बीट दे रहा बेटा चलिए अब इसके साथ इसको देना है टू बीट टू बीट बेटा और सी के साथ देना है इस किसको बेटा देखिए सी के साथ सी के साथ देना बेटा सिक्स बीट तो बेटा सी के साथ 6 बीट देना है इसको ध्यान दीजिएगा आप तो सी के साथ सिक्स बीट देना बेटा यहाँ थ्री फोर्टी नाइन यदि लेते हैं हम और यह है यहां क्या हैं पहुंचे हैं हम लोग थ्री फोर्टी एट पर पहुँचे हैं और थ्री फोर्टी नाइन लेते हैं बेटा तो बीट पहले बेटा तो बीट की संख्या सिक्स मिली नहीं मिलेगी लेकिन यदि हम लोग इस पर पहुँचते हैं कहाँ पर थ्री फोर्टी वन लेते हैं तो थ्री फोर्टी वन और यह कितना बेटा थ्री फोर्टी एट है यस तो सिक्स सेवन के आसपास मिल रहा है ना इसका मतलब ये हुआ बेटा कि सी का आंसर आया एनसर क्या एन सी बराबर आया थ्री फोर्टी वन हट्स और बेटा थ्री फोर्टी वन आया ओके और बी का कितना आया बेटा थ्री फोर्टी फाइव तो एन बी बेटा तो एन जो लिया गया था वो सही था एन बी बराबर आया बेटा थ्री फोर्टी फाइव फर्स ओके दिस वाज द आंसर चेक करो बेटा ये बात चेक कर, कर। समझो पहले इसको बात को कैसे हो रहा सर देखिए ये थ्री फोर्टी वन कैसे सेटिस्फाई कर रहा देखिए चल बेटा अगला क्वेश्चन हाँ अब देखो बेटा क्या है चलो देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है तो कह रहा है कि एट फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस एन एयर कॉलम प्रोड्यूसेस फोर बीट पर बेटा फोर बीट पर सेकेंड एंड एट ए टेन डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूसेस वन बीट पर बेटा वन बीट पर सेकेंड विथ अ ट्यूनिंग फॉर एयर कॉलम इज एट हायर हायर फ्रीक्वेंसी वट इट इज द फ्रीक्वेंसी फोड्यूसर बीट एंड एट टेन डिग्री प्रोड्यूस बीट विद्यूनिंग एक एयर कॉलम आर्गन पाइप यानी रिजोन ट्यूब है बेटा यह एक रिजोन ट्यूबा और एक यह ट्यूनिंग फोर्क इन दोनों के बीच में बीट कितना हो रहा है बेटा देखो जब फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो बीट की संख्या हो रही है बेटा हाउ मच फोर बीट देखो बेटा तब ये दोनों के बीच में बीट बनते हैं फोर और जब टेम्परेचर हो जाता है टेन डिग्री सेल्सियस तब बीट बनता है वन ये है क्वेश्चन बेटा यानी यदि इसकी फ्रीक्वेंसी हो बेटा यदि इसकी फ्रीक्वेंसी हो एन ना? यदि इसकी फ्रीक्वेंसी हो एन बेटा तो इसकी फ्रीक्वेंसी होने की कितनी चांसेज है बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी होने की चांसेज है एन प्लस फोर है ना? अच्छा और इसकी फ्रीक्वेंसी एन प्लस फोर होगी और जब टेम्परेचर गिर जाएगा तब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटा एन माइनस वन हो जाएगी हो जाएगी बेटा एन प्लस फोर और एन माइनस फोर लेकिन एक बात और बोला है क्वेश्चन में कहा है कि ट्यूनिंग फोर की फ्रीक्वेंसी हमेशा हायर है देखो बेटा एयर काला मीज एट हायर फ्रीक्वेंसी तो हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो बेटा कि पहले इसकी फ्रीक्वेंसी एन प्लस फोर होगी बाद में एन प्लस वन होगी यानी हमेशा एन सी से ज़्यादा ही होगी तो एन प्लस फोर एक बार और एन प्लस वन एक बार अच्छा अब ये जानते बेटा कंसेप्ट क्या है यहाँ पर कि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है एन इक्वल टू वी तो अपान फोर यल होती है यही ना अच्छा अब यहाँ बिलासटी जो होती है बेटा जानते हो कि बिलास्टी साउंड की बिलासटी टेंपरेचर पर डिपेंड करती है तो वी टी बराबर क्या होगा वी नाट वन प्लस एल्फा डेल्टा थीटा होती है बिलासटी बेटा अब आप लोग हम ये पढ़ चुके हो बहुत पहले ही शुरू शुरू में जो पहला जब हम लोग साउंड पढ़े हुए वहीं पढ़ चुके थे क्या कि वी टी बराबर बेटा थ्री हंड्रेड थर्टी टू प्लस थ्री हंड्रेड थर्टी टू इन टू वन अपन टू सेवेंटी थ्री कैलविन में बेटा ए डिग्री सेल्सियस पर ना और इन टू वन बाई टू ये सब प्रूफ किए हैं साउंड वाले में देखना बेटा अच्छी तरह से वहाँ पर देखेगा ठीक है बहुत जबरदस्त वहाँ पर दिया हूँ सब कुछ थ्री हंड्रेड थर्टी टू और प्लस बेटा ये सब साल्व करते हैं तो कितना आया था याद आ रहा है जीरो पॉइंट सिक्स वन मीटर पर सेकेंड मींस करने का सेंस ये बेटा कि जब एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ए डिग्री सेल्सियस तो साउंड की ब्लास्टी जीरो पॉइंट सिक्स वन मीटर पर सेकेंड क्या होती है इनक्रीज कर जाती है जब ए डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जीरो पॉइंट सिक्स पर मीटर पर सेकेंड की टेम्परेचर इंक्रीज करता बेटा ठीक है तो अब जा देख लो आ जाओ अब यहाँ तक क्लियर हो गए बस सब कुछ करना नहीं है देखो बेटा एन प्लस फोर बराबर फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस अपन फोर ठीक एन प्लस वन दूसरा वाला भी टेन कर दो अपान फोर यो दो बेटा दो, देखो अब एन फोर एन प्लस फोर अपान एन प्लस वन ठीक अब बेटा टेम्परेचर बढ़ा है ना एट डिग्री सेल्सियस फिरना बढ़ता है पॉइंट सिक्स वन तो पंद्रह डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा पड़ेगा मल्टीप्लाई कर दो इसमें भी ऐसा ही अब टेन डिग्री सेल्सियस पर तो, तो, तो दो दो तीन सौ तीस तीन सौ तीस साउंड की बिलासिद्धि हुई है तो तीन सौ तीस और प्लस टेन से मल्टीप्लाई कर दो बेटा कर दिया जब फिर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा सो मच हो गया ना लिख लो पहले लाइन इतनी नहीं लिखे हाँ देखो बेटा हर क्वेश्चन अलग टाइप का है हर क्वेश्चन देखो जबरदस्त जब पूरा सेटिंग है क्वेश्चन की सब एक ही जगह थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट है बस ना क्योंकि दो परसेंट बढ़ने पर थोड़ा ज़्यादा वैल्यू आ रही है बस तभी उस टाइप का क्वेश्चन अभी और ले लिया जाएगा हो गया बेटा क्लियर हो गया अब देखो बेटा अब देखो अभी यहाँ ये वाला लीजिए एन प्लस फोर अपन एन प्लस वन और यहाँ पे ले बैठा थ्री थ्री नाइन अपन थ्री थ्री सिक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कर दिया हाँ सॉल्व कर दो बेटा एन के लिए सॉल्व कर दीजिए कितना आ जाएगा सो मच यानी आंसर आया इसका फाइनल थ्री हंड्रेड थर्टी फाइव फर्ट ओके चल रहा नेक्स्ट क्या क्या ट्वेंटी फोर प्रोड्यूस फाइव बीट पर सेकेंड बेटा देखो फाइव बीट पर सेकेंड वेन वाइब्रेट्स विद सोनोमीटर ऑफ द लेंथ ट्वेंटी सेंटीमीटर दो बेटा ट्वेंटी सेंटीमीटर के साथ वाइब्रेट करता है तो फाइव पांच मीट देता है क्या है कि बीटा फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बीट फ्रीक्वेंसी क्या बेटा कि डज नॉट चेंज वेन देंथ बीका बेटा ट्वेंटी वन सेंटीमीटर यदि लन बाइक हो जाता है तभी बीट में चेंज नहीं होता ठीक ऐसे अभी जो वहाँ पर था ना टेन पॉइंट टू वाला उसी के जैसा है अभी चलो बेटा लेट फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर फ्रीक्वेंसी मारा बेटा एन है ठीक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीटर कितना होगा बेटा पाँच मिनट दे रहा है तो चाहिए होगा चाहिए होगा अच्छा लेकिन लंबाई तब कितनी पहले शुरू में लंबाई कितनी ट्वेंटी वन ट्वेंटी सेंटीमीटर थी और बाद में लंबाई कितनी हो रही है बेटा बाद में बीट में कोई चेंज नहीं हो रहा है और बाद में लेंथ कितनी हो गई है ट्वेंटी वन सेंटीमीटर तो अब अभी भी क्या होगा एन प्लस फाइव एन माइनस फाइव लेकिन चूँकि लंबाई बढ़ी है आ, जानते बेटा कि सोनोमीटर में लंबाई बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है यानी कि ट्वेंटी वन सेंटीमीटर पर कितना होना चाहिए थ्री एन माइनस फाइव और ट्वेंटी जब लंबाई कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यानी एन प्लस फाइव ठीक बेटा अब देखो अब इन्हीं दोनों से लेके सॉल्व कर दीजिए बेटा अब ये यहाँ पे अब इन्हीं दोनों पे लेके सॉल्व कर दो दे, बेटा देखो एन माइनस फाइव एन माइनस फाइव और एन प्लस फाइव बेटा दोनों जो फार्मूला आया बेटा बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए वन अपान टू एल एल की लंबाई ट्वेंटी वन ले लीजिए लंबाई बढ़ी फ्रीक्वेंसी घटी और अंडर टी वही इनमें कोई चेंजिंग हुए नहीं एक बार ट्वेंटी के साथ वही डिवाइड कर दो बेटा काट दो इसको ओके बस कुछ करना नहीं कर दे, कर दे, कर, दे बेटा मल्टीप्लाई कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो बेटा इसको ये सब कट गया होगा बचा क्या है ट्वेंटी अपान ट्वेंटी वन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ ट्वेंटी वन से तो ट्वेंटी वन एन माइनस वन हंड्रेड फाइव और यहाँ बेटा इसमें करो ट्वेंटी से ट्वेंटी तो से करिए यहाँ पर ट्वेंटी एन प्लस हंड्रेड ट्वेंटी एन प्लस हंड्रेड हो गया बेटा हो गया बस अब इसको साल करो बेटा ट्वेंटी वन एन माइनस इधर आ जाएगा और ये उधर चला गया बेटा वन हंड्रेड बेटा टू हंड्रेड फाइव टू हंड्रेड फाइव इज द फ्रिक्वेंसी ओके बेटा चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट अब देखो क्या कह रहे बेटा क्या है कि स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ हिंट्स वाइब्रेट इन दीरीज इन द रिजोनेट मोड यानी क्या रहा बेटा कि जो एक स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ इंड आई ब्रिट्स रिजोनेंट मोड ना बेटा रिजोनेंट मोड है बेटा रिजोनेंट मोड विथ सेपरेशन टू सेंटीमीटर बिटवीन का सिक्योरिटी मोड ये बहुत ही बहुत ही टेक्निकल प्रेशर बेटा बहुत ही टफ आई आई टी मेन्स एडवांस के लिए ना बेटा कह रहा है कि ये स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ इंड वाइब्रेट्स इन रिजोनेंट मोड विथ सेपरेशन टू सेंटीमीटर बेटा टू सेंटीमीटर बिटवीन कंसिक्यूटिव नोट दो नोट के बीच ये दूरी बेटा एलेवेंडा बाई टू तो होती है फॉर नेक्स्ट हायर हायर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिस से अगले मोड पर वह वन पॉइंट सिक्स हो जाती है ठीक क्या फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्वेश्चन समझ लो बेटा कह रहा है बेटा ए स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ कह रहा एक स्ट्रिंग है रस्सी है स्ट्रिंग है ना वायर है वायर है रस्सी नहीं वायर तो एक वायर है बेटा जो दोनों इंड पर स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है यानी कि टाइट किया गया है वाइब्रेट इन द रिजोनेंट मोड यानी रिजोनेंस में है विथ ए विथ ए, ए सेपरेशन ऑफ टू तो पॉइंट जीरो सेंटीमीटर बिटवीन बेटा बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटी नोड कह रहा है बेटा कि एक स्ट्रेस्ट स्ट्रिंग है दो नोट के बीच की डिस्टेंस पाई जाती है यह जब वो रिजोनेंस में होता है तो कंसिक्यूटिव नोट के बीच की डिस्टेंस और क्या कि जब अगले हायर रिजोनेंस पर जब हम इसको आइसोलेट कराते हैं यानी कि जब वाइब्रेट करता है वह तब दो नोट के बीच की दूरी बदल करके वन पॉइंट सिक्स हो जाती है ना बेटा अब क्या कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताओ कि रस्सी की लंबाई क्या थी ये वेरी फंड चलो बेटा सपोज़ करो कि एन लूप बन रहा था पहले वाला केस में पहले वाला सपोज भी करें बेटा कि एन लूप बन रहा था ना ये वायर है बेटा कोई वायर है ये वायर है वायर को आप वाइब्रेट कर रहा है तो सपोज करिए कि यह एल लंबाई है और एल एन लूप बन रहा था बेटा तो जानते हो अभी देखने ध्यान दीजिएगा कि लेमडा वन माना कि इसे वेवलेंथ लेमडा वन है तो लेमडा वन अपन टू एन, एन बराबर एल होना चाहिए क्यों देखो बेटा यह एक बेटा यह नोट है ना यानी कि जो जो वहाँ पर हो कि जहाँ पर वायर बंधा होता, होता है वह हमेशा नोट होता है नोट है तो एक नोट और यहाँ ये यह, दो बेटा दो नोट के बीच की डिस्टेंस हमेशा ही लेमडा बाई टू होती है लेमडा बाई टू तो जब लेटा तो लेमडा बाई टू होती है और माना है कि ऐसे ऐसे यन है तो देख लो तो एन इंटू लेमडा अब पहले हम पहली बार तो लेमडा वन मान रहे हैं तो लेंडा वन बाई टू इंटू एन बराबर कितना हुआ एन है ओके अच्छा अब देखो बेटा और ये दिया हुआ है कि दो नोड के बीच की डिस्टेंस टू सेंटीमीटर है और नोड के बीच की डिस्टेंस जानते बेटा कि लेमडा लेमडा बाई टू होती है यानी कि लेमडा वन बाई टू बराबर टू सेंटीमीटर हो गया यानी कि अब देखो बेटा जस्ट ऐसे ही जस्ट ऐसे ही अब दूसरे केस में दूसरे केस में लेमडा टू अपॉइंट टू इन टू अगला हायर यानी कि एन बेटा जब कहीं पर एन लूप बन रहा हो यानी कि कहीं पर भी एन लूप में वाइब्रेशन हो रहा हो तो जस्ट जब अगला हायर मोड बोलेगा तो उसमें एक ही जोड़ दीजिए तो पहले एन लूप बना था अब एन प्लस वन लूप बनेगा तो लेमडा टू अपॉइंट टू इंटू एन प्लस वन इंटू ए वायर की लंबाई में तो कुछ चेंजिंग होना नहीं बेटा तो वही रहेगा तो और ऐसा क्यों होगा क्योंकि फिर वही बात एलेमडा टू बाई टू बराबर वन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर बोला है ना ठीक बेटा आप जाए देख रहे आप पहले वाले से आप एन का मान निकालिए एन का मान निकालेंगे बेटा तो टू एल ऑफ एमडा वन आ जाएगा, जाएगा? यानी टू नहीं क्योंकि यह तो यह इतना बराबर वन पॉइंट सिक्स है तो बेटा एन बराबर एल बाई टू सेंटीमीटर होगा यहाँ से देखिएगा ये वाला देखो एन बाई टू बेटा लेमंडा वन अपान टू इन टू एन बराबर कितना है बेटा एल है और हमको क्या चाहिए बेटा अब देखिए हमको एन की वैल्यू निकालना है तो एन बराबर क्या हुआ एल अपान लेमडा वन अपान टू हुआ बेटा ना तो एन अपान एन बराबर एल लेमडा वन बाई टू मीन्स कितना हुआ बेटा इसका मान कितना है इसके मान है दो सेंटीमीटर ना बेटा हाँ लेटा वन बाई टू बराबर है टू सेंटीमीटर और एक बार कितना हुआ एक बार हुआ एन प्लस वन इक्वल टू क्या एल अपान क्या क्या वन अब आ गया वन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर बेटा अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना बेटा देखिए एक, एक यह और एक यह हो गया ठीक अब पहले वाले बेटा दूसरे वाले में से पहले को माइनस कर दीजिए करिए एन प्लस वन माइनस एन कर दीजिए कर दिया बेटा चलिए अब एल इतना में से इसको माइनस करिए बेटा कर दिया ए एन सेंड कर गया एक आ गया और इधर भी देखिए एल बाहर आप निकाले हुए हैं यहाँ टू हुआ वन पॉइंट सिक्स हुआ आप मल्टीप्लाई करिए नीचे हो गया बेटा यहाँ पहुँच गया एल बाबा कितना नाम बेटा एट सेंटीमीटर बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है हो बेटा क्वेश्चन को चाहें फिर से देख लें हो गया नोट कर लिया आंसर नोट कर लीजिए यहाँ पे हाँ क्वेश्चन के बाद फिर से देखिए आप ये सब आई टी एडवांस बेटा। हाँ एब देखिए क्वेश्चन को ठीक ए स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ इंड वाइब्रेट्स इन रिजोनेंट मोड विथ सेपरेशन टू सेंटीमीटर बिटवीन कंसिक्यूटिव नोड अब अगला लाइन फॉर नेक्स्ट हायर रिजोनेस फ्रीक्वेंसी। दिस सेपरेशन बीकअन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर यानी कि अब दो नोट के बीच की डिस्टेंस पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर हो गई है क्या कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो लेंथ के दूर बेटा कि इस तरह की इस स्ट्रिंग की लंबाई क्या हो सकती है ओके okay, चलो बेटा अच्छी तरह से देखिएगा फिर आप देख लीजिए एक बार हाँ समझिएगा फिर क्या माने बेटा अब माने कि वायर की लंबाई एल है नंबर ऑफ लोप्स एन है तो पहले एक बार एन तो जब लंबाई दो बेटा दो कॉन्सिक्यूरिटी नोट के बीच डिस्टेंस टू सेंटीमीटर है तो लंबाई आपने एन माना और फिर जब वन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर हो गई बेटा तो एन प्लस वन मोड जब हो गया है तो एन पॉइंट उसी को टू के स्थान पे वन पॉइंट सिक्स बोला है तो इक्वेशन कैसे बनेगा देखिए दो लाइन है मेन बाकी सॉल्व कर लीजिए चल बेटा नेक्स्ट चल बेटा ओके आप देखिए यहां पर बेटा सारे क्वेश्चन बहुत ही डेंजरस है ये पुली है और कह रहा है कि इसमें इस पूरा इस डाटा दिया हुआ है बेटा लेंथ ऑफ द वायर ए बी नेवेटा वायर ए बी ए दो पुली के बीच का वन पॉइंट फाइव है मास ऑफ द वायर बिटवीन द है ना बेटा दे देखो मास भी दिया हुआ है मास ऑफ अ वायर बिटवीन पुली इज ट्वेल्व ग्राम ये यहाँ से यहाँ तक बेटा ये ट्वेल्व ग्राम वायर है डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीब्रेशन ऑफ द वायर इन टू लूपेटा ये पी रेस्ट में है तो जब पी रेस्ट हो गया मतलब ए हो गया ये कह रहा है तो ये बेटा ये नोट बन रहा है रेस्ट में रहेगा ही आ जाओ अब जानते बेटा यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में मेन सबसे खासियत ये होती बेटा कि यहाँ पर जो टेंशन होता है टी तो यह इसके रिएक्शन के रूप में है ना इधर बोल बेटा तो टेंशन यहाँ पर कभी कभी होता क्या बच्चे गलती कर देते हैं कि नाइन प्लस नाइन एटीन कर देते हैं एट्टीन नहीं लेना है यह बेटा इतना ही चाहिए हमको ना इतना ही चाहिए ये तो अपने आप यहाँ पर टाइट है यहाँ से जो टेंशन इधर है बेटा वही केवल टेंशन की जरूरत है इसकी ज़रूरत वाइब्रेट कराने के लिए है ही नहीं ये तो स्टाफ वैसा लगा दिया गया बेटा ठीक है ना इसके जगह पर यदि यहाँ पर एक खाली क्लिप लगा देते बेटे ताकि वो स्लाइड ना करे बस यानी सबसे पहली बात तो दे बेटा यहाँ क्या है कि, तो एम, कि टी बराबर एम जी तो टी बराबर कितना होगा बेटा एम नाइन के जी इंटू टेन यानी कि टी बराबर नाइन्टी के जी पहले नाइन्टी के जी नहीं बल्कि नाइन्टी न्यूटन हो गया ना बेटा ये नाइन्टी न्यूटन तो पहला तो पॉइंट ये समझना बेटा कि ये रिएक्शन के रूप में दिया गया है इसको यानी कि टी का मान कितना लेना है चलो और क्या बारह ग्राम और दो सौ पाँच दो बेटा ये लंबाई दी है ये दो सौ पाँच वन पॉइंट फाइव मीटर और ट्वेल्व ग्राम है देखो बेटा मास अपने कैसे निकालोगे तो ये हम जानते बेटा कि एम अपान एल होता है ना तो एम मास पर यूनिट लेंथ तो ट्वेल्व ग्राम अपान एल बाबा करना वन पॉइंट फाइव मीटर मीन्स कि एम बराबर ट्वेल्व इंटू टेन पावर माइनस थ्री अपन वन पॉइंट फाइव इस्माल एम ना बेटा चलो तो इस्लेम का माई वैल्यू निकालो पहले कितना आ, जाए आ जाएगा बेटा एट आ जाएगा एट इंटू टेन पावर माइनस थ्री किलोग्राम पर मीटर होगा बेटा तो टी भी निकाल लिया आपने और एम भी निकाल लिया <coughs> अब क्या करना है कुछ नहीं अब आंसर आ जाएगा वन बेटा एन बराबर एन अपान एन इक्वल टू एल अंडर चलो वन पॉइंट फाइव है ना वन पॉइंट हाँ चलो तो वन पॉइंट फाइव मीटर इंटू अंडर रू टी नाइनटीन यूटर अपान यहाँ पे कितना है बेटा एट इं टू ट्री माइनस थ्री सॉल्व कर दो को तो एन इक्वल टू तो वन अपान इतना थ्री और यहाँ पे कितना हो जाए बेटा ये ऊपर जाएगा तो नाइन इंटू टेन टू पावर फोर बन जाएगा और अपान एट हो गया ठीक है चलिए तो बेटा एन बराबर कितना होगा वन अपान थ्री इन नाइन से यहाँ थ्री आ जाएगा इंटू टेन पावर टू बेटा और अपान टू 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 हो जाएगा ठीक सॉल्व कर दो एल बराबर कितना बेटा सौ हो गया हंड्रेड हंड्रेड अपान टू रूट टू मीन्स कि एन बराबर बेटा एन बराबर कितना हो जाएगा

बेटा तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है हम लोग तो की तो एन की वैल्यू आ जाएगी हम लोग की थर्टी फाइव नियर अबाउट हाँ थर्टी फाइव के आसपास आएगी थर्टी फाइव खर्च ओके बेटा हंड्रेड अपन टू रूट टू तूर करोगे तो टू से फिफ्टी हो गया टू से डिवाइड करेंगे लगभग पैंतीस छत्तीस के आसपास आएगा ना अप्रोक्स ठीक बेटा तो? टा कहीं कोई छोटा तो नहीं है बेटा सही है ठीक हाँ आज बेटा और अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा लास्ट हाँ चौटा यहाँ पर क्या है चौटा ये तो बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है चलो आ जाओ सब ऐसे ही है सारे क्वेश्चन चलो पहले पढ़ा लो कैशन बात ठीक से पढ़ो हूँ पढ़ो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर अभी जो पढ़ो हाँ पढ़िए बेटा इस क्वेश्चन को पढ़िए तो पड़ा ऐसा क्वेश्चन जो डाउट है बेटा तो उसमें आंसर इसका हाँ बेटा क्योंकि तो हम कह रहे कोई डाउट था हमको हाँ बेटा कुछ डाउट था यहाँ पे देखो डाउट नहीं है डाउट बिल्कुल जेनविन डाउट है और जो दिखाएँ तुमको जानते हो क्या डाउट है कहो बेटा सब सही तो है सब कहाँ डाउट है देखो बेटा एक चीज़ है यहाँ पे एक मिनट बेटा यार ध्यान दीचेगा थोड़ा सा हमको डाउट है यहाँ बेटा यह शब्द हम लोग नहीं पढ़े हैं ना बेटा देखो वाइब्रेशन ऑफ वायर इन टू लूप था बेटा ये टू लूप था ना बेटा देखे यदि फंडामेंटल पूछा तो है तो यही आंसर है बेटा हम लोग का जो निकाले हम लोग सही है थर्टी फाइव आएगा तो ये थर्टी फाइव किसका बेटा थर्टी फाइव हम लोग का है ये हो गया फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बेटा थोड़ा तो डाउट आ रहा था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी बेटा जी ना अब पूछा है टू लूप तो जब टू लूप करेगा बेटा तो फ्रिक्वेंसी बेटा अब एक लाइन लिख देना कि फ्रीक्वेंसी वेन वाइब्रेट्स ना इन टू लूप तो जानते बेटा क्या हो जाता ना फ्रीक्वेंसी बेटा यहाँ पर होता है जो सोनोमीटर होता है बेटा या स्टेस्ड वायर जो होता है एन बराबर वन अपान टू एल तो बेटा ये पी होता है नंबर ऑफ लूप अंडर टी अपान एम होता बेटा तो जब फंडामेंटल के लिए पी का मान वन हो जाता है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखो बेटा वन रखे थे वन रखे हैं पी का मान ठीक अब ध्यान देना बेटा इस बात को यहाँ टू लूप बोला था ना बेटा तो यह टू लूपा कम लग रहा था हमको बेटा इसलिए चेक किया हूँ इसको तो P का मान लें बेटा तो चूँकि P बराबर टू है तो हम लोग वन रखे तो थर्टी फाइव आया था तो n बाबा कितना ना हो बेटा टू इंटू थर्टी फाइव क्योंकि पूरी वैल्यू कितनी आई है थर्टी फाइव आई है तो थर्टी फाइव यानी कि सेवेंटी हर्ट यानी कि इसका फाइनल आंसर हुआ बेटा फाइनल टू लूप जब रहेगा यदि फंडामेंटल पूछा है तो वही आंसर थर्टी फाइव रहेगा तो यदि टू लूप पूछेगा बेटा तब इस पर मारना रहेगा निशान तो चूँकि इस क्वेश्चन बेटा टू लूप बोला हुआ है देखना बेटा यहाँ पे दो टू लूप पे बोला बेटा यहाँ पे तो इसलिए हम लोग का आंसर मारना होगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना है बेटा तो 70 पे मारना होगा सेवेंटी हर्ट्स हर्टा ठीक है बाकी सब कुछ ठीक है आ जाओ अगला क्वेश्चन चलो बेटा हाँ अब जा पढ़िएगा इसको ठीक से बहुत डेंजरस क्वेश्चन है बेटा यहाँ कह बेटा कि ये सोलोमीटर वायर इज इन यूनिशन विथ ए ट्यूनिंग फोर्क वेन लेंथ ऑफ द्या कर पढ़ो आगे क्या बेटा कि वेन लेंथ बिटवीन द ब्रिज इज एल एंड एंड मास विच टाइटेन द वायर इज लेटा जो मास जो उसको टाइट किया हुआ वह एम है और ब्रिज दोनों ब्रिज सोलोमीटर में जो दो ब्रिज होते हैं ना उनके बीच की बीस की डिस्टेंस बेटा एल है वेन दिस मास इमर्ज इन वाटर अब क्या कि जब यह वाटर में इमर्ज कर दिया जाएगा बेटा वाटर देन फॉर एडजस्टिंग अगेन द यूनिशन यानी यूनिशन में इन सभी बताया हूँ बेटा यूनिशन में सेम फ्रिक्वेंसी यानी विथनी फ्रीक्वेंसी विथ सेम ट्यूनिंग फॉर्क, ना लेंथ बिटवीन द ब्रिज बिकम्स एल यानी कि अब लंबाई एल हो गई है बेटा ठीक क्या वाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी आर द मास हैंग इन द टर्म ऑफ एल एंड एल दो बेटा आपके आंसर में एल और एल आना होगा एल और एल के में चाहिए अब आइए मैं तो बाइग्राम से पहले समझा दूँ आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है दो बेटा ये एक सोनमीटर वो है बेटा एपरेटस सोन मीटर है ये है ना और जानते बेटा कि यहाँ एक पैन होता है और यहाँ पर एक मास हैंग कर देते हैं ठीक और यहाँ पर ऐसे रह देते हैं ना डायग्राम जस्ट इसे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया हूँ ये सब बेटा दिया हूँ तो यहाँ पर कह रहा कि मास के बोलो सिंपल सा मास है पैन वगैरह नहीं है यहाँ पर ना बेटा तो कह रहा कि मास हैंग किया गया बेटा देखो तो मान लो कि ये बेटा ये एक मास हैंग कर दिया ये मास है और जानते बेटा ये क्या होता बाकी क्या है बाकी का ये सर ठीक ऐसे बंधा हुआ है ये यह यहाँ पे बंधा हुआ वायर ठीक ये है ठीक बेटा और ये लंबाई अभी क्या रहा बेटा कि ये लंबाई भी एल है ये लंबाई यल है बेटा है ना यानी कि लंबाई यल है दो ब्रिज है जानते बेटा कि यहाँ पर ब्रिज लगे होते हैं मीटर स्केल लगी होती है बेटा यहाँ पर ब्रिज होते हैं ऐसे दो ना बी वन और बी टू ठीक बेटा और ये मीटर स्केल लगी होती है तो इनके बेटा तो यह इनके एल है एल इनके बीच के डिस्टेंस में दो ब्रिज के बीच के डिस्टेंस है पूरा वायर नहीं पूरा वायर नहीं दो ब्रिज के बीच का डिस्टेंस है बेटा यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो यह वायर एल है ठीक बेटा अभी प्रेजेंट टाइम में तो जानते हो क्या हो रहा होगा यहाँ पे यहाँ ये एम जी होगा ये क्या होगा बेटा ये टेंशन टी होगा वाइब्रेट कर रहा है वायर और इसी फ्रीक्वेंसी अभी भी जानते हो बेटा पढ़े हो अभी भी कि वन अपान क्या टू एल तो वन नहीं बल्कि पी होता नंबर ऑफ लूप्स अंडर रूट टी अपन स्मॉल एम स्मॉल एम का बेटा वायर का जो वायर है ना यहाँ ऑपरेटिंग जो वायर है तो मास पर यूनिट लेंथ येम क्या बेटा मास पर यूनिट लेंथ बेटा ये है ओके बेटा पहले तो क्लियर हो लीजिए कि हुआ है क्या अच्छा अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में तो कह रहा बेटा कि क्वेश्चन में कह रहा कि अब इसको क्या किया गया यहां पर बेटा एक इसको पानी में डुबा दिया गया है वाटर में डुबा दिया इसको बेटा अब इसको कह रहा है कि इसको बेटा इसको वाटर में डुबा दिया यस yes. कैटा कि वाटर में डुबा दिया तो जब वाटर में डुबाया है इसको तो यह लंबाई बदल करके लंबाई बेटा जब वाटर में डुबाया तो लंबाई बदल करके एल हो गई है पहले एल थी अभी स्मॉल एल हो गई ठीक पहले एल थी अभी स्मॉल एल हो गई कह रहा है कि अब बताओ कि इस मास की स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या थी इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस मास ये था हो गया बेटा चलो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पढ़ हो थक गए हो क्या भाई नहीं ना हाँ थकना मना है थकना बना बेटा हाँ बिल्कुल हो गया चलो अब जा देखना बेटा आ जाओ अब देखो अब यहाँ पर आपकी स्पेशिक ड्यूटी बतानी बेटा पहले चलो अब आ जाओ फटाफट अब साल सन पर चलते हैं एन इक्वल टू क्या बेटा वन अपॉन टू एल अंडर टी वाई जम ये जानते बेटा ये पी है तो फंडामेंटल की यहाँ पर बात है तो वन रहेगा कोई दिक्कत नहीं बेटा देखो वन अपान टू एल्व अब देखो टी ये टी कितना बेटा टेंशन तो टेंसर बेटा जो मास हैंग हम लोग किए हुए हैं ना तो वह वालों उसका गुड़े उसकी डेंसिटी ये मास हो गया और जी तो ये क्या हो गया एम जी अपान इस माले बस हो गया बेटा चलो अब जब वाटर में हैंग कर दी हो तो क्या हुआ है तो इसलिए बेटा पहले हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ा चुके हैं हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोडायनामिक्स ना बेटा देखो सब पूरी फिजिक्स एक है लो लेवल पर जब सोचा जाता है तो कहा जाता है कि ये चैप्टर वन चैप्टर वन चैप्टर, चैप्टर देख रहे हो कि हाइड्रोस्टैटिक्स इसी में है इसी में वेव है इसी में सब है सब मिक्स तो जब हाई स्टैंडर्ड के इक्वेश्स बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं बेटा कि पूरी फिजिक्स ही मिला करके इक्वेशन बनते हैं अब देखिए यहाँ पे अब एंड डेस्क वाला क्या उठा जब वाटर में डुबा दिया तो वन अपॉन टू एयर अब देखो यहाँ पे क्या थ्रस्ट फोर्स अभी पढ़ाया हूँ ना बेटा हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोडायमिक सर्फेस टेंशन विस्का सिटी अभी जस्ट इसे पहले ही दिया हो कुछ ही दिन पहले अभी यही पर दस दिन पहले पंद्रह दिन पहले एक बात है तो टी माइनस एफ टी अपन एम थर्स्ट फोर्स अब टेंशन डिक्रीज कर गया होगा तो अब क्या हो जाएगा बेटा टी का मान रखा बेटा टी यानी टी पहले जो एम था वही वी अपना जानते बेटा कि कहीं पर भी कोई भी बॉडी जब लिक्विड में डुबाई जाती है तो अपने वालूम के बराबर का वालूम डिस्प्लेस करती है तो बेटा वी रो जी वालूम वही रहेगा और अब दे बेटा वी रोजी हटाए गए हटाए गए लिक्विड का वेट ही थ्रस्ट फोर्स होता है अब थ्रस्ट इसे वो फोर्स कहते हो तो वी रोजी अपन एम इस एम में कोई परिवर्तन होना नहीं है क्यों क्योंकि यह तो उसका मास है ना वायर का तो मा, मा वो जो वायर में कोई चेंजिंग नहीं है तो तो वही है अब क्या करना बेटा बस कुछ नहीं एन डैश अपन एन कर दो तो डिवाइड कर दीजिए पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड कर दो बेटा डिवाइड कर दीजिए दिया देखो पहला वाला कौन है बेटा फिर से बात देख लो चलो देखो पहले वाले बेटा जब पानी में नहीं डुबाए थे तब का सिचुएशन सिचुएसन इक्वल टू वन अपन टू एयर कैपिटल एल था तब टी वाई एम सो मच यानी कि वन बाई टू यल बेटा टी का मान रखा वी सिग्मा जी वालो उस जो पत्थर का जो बंधा हुआ है बेटा इस वाले एम हो गया अच्छा देखो जब आप वाटर में डुबा दिया तो थ्रस्ट फोर्स आ गया अब इसको ले लो सॉल्व कर लो हो गया बेटा अब कुछ नहीं सिकेंड बटा फर्स्ट कर दो सेकेंड बेटा फर्स्ट अब चूंकि कहा है यूनिशन एक शब्द देखना बेटा अभी वो समझाए हो ना तो बेटा यहाँ पे शब्द आया है यूनिशन देखो बटा यहाँ पर यह यूनिशन यूनिशन मतलब कि सेम फ्रीक्वेंसी यानी कि दोनों ही सिचुएशन में सेम फ्रीक्वेंसी है बेटा देखो तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन में सेम फ्रिक्वेंसी एन डैश बाई एन बराबर वन हो जाएगा तो क्यों दोनों बराबर है एन डैश बराबर एन वन हो गया बेटा आ स्क्वायर कर दिया वन का स्क्वायर कर दिया स्क्वायर करने से फ़ायदा क्या हो बेटा कि ये सभी तो कट गए हैं अब बचा है यहाँ पर एक यल बचा है ये और यहाँ पर मालियार बचा होगा ना बेटा तो देखो बेटा ये ये बचा होगा और यहाँ पर यहाँ क्या बचा हो बेटा यहाँ बचा हुआ है सिग्मा माइनस रो और यहाँ बचा है सिग्मा तो सिग्मा माइनस रो ये वाला सिग्मा माइनस रो अपान नीचे आएगा सिग्मा ठीक देखो बेटा ठीक से और अब स्क्वायर कर दो इसको स्क्वायर किया हो बेटा रूट हट जाएगा रूट हट गया अब कितना आ गया बेटा देखो ये भी एल स्क्वायर ये इधर आ गया और ये नीचे आ जाएगा तो एल स्क्वायर पान एल स्क्वायर बाबा कितना बचा जो बेटा ये सिग्मा से सिग्मा रो माइनस सिग्मा ठीक हाँ बस अब साल कर लो थोड़ा सा हो गया अब देखना अब आगे बेटा हो गया बेटा अभी इसको ले लो रो बाय सिग्मा ले लो रो सिग्मा इधर आ गए उधर ले जाओ तो वन माइनस एल स्क्वायर पान एल स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर पान एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर लेकिन जानते हैं बेटा अब देखो अब जानते हुए यहाँ पहुँच गए अब जानते बेटा कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है बेटा डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ओके या दूसरा फॉर्मूला कहा जाए डिफिनीसन तो सब पढ़ा तो बेटा पीछे हाइड्रो में पढ़ डालो सब हाँ सब है कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि जो छोटा हो या नहीं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का दूसरा फार्मूला वेट इन एयर अपान वेट इन द लॉस इन वेट इन वाटर वेट इन एयर अपान लॉस ऑफ द वेट इन वाटर यस चलो बेटा देखो अब यहाँ पे सिग्मा अपान रो बराबर क्या बेटा बेटा तो वेट इन सिग्मा डेंसिटी इन द एयर अपन डेंसिटी इन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपान डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एल स्क्वायर अपान एल स्क्वायर सो मच ओके बेटा तो दिस इज द फ्रेंट क्या मेरा बेटा दिस इज फैंटास्टिक एंसर आदर क्वेश्चन स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू एल स्क्वायर नोट करो बेटा आंसर नोट करो पहले जरूरी है एल स्क्वायर पान एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ओके बेटा तो चलिए बेटा तो आज का एपिसोड यहीं रोकते हैं बेटा ठीक है अब बाकी अभी न्यूमेरिकल बहुत है अभी अभी वो बीच वाला जो न्यूमेरिकल बेटा एंसर नहीं मैच कर रहा था आंसर बहुत ज़्यादा आ रहा है ठीक है तो अभी जस्ट इसके बाद वाला जो अभी लेते हैं न्यूमेरिकल्स तो उसमें उस टाइप उस का कुछ और भी अभी न्यूमेरिकल्स बेटा तो अभी उसको लिया जाएगा ओके बेस्ट ऑफ लक फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में और अब हम लोग टॉपिक बचा हुआ बेटा यहाँ पर वेब में इंटरफेरेंस तो अब अब जो हम लेंगे वीडियो बेटा वह इंटरफेरेंस प्लस न्यूमेरिकल्स तो इंटरफेरेंस और न्यूमेरिकल्स में हम लोग फिर अगला जस्ट लेक्चर तुरंत अभी बेटा इसके बाद तुरंत अभी लेते हैं तो ओके तो, बेटा तो बेस्ट ऑफ लक